तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस सस्पेंस और रहस्य से भरे उपन्यास को, जिसका नाम है खाली कारतूस। चैप्टर 1। चपरासी जिस युवती को सुनील के केबिन में छोड़कर गया, वो लगभग 24 साल की लंबी, ऊंची, अनित्य सुंदरी थी। वो सलवार कमीज पहने थी। उसके बाल कटे हुए थे, लेकिन फिर भी कंधों तक लंबे थे। उसने चेहरे पर बड़ा मामूली लेकिन बड़ा सलीके का मेकअप किया हुआ था और वो सूरत से ही सिंधी लग रही थी। तशरीफ रखिए, सुनील बोला। युवती तनिक मुस्कुराई और एक कुर्सी पर बैठ गई। फरमाइए, सुनील बोला। युवती ने एक बार बेचैनी से पहलू बदला और फिर तनिक संकोचपूर्ण स्वर में बोली, आप मिस्टर सुनील है ना? हाँ, मेरा नाम शीला है, शीला ज्ञानचंदानी। हम पहले एक बार मिल चुके हैं। अच्छा? जी हाँ, कोई 3 महीने पहले KL सजनानी साहब की मुगल बाग वाली कोठी में, वहाँ हुई एक पार्टी में। सुनील ने गौर से शीला को देखा। उसे शीला की सूरत कतई जानी पहचानी ना लगी। सजनानी अपनी मुगल बाग वाली राजमहलों जैसी कोठी में बेशुमार पार्टियाँ देता था, क्योंकि पार्टियाँ देना उसकी हॉबी थी और वहाँ बेशुमार लड़कियाँ आती थी। बिना किसी खास वजह के किसी एक पार्टी में आई किसी एक लड़की को याद रख पाना कम से कम सुनील के बस की बात नहीं थी। लगता है आप भूल गए, वो तनिक निराश स्वर में बोली। सुनील खेतपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। सजनानी साहब ने स्वयं हमारा परिचय करवाया था। मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी याददाश्त दगा दे गई। जब परिचय करवाया गया था उस वक्त, माफ़ कीजिएगा, मैं नशे में तो नहीं था? नहीं। मेरे साथ कोई और लड़की तो नहीं थी? नहीं। फिर तो हैरानी है कि मैं आपको भूल गया। कैसे भूल गया? खैर जाने दीजिए, बहरहाल मैं आपके पास एक नहायत ज़रूरी काम से आई हूँ। फरमाइए। बंदा किसी भी खिदमत के लिए हाजिर है। आप सजनानी साहब के दोस्त हैं? मुझे ये फ़ख्र हासिल है। आप उनके अच्छे दोस्त में से हैं? ये बात भी गलत नहीं। क्या आप किसी तरह से मुझे ये मालूम करके दे सकते हैं कि सजनानी साहब कहाँ हैं? कहाँ है क्या मतलब? एक बहुत ज़रूरी वजह से मेरा सजनानी साहब से फ़ौरन मिलना नहायत ज़रूरी है, लेकिन सजनानी साहब कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं पड़ रहा। आपने उनकी कोठी से पता किया? जी हाँ, मालूम हुआ है कि वे 8-10 दिन से वहाँ नहीं हैं। ओह, लेकिन मिस्टर सुनील, सजनानी साहब के मित्र होने के नाते आप ये जानते ही होंगे कि उनका कोठी में ना होना कुछ भी साबित नहीं करता। सजनानी साहब राजनगर में होते हुए भी कई दिन अपनी मुगल बाग वाली कोठी में कदम नहीं रखते। शायद वो अपने यार्ड पर हो। मैंने मालूम किया है वे वहाँ भी नहीं हैं। मैजेस्टिक सर्कल पर सजनानी की कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस है, आपने वहाँ से पूछा होता। मैंने पूछा था, मेरी उनके ऑफिस में मौजूद उनकी सेक्रेटरी मंगला से बात हुई थी। वो मुझे सजनानी साहब के बारे में कुछ भी बताकर देने के लिए तैयार नहीं हुई। वो तो बोली कि मैं अपना काम धाम उसे बता दूँ, वो खबर सजनानी साहब तक पहुँचा देगी और फिर अगर सजनानी साहब चाहेंगे तो खुद मुझसे संपर्क स्थापित कर लेंगे। उसने तो मुझे यहाँ तक नहीं बताया कि सजनानी साहब राजनगर में ही थे या कहीं बाहर गए थे। ऐसे तो सजनानी साहब से संपर्क स्थापित होने में पता नहीं कितना वक्त लगे, जबकि मैं उनसे फ़ौरन मिलना चाहती हूँ। ये मंगला कौन है? मंगला सजनानी साहब के मैजेस्टिक सर्कल वाले ऑफिस में उनकी सेक्रेटरी है। मैंने अभी बताया तो था, वहाँ तो कोई मनोरमा नाम की लड़की हुआ करती थी, अब नहीं है। मनोरमा ने शादी कर ली थी और शादी करने के बाद नौकरी छोड़ दी थी। 1 साल होने को आ रहा है। ओह, शीला खामोश रही। और वो ज़रूरी काम क्या है जिसकी वजह से आपका सजनानी साहब से फ़ौरन मिलना नहायत ज़रूरी है? वो काम आपको समझाने के लिए मुझे आपको एक लंबी कहानी सुनानी पड़ेगी। डिटेल में जाए बिना मोटे तौर पर बताइए क्या किस्सा है। सुनिए, लिंक रोड पर एक छोटा सा होटल है, होटल नीलम। उसमें 12 कमरे हैं और एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, बस। देखा है आपने? देखा ज़रूर होगा, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। आप अपनी बात कहिए। उस होटल में मेरे पिता का 40% का हिस्सा था। हाँ जी हाँ, उसी होटल के चक्कर में 6 महीने पहले मेरे पिता का कत्ल हो गया था। क्या? जी हाँ। क्या नाम था आपके पिता का? गोविंद ज्ञानचंदानी। मुझे याद है उस कत्ल की, लेकिन उस कत्ल के रहस्य पर से तो आज तक पर्दा नहीं उठ सका है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये पता पुलिस आज तक नहीं लगा पाई है कि कत्ल किसने किया था और क्यों किया था। मेरे पिता का कत्ल किसने किया था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन वो कत्ल क्यों हुआ था ये चाहे पुलिस ना जानती हो, चाहे पब्लिक ना मानती हो, लेकिन मैं जानती हूँ। आप क्या जानती हैं? मिस्टर सुनील, हमारे होटल के दाएं बाएं की 2 इमारतें एक ऐसी पार्टी ने खरीदी थी जो वहाँ पर एक बहुत आलिशान मल्टी स्टोरी इमारत खड़ी करना चाहती थी। वे होटल नीलम की इमारत को भी खरीदना चाहते थे। मेरे पिता को मालूम था कि अगल बगल की 2 इमारतें वे लोग पहले ही खरीद चुके थे और बीच की
होटल नीलम की इमारत खरीदे बिना उनकी इमारत खड़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए मेरे पिता ने मौके का फायदा उठाने की खातिर अपने होटल की बहुत बड़ी कीमत मांगी। ये सोचकर मांगी कि उनकी कीमत पर उनका होटल खरीदने के सिवाय उन लोगों के पास कोई चारा नहीं था। यानी कि वैसे आपके पिता को होटल बेचने से कोई एतराज़ नहीं था? नहीं, दरअसल होटल कोई बहुत मुनाफे में नहीं चल रहा था, और फिर उस होटल में 15-15% के 4 पार्टनर और भी हैं जो कि होटल बेचने को एकदम तैयार थे। फिर मेरे पिता की मांगी कीमत सुनकर वे लोग भड़क उठे। उन्होंने पहले मेरे पिता को डराया धमकाया, और फिर मेरे पिता को अपने रास्ते की रुकावट का दर्जा देकर उन्होंने उनका कत्ल करवा दिया। कमाल है, यह हकीकत है। फिर अपने पिता की इकलौती वारिस होने की वजह से होटल नीलम में उनके 40% के हिस्से की मालकिन मैं बन गई। कत्ल के बाद कुछ दिन तो शांति रही, फिर उस पार्टी ने फिर हमारे होटल को खरीदने की कोशिश आरंभ कर दी। मेरे पिता के कत्ल के बाद उनके चारों पार्टनर इस कदर डर गए कि वह किसी भी कीमत पर होटल के अपने हिस्से को बेचने के लिए तैयार हो गए। मेरे पिता के हत्यारों ने मेरे पिता जैसा दबाव मुझ पर भी डालने के स्थान पर उन चारों पार्टनरों के होटल में हिस्सों को खरीदने का फैसला कर लिया। इस प्रकार वे 60% के स्वामी बन जाते और होटल के कंट्रोल के मामले में मेरी पूछ अपने आप ही खत्म हो जाती। आईसी। अपने पिता की मौत के पहले से KL सजनानी साहब के लड़के गोपीनाथ सजनानी से मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध थे। गोपी की वजह से मैं सजनानी साहब को भी जानती थी। सजनानी साहब मुझ पर बहुत स्नेह भाव रखते थे, क्योंकि हाँ हाँ, सुनील उसे प्रोत्साहन देता हुआ बोला, कहो। क्योंकि वे समझते थे मैं उनके घर की बहू बनने वाली थी। गोपी मेरे बारे में बहुत सीरियस था और सचमुच मुझसे शादी करना चाहता था। अगर एकाएक मेरे पिता का खून ना हो गया होता तो शायद हमारी शादी भी हो चुकी होती। आईसी। सजनानी साहब को मेरी सारी समस्या की खबर थी। उन्हें मैंने ये भी बताया था कि मेरे पिता का कत्ल क्यों हुआ था। उन्हें मेरी समस्या का यही हल सूझा कि इससे पहले कि मेरे पिता के कातिल होटल के अन्य पार्टनरों के हिस्से खरीद लें, क्यों न वे खुद यही काम कर डालें। लेकिन उनके ऐसा इरादा करने में और उस पर अमल करने में ही इतना फर्क पड़ गया कि केवल एक ही पार्टनर का हिस्सा खरीद पाए। तब तक बाकी के 3 पार्टनरों के हिस्से दूसरी पार्टी खरीदने में कामयाब हो चुकी थी। ये दूसरी पार्टी कौन है, ये तो अभी तक पता नहीं लग सका है। लेकिन खरीदारी के चक्कर में कोई तो आदमी सामने आया होगा। ऐसा एक आदमी था, उसका नाम मनोहर लाल था, लेकिन वो ये नहीं बताता कि वो किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। मुमकिन है कि वो किसी का प्रतिनिधित्व कर ही ना रहा हो, मुमकिन है सारे फसाद की जड़ वो खुद ही हो। हाँ, हो सकता है। अब स्थिति यह है मिस्टर सुनील कि होटल नीलम में 40% की पार्टनर मैं हूँ, 15% के पार्टनर सजनानी साहब हैं, और 45% की पार्टनर वो पार्टी है जिसका प्रतिनिधित्व मनोहर लाल कर रहा है या खुद मनोहर लाल है। आज मनोहर लाल ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे कहा था कि वो होटल में मेरा और सजनानी साहब का हिस्सा किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि मैं कल रात 8:30 उससे मिलूँ। कहाँ? मेहता रोड पर स्थित सेसिल होटल में, स्वीट नंबर 314 में। वो वहाँ रहता है? वो कहता है कि वास्तव में वो विशालगढ़ का रहने वाला है, लेकिन राजनगर में वो जब भी आता है सेसिल होटल में ही ठहरता है। वो कहता है होटल का 314 नंबर स्वीट उसके लिए स्थायी रूप से बुक है। यानी कि पैसे वाला आदमी है? ज़रूरी नहीं, मुमकिन है पैसे वाले आदमी वो लोग हों जिनका कि वो चमचा है, बशर्ते कि ऐसे कोई लोग हों। जी हाँ, आप अपना हिस्सा बेचना चाहती हैं? हाँ, लेकिन किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं, किसी उठपटांग कीमत पर नहीं। मैं अपने हिस्से की वही कीमत चाहती हूँ जिसकी मांग अपनी ज़िंदगी में मेरे पिता ने की थी। जिस जिद की खातिर मेरे पिता की जान गई वो मैं छोड़ नहीं सकती। आपको चुकाने के लिए अगर उन्होंने आपके साथ भी वही सलूक किया जो वे आपके पिता के साथ कर चुके हैं तो? मुझे परवाह नहीं, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। बहुत दिलेर लड़की हैं आप। दिलेर नहीं, ज़िद्दी। इस संदर्भ में आपका सजनानी साहब से मिलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें घाटा हो। उन्होंने होटल नीलम में 15% की भागीदारी मेरी खातिर खरीदी थी। अगर मैंने अपना 40% का हिस्सा मनोहर लाल को पहले बेच दिया तो होटल का कंट्रोल उसके हाथ में पहुंच जाएगा, और फिर वो सजनानी साहब को अपना हिस्सा किसी भी मामूली से मामूली कीमत पर बेचने के लिए मजबूर कर लेगा। लेकिन अगर हम दोनों एक साथ सौदा करेंगे तो उन्हें भी अपने हिस्से का वही ऊँचा रेट मिलेगा जो कि मुझे मिलेगा। आईसी। मिस्टर सुनील, मैं किसी भी सूरत में कल शाम 8:30 से पहले सजनानी साहब से संपर्क स्थापित करना चाहती हूँ। आपने गोपीनाथ से बात की होती? इत्तफाक से वो भी राजनगर में नहीं है, और फिर ज़रूरी भी नहीं कि उसे पता हो कि उसके पापा कहाँ हैं। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मंगला को मालूम है कि सजनानी साहब कहाँ हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहती।
सुनील खामोश रहा। वो कुछ क्षण विचारपूर्ण मुद्रा बनाए बैठा रहा और अपने दोनों हाथों की उंगलियों से धीरे धीरे मेज ठकठकाता रहा। फिर एकाएक वो बोला, आप रहती कहाँ हैं? हरनबी रोड पर, वो बोली। इमारत नंबर 5, फ्लैट नंबर 11, फोन नंबर 46998। ऐसा है शीला जी, आपके पास अभी कल शाम तक का वक्त है। तब तक मैं सजनानी की इस मंगला नाम की नई सेक्रेटरी से मिलता हूँ और सजनानी के और भी यार दोस्तों को टटोलता हूँ। अगर मुझे उसका पता लग गया तो मैं आपको खबर दे दूंगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, वो कृतज्ञतापूर्ण स्वर में बोली। अगर सजनानी साहब से आपकी बात हो जाए तो आप उन्हें सारी स्थिति समझा दीजिएगा और उन्हें यह भी कह दीजिएगा कि वे फौरन मुझसे संपर्क स्थापित करें। बेहतर, शीला ज्ञानचंदानी ने एक बार फिर सुनील का शुक्रिया अदा किया और फिर वहां से विदा हो गई। एन मैजेस्टिक सर्कल पर एक 4 मंजिली इमारत में कन्हैयालाल सजनानी की कंस्ट्रक्शन कंपनी का ऑफिस था। वहां से थोड़ी दूर पर 1-2 हजार गज प्लॉट में सजनानी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवा रहा था जिसकी 8 मंजिलें बन चुकी थी और जो 17 मंजिल तक जानी थी। सुनील सजनानी के ऑफिस में पहुंचा। वहां सजनानी के प्राइवेट ऑफिस के बाहर के कमरे में एक बेहद नुमाइशी युवती बैठी थी। उसने बड़े भड़कीले कपड़े पहने हुए थे और खूब गहरा मेकअप किया हुआ था। उसकी एक एक अदा बनावटी थी और लगता था जैसे उसने फिल्में देख देख कर वे अदाएं सीखी हों। वहां बैठने के उसके ढंग से भी ऐसा लगता था जैसे काम धाम से तो उसे कोई मतलब ही नहीं था, जैसे वो यहाँ सजावट के लिए रखी गई फर्नीचर या पर्दों जैसी ही कोई चीज थी। वो मंगला थी। सुनील को देखकर उसके चेहरे पर एक मशीनी मुस्कुराहट आई। मेरा नाम सुनील है, सुनील बोला। यस मिस्टर सुनील, वो खनकते स्वर में बोली। मैं सजनानी का दोस्त हूँ। अच्छा, मैं सजनानी का बड़ा गहरा दोस्त हूँ, जानकर खुशी हुई मिस्टर सुनील। इत्तेफाक की बात है कि आपकी मौजूदगी में मैं इस ऑफिस में कभी नहीं आया। सजनानी की पहली सेक्रेटरी मनोरमा मुझे खूब जानती थी। ओह, वो यूं बोली जैसे मनोरमा का जिक्र उसे अच्छा ना लगा हो। सुना है मनोरमा ने शादी कर ली है? जी हाँ, शादी के बाद कभी आई नहीं हो यहाँ? आई थी एक बार या शायद दो बार। सुनील एक क्षण यूं ठिठका जैसे वो मंगला से मनोरमा के बारे में कुछ और सुनने की अपेक्षा कर रहा हो, लेकिन मंगला को बोलता ना पाकर वो बदले स्वर में बोला, सजनानी कहाँ है? सजनानी साहब ऑफिस में नहीं है, मंगला बोली। मैंने ये नहीं पूछा सजनानी कहाँ नहीं है, मैंने पूछा है सजनानी कहाँ है। वे बिजनेस ट्रिप पर बाहर गए हुए हैं। कब गए? कल सुबह। आपको तो ज़रूर मालूम होगा कि वो कहाँ है, मंगला ने उत्तर नहीं दिया। मनोरमा को हमेशा मालूम होता था, सुनील गौर से उसे देखता हुआ बोला। वो केवल मुस्कुराई। मेरा सजनानी से फौरन संपर्क स्थापित करना निहायत ज़रूरी है। कहीं आपकी सजनानी साहब से संपर्क स्थापित करना शीला ज्ञानचंदानी की वजह से तो ज़रूरी नहीं है, एकाएक वो बदले स्वर में बोली। अगर ऐसा है भी तो क्या हुआ? मंगला ने एक बार सावधानी से सामने बंद दरवाजे की तरफ देखा और फिर तनिक आगे झुककर बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोली, मिस्टर सुनील, मैं आपसे कभी मिली नहीं हूँ, लेकिन अगर आप ब्लास्ट वाले मिस्टर सुनील हैं तो हकीकत यह है कि सजनानी साहब के मुंह से मैंने आपका जिक्र अक्सर सुना है। जानकर खुशी हुई। मुझे मालूम है आप सजनानी साहब के खास दोस्तों में से हैं। वेरी गुड, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप शीला ज्ञानचंदानी के बारे में कुछ जानते हैं। कुछ का मतलब? मसलन कैसी लड़की है वो? ये सब तो मैं नहीं जानता। यानी कि आप उसके वाक जाल में फंस कर ही उसकी खातिर सजनानी साहब का पता मालूम करने यहाँ पहुँचे हैं? मतलब उसने मुझसे भी पता जानने की कोशिश की, लेकिन मुझे तो वो शीशे में उतार नहीं सकी थी। आप कहना क्या चाहती हैं? मिस्टर सुनील, सी इज़ नॉट अ गुड गर्ल। इज़ दैट सो? यस। आप सजनानी साहब के लड़के गोपीनाथ को जानते हैं? जानता हूँ। ये लड़की काफ़ी अरसे से गोपीनाथ पर डोरे डाल रही थी और बीच में गोपीनाथ को काफ़ी हद तक अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब भी हो गई थी, लेकिन अब गोपीनाथ को अकल आ गई मालूम होती है, क्योंकि अब मुझे पता लगा है कि गोपीनाथ किसी और लड़की से प्यार करने लगा है। ये बात शीला से भी छुपी नहीं है। मिस्टर सुनील, यही वजह है कि बेटे को अपने चुंगल से निकल गया पाकर अब वो बाप पर डोरे डालने लगी है। क्या? सुनील अचकचाकर बोला। तुम सजनानी और शीला के किसी अफेयर की तरफ इशारा कर रही हो? ऐसा कोई अफेयर अभी पूरी तरह से परवान नहीं चढ़ा, लेकिन मिस्टर सुनील, वो लड़की पूरी कोशिश में है कि ऐसा कुछ हो जाए। सुनील की आंखों के सामने शीला की सूरत घूम गई। विश्वास नहीं होता, वो बोला, लेकिन ये हकीकत है मिस्टर सुनील। दैट वुमेन इज अ गोल्ड डिगर, सी इज एन अपॉर्चुनिस्ट। इसलिए तो जब वो सजनानी साहब का पता पूछने यहाँ आई तो मैंने उसे कुछ बताया नहीं। और इसलिए तुम सजनानी का पता मुझे नहीं बता रही हो, क्योंकि तुम समझती हो कि इस प्रकार ये बात शीला तक पहुँच जाएगी।
मुझे सजनानी साहब का आदेश है कि मैं उनके बारे में किसी को ना बताऊं, एमरजेंसी में भी नहीं। वो एक क्षण हिचकिचाई और फिर बोली, फिलहाल कोई एमरजेंसी मेरी निगाह में नहीं है। सजनानी को यह बात पसंद नहीं आएगी कि मैंने तुमसे उसका पता पूछा लेकिन तुमने बताया नहीं। मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि मैं उनका पता आपको बताऊं। तुम सजनानी की सेक्रेटरी हो, तुम्हें अपनी अकल से भी तो काम लेना चाहिए। मैं सजनानी का दोस्त हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मेरा उससे फौरन संपर्क स्थापित करना निहायत ज़रूरी है। तुम्हें मुझे उसका पता बताना चाहिए। आई एम सॉरी, आई कांट। ओके, सुनील उठ खड़ा हुआ। सजनानी का पता मुझे मत बताओ, लेकिन अगर सजनानी खुद यहाँ आए या कहीं से फ़ोन करे तो उसे पता ज़रूर देना कि मैं उसे तलाश कर रहा था। इतनी मेहरबानी तो कर सकोगी? मैं उन्हें बता दूंगी। थैंक यू। सुनील वहाँ से बाहर निकला। बाहर एक बड़ा हॉल था जिसमें 8-10 मेजें लगी हुई थी और लोग बैठे काम कर रहे थे। एक कोने की मेज पर बैठी एक लड़की टाइपराइटर ठकठका रही थी। सुनील लंबे डग भरता हुआ उसके पास पहुंचा। लड़की ने सिर उठाया, वो सुनील को पहचानती थी। उसने सुनील का अभिवादन किया। मैं यहाँ, सुनील अभिवादन का जवाब देता हुआ बोला, मनोरमा से मिलने आया था। उसे तो नौकरी छोड़े हुए साल होने को आ रहा है, वो बोली। मुझे मालूम हुआ है, तुम्हें उसका मौजूदा पता मालूम है? जी हाँ, लड़की ने उसे विक्रमपुरे का एक पता दिया। सुनील ने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से विदा हो गया। वो विक्रमपुरे पहुँचा। मनोरमा का घर तलाशने में उसे कोई दिक्कत ना हुई। मनोरमा एक अत्यंत सुंदर युवती थी जो शादी के बाद और भी सुंदर लगने लगी थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो गर्भवती थी और इसलिए सुनील को आया देखकर जहाँ वो खुश हुई वहाँ वो बुरी तरह शर्माई भी। चुपचाप शादी कर ली? सुनील ने शिकायत की। खबर तक नहीं की। वो और शर्माई। क्या करते हैं भाई साहब? इंजीनियर है। बधाई। वो बड़े संकोचपूर्ण ढंग से हंसी। फिर एकाएक वो उठी और बोली, मैं चाय लाती हूँ। नहीं, सुनील ने उसकी बाँह पकड़कर उसे वापस बिठा दिया। चाय फिर कभी, अभी मैं एक बड़े ज़रूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ। कैसा काम? सजनानी राजनगर में नहीं है, मेरा उसे फ़ौरन मिलना बहुत ज़रूरी है। मालूम हुआ है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। तुम्हारे ख्याल से वो कहाँ हो सकता है? सजनानी साहब ऑफिस में खबर किए बिना कभी कहीं नहीं जाते। तुम्हें उनकी नई सेक्रेटरी मंगला से पूछना था, उसे ज़रूर मालूम होगा। मैं उससे मिला हूँ, उसे मालूम है लेकिन वो बताने को तैयार नहीं। ओह, तो तुम्हें भी उस लड़की के मिजाज का मजा चखने को मिल गया? क्या मतलब? सुनील, वो पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। खुद ही फैसला कर लेती है कि उसे किसको सजनानी साहब से मिलने देना चाहिए और किससे नहीं। ऐसी अजीब लड़की को सजनानी साहब पता नहीं बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि मंगला कैसी लड़की है, यही लगता है। तुम्हारे साथ भी वो क्या कभी बेहूदगी से पेश आई थी? शादी के बाद 2 बार मैं महज सजनानी साहब से मिलने की खातिर उनके ऑफिस में गई थी। मुझे पक्का पता है कि 2 बार सजनानी साहब ऑफिस में मौजूद थे, फिर भी मंगला ने मुझे रिसेप्शन पर ही बिठाए रखा और उन्हें खबर तक नहीं की कि मैं आई थी। अंत में मैं इंतज़ार से तंग आकर वहाँ से उठकर चली आई थी। तुम्हें सजनानी को ये बात बतानी चाहिए थी। कैसे बताती? मंगला मुझे उनसे मिलने देती तो ना? कभी फ़ोन किया होता? फ़ोन भी तो पहले वही उठाती है। और फिर मेरा सजनानी साहब से मिलना इतना ज़रूरी भी तो नहीं था। मुमकिन है कि जिन 2 बार मैं वहाँ गई थी तब सजनानी साहब वाकई व्यस्त रहे हों। तुम्हारे जैसी दक्ष सेक्रेटरी के बदले में सजनानी ने मंगला जैसे सोपीस को क्यों रख लिया? गोपीनाथ की वजह से। मंगला गोपीनाथ की गर्लफ्रेंड थी। फिर गोपीनाथ का दिल मंगला से हट गया था और वो शीला ज्ञानचंदानी नामक एक अन्य लड़की में दिलचस्पी लेने लगा था। उसी दौरान मैंने सजनानी साहब को नोटिस दिया था कि मैं नौकरी छोड़ना चाहती थी। सजनानी साहब ने अपने लड़के के कहने पर मंगला को मेरी जगह पर रखा था, वरना वो उस काम के लिए कतई उपयुक्त नहीं है। वो तो एक बड़ी ही खर दिमाग, खुशफहम और हर हरकत बनावटी करने वाली लड़की है। ऐसी लड़की सजनानी का दफ्तर कैसे चलाती है? मैं खुद हैरान हूँ। सजनानी तुम्हारे ख्याल से कहाँ हो सकता है? मंगला ने इतना कहा था कि वे बिजनेस ट्रिप पर राजनगर से बाहर गए थे? हाँ, ये तो कहा था। फिर तो 90% संभावना सजनानी साहब के विशालगढ़ होने की है। जो बैंक सजनानी साहब की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को फाइनेंस कर रहा है उसका हेड ऑफिस विशालगढ़ में है। सजनानी साहब को उस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने अक्सर विशालगढ़ जाना पड़ता है और विशालगढ़ में वे हमेशा न्यू टाउन में स्थित होटल रिट्स में ठहरते हैं। अगर सजनानी विशालगढ़ में ना हुआ तो वे सारे हिंदुस्तान में बल्कि सारी दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। ओह, सुनील बोला। वो एक क्षण खामोश रहा फिर बोला, तुम शीला ज्ञानचंदानी के बारे में और कुछ जानती हो? नहीं, मैं उसके बारे में सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो गोपीनाथ की मंगला के बाद की गर्लफ्रेंड है।
मंगला कहती है कि गोपीनाथ की अब शीला में कोई दिलचस्पी नहीं रही है और शीला बेटे से मायूस होकर बाप पर डोरे डालने की कोशिश कर रही है। पहली बात सच हो सकती है क्योंकि गोपीनाथ ऐसी अस्थिर प्रवृत्ति का आदमी है। किसी एक लड़की में लंबे अरसे तक दिलचस्पी लेना उसके बस की बात नहीं। लेकिन दूसरी बात निश्चित ही मंगला के भ्रष्ट दिमाग की उपज है। भला ऐसा कहीं हो सकता है कि कोई लड़की बेटे से मायूस होकर उसके बाप पर डोरे डालने लगे? और फिर क्या सजनानी साहब आपको ऐसे गिरे हुए आदमी लगते हैं कि बेटे की प्रेमिका पर दिल रखें? सुनील ने इनकार में सिर हिलाया। सुनील, दैट गर्ल दैट मंगला इज अ बिच, सी इज नॉट अ गुड गर्ल, यही उसने शीला ज्ञानचंदानी के बारे में कहा था। जरूर शीला से जलकर उसने ऐसा कहा होगा। आखिर शीला की वजह से ही तो गोपीनाथ ने उसे मुंह मोड़ा था। शायद तुम ठीक कह रही हो। मनोरमा चुप रही। मनोरमा, सुनील उठता हुआ बोला, अगर विशालगढ़ के रिट्स होटल में सजनानी से मेरा संपर्क स्थापित हो गया तो जानती हूँ मैं क्या कहूँगा। क्या कहोगे? मैं कहूँगा कि मंगला को सेक्रेटरी रखने से अच्छा था कि सजनानी तुम्हें शादी ना करने देता। ओ सुनील, वो शर्माई। फिर सुनील वहाँ से विदा हो गया। वो वापस ब्लास्ट के ऑफिस पहुँचा। वो रिसेप्शन पर ठिटका और मीठे स्वर में रेणु से बोला, बहन जी जरा। खबरदार जो मुझे बहन जी कहा, रेणु आंखें तरेर कर बोली। क्यों? सुनील हैरानी से बोला, बहन जी क्या कोई गाली होती है? हाँ होती है, तुम्हारे मुँह से होती है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। अब मालूम रखना। ओके, अब बराए मेहरबानी एक नंबर तो मिलाओ। बोलो। नंबर नहीं मालूम। रेड्स होटल विशालगढ़, आदमी का नाम सजनानी। ठीक है। सुनील आकर अपने केबिन में बैठ गया। उसने लकी स्ट्राइक का एक सिगरेट सुलगा लिया और विचारपूर्ण मुद्रा बनाए उसके लंबे लंबे कश लगाने लगा। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। सुनील ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। सजनानी लाइन पर है, उसके कान में रेणु की आवाज़ पड़ी। सुनील ने हड़बड़ाकर सिगरेट एस्ट्रे में झोंक दिया और रिसीवर को यूं मजबूती से थाम लिया जैसे उस पर पकड़ मजबूत न होने पर सजनानी के लाइन पर न रहने की संभावना हो। उसे सजनानी से इतनी जल्दी संपर्क स्थापित हो पाने की आशा नहीं थी। हेलो, वो व्यग्र भाव से बोला। हेलो साईं, उसके कान में सजनानी की आवाज़ पड़ी। बड़ी सुनीली हो ना? हाँ सजनानी। अच्छा हुआ तुम मिल गए, यहाँ राजनगर में कोई तुम्हें बुरी तरह तलाश कर रहा है। कौन? शीला, शीला ज्ञानचंदानी। जानते हो ना उसे? जानता हूँ। बात क्या है साईं? बात होटल नीलम है जिसमें तुम 15% के पार्टनर हो और वो 40% की। विशालगढ़ का कोई मनोहर लाल नाम का आदमी शीला से मिला है। वो किसी भी न्यायोचित कीमत पर शीला का होटल में हिस्सा खरीदने को तैयार है। शीला को भी बेचने से ऐतराज़ नहीं, लेकिन वो चाहती है कि मनोहर लाल तुम्हारा और उसका हिस्सा एक साथ एक ही भाव पर खरीदे। इसी सिलसिले में कल 8:30 बजे उसने मेहता रोड पर स्थित सेसिल होटल के स्वीट नंबर 314 में मनोहर लाल को मिलना है, इसलिए वो बड़ी बेकरारी से तुम्हें तलाश करती फिर रही थी। वो तुम्हारे पास कैसे पहुँच गई? तुम्हारी ही वजह से। उसे कहीं से भी तुम्हारी खोज खबर नहीं लग रही थी, इसलिए वो तुम्हारे यार दोस्तों से तुम्हारे बारे में पूछती फिर रही थी। उसे मेरे ऑफिस में जाकर मेरी सेक्रेटरी मंगला से मेरे बारे में पूछना चाहिए था। वो वहाँ गई थी लेकिन मंगला ने तुम्हारा पता नहीं बताया था। वजह? वजह तो मंगला ही जाने। तो तुम्हें कैसे बता दिया? क्या मेरा पता? किसने बता दिया? मंगला ने। मंगला ने कहाँ बताया है तुम्हारा पता? मैं तो तुम्हारा पता मालूम करने की खातिर ही खास तौर से तुम्हारे ऑफिस में गया, लेकिन वो मुझे तुम्हारा पता बताने को तैयार नहीं हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है साईं? ऐसा ही हुआ है। वड़ी, तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम मेरे कितने अजीज हो। मैंने बताया था, लेकिन मंगला तो वो भाषा ही समझने को तैयार नहीं थी जो कि मैं बोल रहा था। फिर तुम्हें मालूम कैसे हुआ कि मैं यहाँ हूँ? मनोरमा से। किससे? तुम्हारी पहली सेक्रेटरी मनोरमा से। लेकिन साईं, उस पुटड़ी को तो 1 साल हो गया है मेरी नौकरी छोड़े। लेकिन उस पुटड़ी को फिर भी मालूम था कि तुम कहाँ हो सकते हो। झूलेलाल, ये कैसा कमाल है? ये कमाल नहीं है, ये तुम्हारी भूतपूर्व सेक्रेटरी की होशियारी और काबिलियत की दस्तावेज है। लेकिन उस मंगला की घोड़ी ने तुम्हें क्यों नहीं बताया कि मैं कहाँ हूँ? अगर तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम या शीला मुझे पूछ रहे थे? शायद मैं और शीला उसकी निगाह में कोई खास महत्वपूर्ण आदमी नहीं। लेकिन छोड़ो, मतलब की बात करो, ये ट्रंक कॉल है, लोकल कॉल नहीं। ओह हाँ साईं, तुम एक काम करो। बोलो। नहीं, दो काम करो। नहीं, अरे बोलो तो। एक तो शीला को बोल दो कि वो मनोहर लाल से मुकर्रर वक्त पर मिल ले और उससे मालूम कर ले कि वो उससे 40% भाग की क्या कीमत ऑफर कर रहा है, लेकिन उसको ये ना कहे कि उसे वो कीमत कबूल है या नहीं, ये हम उसे बाद में बताएंगे। तब तक मैं अपने मौजूदा काम से फारिग होकर राजनगर पहुँच जाऊँगा। और
और इस मनोहर लाल से मेरे प्रतिनिधि के तौर पर या किसी और तरीके से तुम भी मिलो नहीं और मालूम करो कि वो कैसा आदमी है। क्या तुम अभी राजनगर नहीं आ सकते? नहीं साईं, अभी यहाँ मेरा बहुत ज़रूरी काम फंसा हुआ है। मेरे ख्याल से मनोहर लाल से तुम्हें खुद मिलना चाहिए। देखो साईं, मेरा पता नहीं मैं राजनगर कब लौट सकूँ। वैसे हो सकता है कि मैं कल यहाँ से निपट जाऊँगा। देखो, अगर मैं कल शाम तक राजनगर आ गया तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगा। अगर कल शाम तक मैं तुम्हें खबर ना कर सकूं तो तुम समझ लेना कि मेरा लौटना मुमकिन नहीं हो सका। फिर तुम खुद उस मनोहर लाल से मिलाना, ठीक है? ठीक है। कोई और ज़रूरी बात हो तो फिर यहाँ फ़ोन कर देना। मैं यहाँ नहीं भी होऊंगा तो दिलीप ज़रूर होगा, तुम उसे मैसेज दे देना। ओके। दिलीप सजनानी का एक और सेक्रेटरी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। वो रहता भी सजनानी की मुगल बाग स्थित कोठी में उनके साथ ही था। फिर संबंध विच्छेद हो गया। तुरंत बाद सुनील ने शीला ज्ञानचंदानी द्वारा दिया उसके फ्लैट का नंबर डायल किया। फोन खुद शीला ने उठाया। सुनील ने उसे सजनानी से हुए वार्तालाप के बारे में बताया और उसे समझा दिया कि सजनानी उससे क्या चाहता था। गोपीनाथ सजनानी के बारे में सुनील को मालूम था कि उसकी नेताजी सुभाष मार्ग पर एक विज्ञापन एजेंसी थी। अगले रोज सुनील वहां पहुंचा तो गोपीनाथ तो उसे ऑफिस में ना मिला, लेकिन गोपीनाथ के बारे में उसे वहां से एक बड़ी दिलचस्प बात मालूम हुई। गोपीनाथ ने पिछले हफ्ते बम्बई में शादी कर ली थी और वो कल ही अपनी नवविवाहिता वधु को साथ लेकर राजनगर लौटा था। उस आनन फानन हुई शादी की सुनील को बताया गया कि अभी तक सजनानी को भी खबर नहीं थी। वधु के बारे में किसी ने बताया कि वो बेहद खूबसूरत थी। गोपीनाथ से उसकी पहली मुलाकात 2 महीने पहले विशालगढ़ में हुई थी, जहाँ की वो एक नाइट क्लब में कैबरे डांस किया करती थी। शाम को 7:30 बजे तक सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में था, लेकिन सजनानी का फ़ोन ना आया। सुनील ने उसके निर्देशानुसार खुद जाकर मनोहर लाल से मिलने का फैसला किया। राय की मेहरबानी से उसे ब्लास्ट की वो नई एम्बेसडर कार हासिल हो गई थी, जिसे माधोराम ड्राइवर चलाया करता था। सुनील कार पर सवार हुआ और उसे ड्राइव करता हुआ मेहता रोड की तरफ उड़ चला। ठीक 8 बजे उसने कार को सेसिल होटल के सामने ले जाकर खड़ा किया। वो स्वीट नंबर 314 के सामने पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा एक लगभग 35 साल के दुबले पतले आदमी ने खोला। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। मिस्टर मनोहर लाल, सुनील ने पूछा। मेरा ही नाम है, वो बोला। फरमाइए। मेरा नाम सुनील है, सुनील कुमार चक्रवर्ती। मैं सजनानी का प्रतिनिधि हूँ। कौन सजनानी? जो लिंक रोड पर स्थित होटल नीलम में 15% का पार्टनर है। ओह, वो एक क्षण ठिठका और बोला, आओ। थैंक यू, सुनील बोला। वो भीतर दाखिल हुआ। मनोहर लाल के निर्देश पर वो एक सोफे पर बैठ गया। मनोहर लाल ने एक निगाह अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर डाली। उसकी भुकटी पर बल पड़े। फिर वो निर्णयात्मक ढंग से आगे बढ़ा और सुनील के सामने जा बैठा। तुम मुझ तक कैसे पहुंच गए? उसने पूछा। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम्हें मेरा नाम पता कैसे मालूम हुआ? हो गया मालूम किसी तरह, सुनील लापरवाही से बोला। फिर भी? सुनील ने अपनी जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला। उसने पैकेट को झटक कर एक सिगरेट आधा बाहर निकाला और पैकेट मनोहर लाल की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, सिगरेट? नहीं, वो बोला। उसने एक बार फिर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह डाली। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए। सुनील ने वही सिगरेट अपने होठों से लगाया, उसे सुलगाया और फिर बोला, खुद मेरे पास भी ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर तो मतलब की बात फौरन करो। वो तुम्हें करनी है। मेरी बात तो सिर्फ इतनी है कि होटल नीलम में मैं 45% का भागीदार हूँ। बाकी के 55% में से 15% का मालिक सजनानी है और 40% की मालकिन है शीला ज्ञानचंदानी नाम की एक लड़की। मैं दोनों का या दोनों में से किसी एक का हिस्सा खरीदना चाहता हूँ। किसी एक का भी हिस्सा खरीदने से मेरा मतलब हल हो जाता है, क्योंकि फिर होटल का कंट्रोल मेरे हाथ में हो जाएगा और होटल के बचे हुए हिस्सेदार को धक्का देना मेरे लिए मामूली काम होगा, चाहे वो सजनानी हो या शीला। आई सी, तुम सजनानी के प्रतिनिधि हो। तुम बताओ, वो अपने 15% के हिस्से की क्या कीमत चाहता है? तुम क्या कीमत देते हो? मैं सजनानी के 15% शेयर की बहुत वाजिब कीमत 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। वो इससे कहीं ज़्यादा कीमत के काबिल है। अपना अपना ख्याल है, मनोहर लाल हाथ फैलाकर बोला। अगर मेरा शीला ज्ञानचंदानी से पहले सौदा हो जाए तो मैं सजनानी को 50,000 भी ऑफर नहीं करूँगा। इतनी बड़ी रकम की ऑफर सजनानी को सिर्फ मौजूदा हालात में है, क्योंकि मुझे होटल नीलम का कंट्रोल हासिल करना है। मैं तुम्हारी ऑफर सजनानी तक पहुंचा दूंगा। ज़रूर, और उसे ये भी समझा देना कि मेरा शीला ज्ञानचंदानी से पहले सौदा हो गया तो ये ऑफर ऑफर नहीं रहेगी। इसलिए उसे कह देना कि जो भी फैसला उसे करना हो जल्दी करे। सजनानी का हिस्सा खरीदे बिना तुम होटल नीलम को अपनी जगह से उखाड़ नहीं सकोगे,
सीला का हिस्सा खरीद कर होटल का कंट्रोल अपने हाथ में करके तुम सजनानी के हिस्से की कीमत घटा सकते हो, उसकी आवाज़ को, उसके हक को नहीं दबा सकते। एक बार कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए, फिर सजनानी जैसे लोगों से निपटने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। वही तरीके जिनमें से एक तुम पहले गोविंद ज्ञान चंदानी पर आजमा चुके हो, कत्ल का तरीका। मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं वक्त से पहले अपने पत्ते तुम्हारे सामने खोलकर नहीं रखना चाहता। आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था खाली कारतूस नॉवल का पहला पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं खाली कारतूस नॉवल का पार्ट टू। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके हैं, और अगर आपने नहीं सुना तो उसके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खाली कारतूस नॉवल का पार्ट टू। आने वाला वक्त सिर्फ यही बताएगा कि तुम क्या नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकता हूं? तुम सजनानी को धमका नहीं सकते। गीदड़ भपकियों से तुम्हारा मतलब हल नहीं होने वाला। वो सुनील को घूरने लगा। सुनील लापरवाही से सिगरेट के कश लगाता रहा। तुम क्या चाहते हो? अंत में मनोहर लाल बदले स्वर में बोला। पहले तो तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम शीला और सजनानी में से एक का हिस्सा खरीद कर दूसरे को अपनी कीमत पर अपना हिस्सा बेचने के लिए मजबूर कर सकते हो। हिस्सा तुम्हें एक वक्त में दोनों का खरीदना पड़ेगा और एक ही कीमत पर खरीदना पड़ेगा। ये बात? हाँ मनोहर लाल, वे लोग बेवकूफ नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के हित चिंतक है और ये बात खूब समझते हैं कि अगर एक ने अपना हिस्सा पहले बेच दिया तो दूसरे को तुम उसका हिस्सा कौड़ियों के मोल बेचने पर मजबूर कर सकते हो। ओके, एकाएक मनोहर लाल निर्णयात्मक स्वर में बोला। मैं दोनों को एक ही रेट देने को तैयार हूँ। मैं तभी बगल के कमरे में टेलीफोन की घंटी बजने लगी। एक्सक्यूज मी, मनोहर लाल बोला और लंबे डग भरता हुआ बगल के कमरे में दाखिल हो गया। कुछ क्षण बाद घंटी बजनी बंद हो गई। फिर सुनील के कानों में मनोहर लाल की आवाज़ पड़ी। हेलो, हाँ, नहीं नहीं इस वक्त नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे आने की खबर तो होनी चाहिए थी। अच्छा अच्छा, मुझे दो मिनट का वक्त तो दो। हाँ सिर्फ दो मिनट। फिर रिसीवर क्रेडिल पर पटके जाने की आवाज़ आई। तुरंत बाद मनोहर लाल वापस लौटा। आई एम सॉरी मिस्टर सुनील, एक बड़ा ज़रूरी काम आ पड़ा है मुझे, जिसकी वजह से मैं अब आपको और एंटरटेन नहीं कर सकता। मेरी 8:30 बजे फिर एक ज़रूरी अपॉइंटमेंट है। अभी अभी एक ऐसा ज़रूरी काम आ पड़ा है जो मुझे हर हाल में 8:30 बजे से पहले निपटाना है, इसलिए आई अंडरस्टैंड, सुनील उठता हुआ बोला। आप सजनानी का फैसला मुझे फ़ोन पर बता दीजिएगा। ठीक है, सुनील दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर पहुंचकर वो ठिठका, लेकिन मनोहर लाल उसके समीप ना आया। सुनील बाहर निकला, उसने अपने पीछे द्वार बंद कर लिया। वो होटल से बाहर निकला, वो मुख्य द्वार के सामने ही खड़ी अपनी कार में जा बैठा। उसने एक नया सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ मिनट बाद एक कार पार्किंग में आकर रुकी। एक आदमी कार से बाहर निकला और तेजी से होटल में भीतर दाखिल हो गया। सुनील को पहचानने में कोई दिक्कत ना हुई, वो कन्हैया लाल सजनानी था। सुनील ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की खातिर अपनी कार का हॉर्न बजाया, लेकिन सजनानी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। 5 मिनट बाद सजनानी लपकता हुआ होटल से बाहर निकला और अपनी कार में सवार हो गया। सुनील ने फिर हॉर्न बजाया, इस बार भी सजनानी ने हॉर्न की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी कार स्टार्ट हुई। अगले क्षण वो वहां से ये जा वो जा। उसके पीछे जाने के इरादे से सुनील ने अपनी कार अभी स्टार्ट की ही थी कि एक टैक्सी होटल के दरवाजे पर आकर रुकी और उसमें से सीला ज्ञानचंदानी बाहर निकली। प्रत्यक्ष उसने सजनानी को अपनी कार पर वहां से जाते देखा था, क्योंकि टैक्सी से निकलकर भी वो एडियो पर उचक उचक कर उधर देख रही थी जिधर सजनानी की कार गई थी। सीला ने टैक्सी का भाड़ा चुकाया और होटल के भीतर दाखिल हो गई।
सुनील ने इंजन बंद कर दिया और प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट गुजर गए, उसे शीला के दोबारा दर्शन ना हुए। फिर कुछ सोचकर उसने होटल के पिछवाड़े का चक्कर लगाने का फैसला किया। उसने कार का इंजन चालू किया और होटल वाले पूरे ब्लॉक का घेरा काटकर पिछवाड़े में पहुंचा। पिछवाड़े की नीम अंधेरी सड़क खाली थी। सुनील फिर सामने के भाग में पहुंचा। उसने टैक्सी स्टैंड पर निगाह डाली। वहां जो 4 टैक्सियां पहले से खड़ी थी वे अब भी खड़ी थी। वो कार को मंथर गति से चलाता हुआ फिर पिछवाड़े की सड़क पर पहुंचा। वहां अभी सन्नाटा था। तीसरे फेरे में जब सुनील पिछवाड़े वाले मोड़ पर पहुंचा तो उसे पिछवाड़े की लोहे की सीढ़ियों पर एक युवती दिखाई दी जो तेजी से नीचे उतर रही थी। सुनील ने कार की रफ्तार धीमी कर दी। युवती सीढ़ियां उतरकर सड़क पर पहुंची और तेजी से सुनील से विपरीत दिशा में लपकी। सुनील ने कार की रफ्तार फिर बढ़ा दी। कार युवती की बगल में पहुंची तो सुनील ने खिड़की से बाहर झांका। वो शीला थी। कार रोकने का उपक्रम किए बिना सुनील कार को आगे बढ़ा ले गया। ब्लॉक के सिरे पर पहुंचकर उसने कार को बाहरी मुख्य सड़क पर रोका। शीला उसे दिखाई देनी बंद हो गई। उसने कार को आगे रोशनियों से जगमगाती मुख्य सड़क पर ले जाकर रोका। उसने कार के रियर व्यू मिरर को इस प्रकार मोड़ लिया कि वो बिना गर्दन घुमाए उसमें से अपने पीछे देख सके। थोड़ी देर बाद उसे रियर व्यू मिरर में शीला दिखाई दी। वो कार की तरफ बढ़ रही थी। वो समीप पहुंची। वो कार की बगल में से गुजरने लगी तो सुनील ने खिड़की में से सिर निकाला और धीरे से बोला, लिफ्ट चाहिए मिस ज्ञानचंदानी। शीला ज्ञानचंदानी के मुंह से एक घुटी हुई सिसकारी निकली। उसने चौंककर सुनील की तरफ देखा। ओह, वो गहरी सांस लेकर बोली, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, सुनील बोला। वैसे सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, क्यों? कुछ नहीं, आओ गाड़ी में बैठो। शीला कार का दरवाज़ा खोलकर उसकी बगल में जा बैठी। सुनील ने तुरंत कार आगे बढ़ा दी। कार मुख्य सड़क पर पहुंची तो एकाएक शीला बोली, रोको। सुनील ने कार को फुटपाथ के साथ लगाकर रोक दिया। क्या हुआ? उसने शीला से पूछा। कुछ नहीं, शीला नर्वस भाव से बोली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनील ने उसकी बात का उत्तर नहीं दिया। कार में जलती डीम लाइट की रोशनी में उसने बड़े गौर से शीला की सूरत देखी। शीला नर्वस भाव से परे देखने लगी। मनोहर लाल से बात हुई? सुनील ने पूछा। हाँ, वो धीरे से बोली। क्या कहता है वो? वही जो कि मुझे मालूम था कि वो कहेगा। वो होटल में मेरा हिस्सा खरीदना चाहता है। कितने में? 1.5 लाख रुपये में। तुम्हारे 40% के हिस्से की उसने तुम्हें 1.5 लाख रुपये की ऑफर दी है? हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी मनोहर लाल से मिलने आया था। अच्छा, तुम क्यों? मुझे सजनानी ने कहा था। ओह, तुम मिले थे उससे? हाँ। सजनानी साहब के 15% की क्या कीमत लगाई मनोहर लाल ने? सुनील ने जानबूझकर उस सवाल को नज़रअंदाज कर दिया और बदले में पूछा, तुमने उसकी ऑफर स्वीकार कर ली है? नहीं, मैंने वैसा ही किया जैसा सजनानी साहब ने कहलवाया था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसे कहा है कि मैं उसे अपना जवाब कल दूंगी। वैसे बात तो उसने ठीक ठाक सराफत से की थी ना? क्या मतलब? उसने तुम्हें डराया धमकाया तो नहीं? नहीं तो? कोई बदतमीजी भी तो नहीं की उसने तुमसे? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर तुम होटल के पिछवाड़े की लोहे की सीढ़ियों के रास्ते चोरों की तरह वहां से बाहर क्यों निकली? जैसे सामने के दरवाजे से दाखिल हुई थी वैसे ही सामने के दरवाजे से लौटी क्यों नहीं? शीला के छक्के छूट गए। वो हक्की बक्की सी सुनील का मुंह देखने लगी। तुम वो बड़ी कठिनाई से कह पाई, तुम कहाँ थे? पिछवाड़े की सड़क पर। वो खामोश रही। जवाब दो। वो फोन पर बात कर रहा था। मैं सुनना चाहती थी कि वो क्या कह रहा था, इसलिए मैं बाहर के कमरे से उठकर चुपचाप बाथरूम में चली गई थी। मुझे उम्मीद थी कि वार्तालाप लंबा चलने वाला था, लेकिन उसने एकाएक फ़ोन रख दिया और मैं बाथरूम में फंस गई। मेरा इरादा उसके फ़ोन रखने से पहले वापस अपनी जगह पर आ बैठने का था, जो कि पूरा ना हो सका। वो सामने कमरे में चला गया तो मैं पिछले कमरे के रास्ते बालकनी में आ गई। बालकनी की बगल से पिछवाड़ी की लोहे की सीढ़ियाँ गुजरती थी। मैं उन सीढ़ियों के रास्ते वहाँ से निकल आई। अगर मैं दोबारा सामने के कमरे में जाती तो वो समझ जाता कि मैं उसका टेलीफोन वार्तालाप सुनने की कोशिश कर रही थी और फिर खामखा बखेड़ा होता। उसने जब मुझे सामने के कमरे में नहीं पाया होगा तो वो यही समझा होगा कि मैं इंतज़ार से तंग आकर वहाँ से चली गई थी। वो फ़ोन पर बात किससे कर रहा था? पता नहीं, वार्तालाप कुछ जान सकने लायक लंबा चला ही नहीं था। लेकिन उसके किसी टेलीफोन वार्तालाप को सुनने को तुम इतनी उत्सुक क्यों थी? दरअसल मैंने उसे टेलीफोन पर सजनानी साहब का नाम लेते सुना था, इसलिए मैं ये सुनने को इच्छुक हो उठी थी कि वो क्या बात कर रहा था। तुम्हें मालूम हुआ कि वो टेलीफोन पर सजनानी से बात कर रहा था या नहीं? टेलीफोन पर वो सजनानी से बात नहीं कर रहा था। उसकी बातों से इतना तो मैं फौरन समझ गई थी कि वो किसी औरत से बात कर रहा था। कौन औरत? भगवान जाने।
लेकिन किसी औरत से बात करते समय बीच में सजनानी का जिक्र कैसे आ गया? शायद जिक्र सजनानी साहब का ना हो बल्कि गोपीनाथ का हो। है तो वो भी सजनानी, और जिस औरत से मनोहर लाल बात कर रहा था शायद वो गोपी की नई बीवी हो। गोपी की बीवी का मनोहर लाल से क्या वास्ता? मुझे क्या मालूम। तुम्हें यह भी नहीं मालूम हो सका कि मनोहर लाल किस किस्म की बातचीत कर रहा था? किस किस्म की क्या मतलब? वो धंधे की बात कर रहा था, रोमांटिक बात कर रहा था, या किसी और तरह की बात कर रहा था? इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम हो सका। क्वेश्चन खामोशी रही। मैं चलती हूँ, फिर एकाएक सीला बोली। कहाँ जाओगी? सुनील ने पूछा। घर। कैसे जाओगी? टैक्सी या स्कूटर से, जो मिल जाए। मैं घर छोड़ाता हूँ तुम्हें। नहीं, मुझे सवारी मिल जाएगी, तुम क्यों तकलीफ करोगे? चलो टैक्सी स्टैंड तक तो छोड़ दूँ तुम्हें। सीला ने सहमति में सिर हिला दिया। सुनील ने गाड़ी स्टार्ट की। वो उसे मंथर गति से चलाता हुआ होटल के सामने मौजूद टैक्सी स्टैंड पर ले आया। उसने कार रोकी। सीला कार से बाहर निकल गई। सुनील ने हाथ हिलाकर उसका अभिवादन किया और कार आगे बढ़ा दी। उसने एक नया सिगरेट सुलगा लिया और शीला की कई बातों पर विचार करने लगा। उसका दिल बार बार गवाही दे रहा था कि शीला उसे झूठ बोलकर गई थी। गोपीनाथ की नई बीवी का नाम मनोहर लाल के साथ खामखा जोड़ने में जरूर उसका कोई स्वार्थ था। वो यूथ क्लब पहुंचा। वहां उसे रमाकांत से मालूम हुआ कि एल सजनानी का उनके लिए फ़ोन आया था, और सजनानी ने कहा था कि वो फिर फ़ोन करेगा। 5 मिनट बाद ही सजनानी का फिर फ़ोन आ गया। सुनील से बात करने के स्थान पर उसने उसे केवल इतना कहलवाया कि वो यूथ क्लब में ही रहे। वो फौरन वहां पहुंच रहा था। 10 मिनट बाद सजनानी यूथ क्लब में सुनील के साथ बैठा हुआ था। आते ही उसने शिवाज रीगल का बड़ा पैक मंगाया और फिर सुनील से बोला, उस मनोहर लाल घोड़े से मुलाकात हुई साई? हुई, सुनील बोला। क्या कहता है वो? वो तुम्हारे 15% के हिस्से के 1.5 लाख रुपए दे रहा है। और शीला को क्या दे रहा है वो? 1.5 लाख रुपए। बड़ी, मैं शीला के हिस्से की कीमत पूछ रहा हूँ नहीं, उसका तो 40% का हिस्सा है। मैंने वही बताया है जो तुम पूछ रहे हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है, 15% का भी 1.5 लाख रुपया और 40% का भी 1.5 लाख रुपया? मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता है। जो कुछ मुझे मालूम हुआ है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सजनानी ने एक सांस में अपना विस्की का ग्लास खाली किया और फिर बोला, चलो। कहाँ? सुनील रुक कर बोला। मेरे साथ? तुम्हारे साथ तो हुआ, लेकिन कहाँ? शीला के घर। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? अरे चलो ना साईं, तुम्हारे पास गाड़ी है? मेरे पास नहीं है। सुनील का जी चाहा वो उससे पूछे कि वो गाड़ी कहाँ गई जिस पर सवार होकर वो सेसिल होटल पहुँचा था, लेकिन वो खामोश रहा। मेरे पास गाड़ी का क्या काम? प्रत्यक्ष वो बोला, गाड़ी तो तुम्हारे जैसे सरमाएदारों के पास होती है। बकवास मत करो नी, मैंने बाहर ब्लास्ट की गाड़ी खड़ी देखी है। अच्छी बात है, चलो। दोनों बाहर निकले। वे सुनील की एम्बेसडर में सवार हुए। सुनील ने गाड़ी हरनबी रोड की तरफ दौड़ा दी। हरनबी रोड वहां से ज्यादा दूर नहीं था। ये मनोहर लाल कैसा लगा आदमी तुम्हें? सजनानी ने पूछा। बहुत काइया, बहुत हरामी। क्यों? साई, मुझे मालूम हुआ है कि इस आदमी ने शीला के बाप का कत्ल किया था। अच्छा? हाँ। तुम साबित कर सकते हो कि मनोहर लाल कातिल है? हाँ। फिर तो पकड़वाओ साले को। मैं अभी तो आया राजनगर वापस, कल मैं पुलिस से बात करूंगा। किस्सा क्या है? मुझे पता लगा है कि अपनी मौत से कुछ घंटे पहले गोविंद ज्ञान चंदानी ने अपने एक दोस्त को कहा था कि उसने मनोहर लाल से कई जरूरी व्यापारिक वार्तालाप करना था। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि कत्ल से अगले ही रोज मनोहर लाल ने अपनी फियट कार बेच दी थी। ये तुम जानते ही होगे कि अपनी मौत के समय गोविंद ज्ञान चंदानी किसी के साथ कार में सवार था। उसी कार में उसे शूट किया गया था और फिर उसकी लाश को चलती कार में से बाहर धकेल दिया गया था। उसे 3 गोलियां मारी गई थी, उनमें से 2 उसके जिस्म से पार निकल गई थी और 1 जिस्म में ही अटकी रह गई थी। तुम्हारी जानकारी के लिए वो फियट कार अब मेरे अधिकार में है जो कि मनोहर लाल ने कत्ल के अगले दिन बेची थी। कार को खूब अच्छी तरह साफ कर दिया गया हुआ था, लेकिन फिर भी उसके भीतर कुछ ऐसे सूत्र मिले हैं जिनसे अभी भी ये साबित किया जा सकता है कि कत्ल कार में हुआ था। क्या मिला है कार में? कार के एक दरवाजे में अभी तक वो डेंट मौजूद है जहाँ की गोली टकराई थी। कार में से खून के धब्बे धोए जा चुके हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ये सिद्ध किया जा चुका है कि उसके भीतर कभी खून बिखरा था। और इतना क्या कम है? कम है, ये बातें केवल एक संदेहजनक स्थिति की तरफ इशारा करती है। इन्हें मनोहर लाल के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों? आज 6 महीने बाद क्या मनोहर लाल मानेगा कि कार में गोली तब चली थी, खून तब बिखरा था जब वो उसकी मिल्कियत में थी? मानेगा कैसे नहीं साईं, सजनानी आवेशपूर्ण स्वर में बोला। मैं मनाऊंगा उसे। तुम मनवाओगे? हाँ। तुम क्या समझते हो अपने आप को, जेम्स बॉन्ड या दारा सिंह?
वो मार मार कर भूस भर देगा तुम्हारी खाल में। कोई मजाक है, पहले मैं उसकी खाल में खिड़कियां दरवाजे नहीं बना दूंगा। ये देखो, सजनानी ने अपने कोट का बटन खोलकर शोल्डर होलेस्टर में लगी एक छोटी सी खूबसूरत सी रिवॉल्वर सुनील को दिखाई। सजनानी, सुनील तीखे स्वर में बोला, तुम्हारे पास ये रिवॉल्वर रखने का लाइसेंस है? है साईं। कहीं सचमुच ही खून खराबा मत कर बैठना। सजनानी हंसा, ये रिवॉल्वर बड़ी खूबसूरत है। सजनानी ने शोल्डर होलेस्टर से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और उसे सुनील को दिखाते हुए बोला, ये वाकई बहुत खूबसूरत रिवॉल्वर है। इसका दस्ता देख रहे हो, हाथी दांत का है। ऐसे तीन रिवॉल्वर है मेरे पास। तीन? हाँ, ये तीनों रिवॉल्वर एक भूतपूर्व महाराजा के निजी संकलन का हिस्सा थी। मुझे अच्छी लगी, मैंने खरीद ली। लेकिन तीन? साईं, एक वो बेचता नहीं था। तुम तीन रिवॉल्वरों का क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं तो ये एक ही अपने पास रखता हूँ। और बाकी दो कहाँ हैं? एक मैंने पुटड़े को दी हुई है और दूसरी मेरे मजेस्टिक सर्कल वाले ऑफिस की सेफ में रखी है। तुम्हारे लड़के के जिक्र से ध्यान आया, बधाई हो, सुना है गोपीनाथ ने शादी कर ली है। हाँ, सजनानी ने आह भरी और बोला, सुना तो मैंने भी है। तुमने भी सिर्फ सुना है, बहू देखी नहीं अभी? किधर देखी है साईं, अभी सीधा तो विशालगढ़ से आ रहा हूँ मैं। सुना है लड़की बहुत खूबसूरत है? वो तो होगी ही, खूबसूरत ना होती तो गोपी ने उसकी तरफ झांका तक ना होता। साईं, क्या बताऊं, एक ही लड़का है कमबख्त, हर वक्त पुटड़ियों के चक्कर में ही पड़ा रहता है। क्यों ना पड़ा रहे, बाप पर ही तो जाएगा। बाप कहाँ है ऐसा उसका? क्यों नहीं है, अपनी मुगल बाग की कोठी में जो आए दिन पार्टियां देते हो और फिर रासलीला रचाने के लिए खास तौर से गोपियां मंगाते हो, वो किस लिए? झूले लाल, सजनानी असहाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ बोला, अरे साईं, वो क्या अपने लिए करता हूँ? और किसके लिए करते हो? वड़ी वो पुटड़ियों तो पब्लिक के लिए होती हैं, बिजनेस में ऐसा करना पड़ता है। आजकल बड़ा बिजनेस पकड़ने में दो ही चीज़ तो मददगार साबित होती है, शराब और औरत। क्या कहने, लेकिन ये मेरा छोकरा लड़कियों के मामले में कुछ ज़्यादा ही फॉरवर्ड है। जब भी किसी नई पुटड़ी से यारी करता है तो बोल देता है कि अब उसे अपनी मनपसंद लड़की मिल गई है, लेकिन 4-6 महीने बाद ही वो किसी और से ही हु कर रहा होता है। अब देखो ना साई, पहले कहता था मंगला से शादी करूँगा, लेकिन फिर उससे भी मन भर गया उसका। मुझे लड़की पर तरस आया। उन्हीं दिनों मनोरमा नौकरी छोड़कर जा रही थी, मैंने मनोरमा वाली नौकरी मंगला को दे दी। फिर छोकरा शीला के पीछे पड़ गया। शीला के बारे में तो कंपक्त इतनी गारंटी से बात करता था कि मैंने तो उसे अपने घर की बहू मान ही लिया था। वो इतनी नेकनीयत और समझदार लड़की है कि मैं मन ही मन खुश था कि छोकरे की कंटिन्यूटी उससे थी, लेकिन गधे ने उसको भी छोड़ दिया और पता नहीं किससे शादी कर ली। सुना है कोई ग्लैमर गर्ल है, विशालगढ़ में कैबरे करती थी। झूले लाल, ये तुम्हारी पुरानी सेक्रेटरी मनोरमा भी क्या तुम्हारे लड़की की गर्लफ्रेंड थी? नहीं साईं, उसे तो अपनी सेक्रेटरी के तौर पर मैंने रखा था। बहुत ही सियानी लड़की थी साईं, वैसी सेक्रेटरी मुझे नहीं मिल सकती। मैं तो उसे अपनी लड़की की तरह मानता था, लेकिन पता नहीं शादी के बाद इन पुटड़ियों को क्या हो जाता है। नौकरी क्या छोड़ी, दोबारा एक बार झांकने तक नहीं आई ऑफिस में। तुमने ये कैसे सोच लिया कि शादी के बाद वो तुम्हारे ऑफिस में एक बार भी नहीं आई? नहीं आई? अरे साईं, आई होती तो मुझे मालूम होता ना। सजनानी, तुम्हारी जानकारी के लिए वो दो बार तुम्हारे ऑफिस में गई थी, लेकिन तुम्हारी उस नई सेक्रेटरी ने जानबूझकर उससे तुमसे नहीं मिलने दिया। उसने मनोरमा को रिसेप्शन पर बिठाए रखा और कह दिया कि तुम बिजी हो। उसने तुम्हें खबर तक करना ज़रूरी नहीं समझा कि मनोरमा आई थी। सच कह रहे हो? तुम चाहो तो मनोरमा से पूछ लो। झूले लाल, सजनानी एक गहरी सांस लेकर बोला, फिर तो मैंने जो किया अच्छा ही किया। क्या किया है तुमने? मैंने मंगला को नौकरी से निकाल दिया है। मैंने विशालगढ़ से लौटते ही उससे जवाब तलबी की थी कि उसने शीला को या तुम्हें मेरा पता क्यों नहीं बताया। पता नहीं बताया तो ना सही, उसने मुझे खबर क्यों नहीं की कि शीला मुझे तलाश कर रही थी? जवाब में वो मुझे ही दोष देने लगी कि मैंने उसे ऐसा निर्देश क्यों दिया था कि वो मेरा पता किसी को ना बताए। मुझसे उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हुई, मैंने खड़े पैर उसे नौकरी से निकाल दिया। बाद में जब मेरा गुस्सा उतरा तो मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने बेचारी के साथ ऐसा सलूक क्यों किया। लेकिन अब मनोरमा वाली बात सुनकर मुझे तसल्ली हो गई है कि मैंने जो किया अच्छा ही किया, वो लड़की मनोरमा की जगह लेने के काबिल थी ही नहीं। तभी सुनील ने कार को हरनबी रोड की 5 नंबर इमारत के सामने ले जाकर रोका। मैं गाड़ी में ही बैठता हूँ, सुनील बोला, तुम मिलाओ शीला से। नहीं, सजनानी बोला, तुम भी चलो। मैं क्या करूँगा जाकर? वड़ी चलो ना, इधर बैठे भी क्या करोगे। दोनों कार से बाहर निकले, वे शीला ज्ञानचंदानी के फ्लैट में पहुंचे। शीला के एल सजनानी को आया देखकर बहुत हैरान हुई। मैं अभी विशालगढ़ से लौटा हूँ, सजनानी बोला, मुझे सुनील ने बताया था कि तुम मुझे तलाश कर रही थी। शीला खामोश रही।
मनोहर लाल से मुलाकात हुई? हाँ, वो बोली। क्या कहता है वो? वो मुझे मेरे हिस्से की 1.5 लाख कीमत दे रहा है। कीमत कम है, तुम्हें 4 लाख रुपए मिलने चाहिए। वो इससे ज़्यादा देने को तैयार नहीं। वो देगा, उसे देना पड़ेगा। तुम मुझे अथॉरिटी लिख दो कि तुम्हारे हिस्से का सौदा मैं कर सकता हूँ, फिर मैं तुम्हें उस मनोहर लाल के घोड़े से तुम्हारे हिस्से के 4 लाख रुपए हासिल करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं कल आपको अथॉरिटी लेटर दे जाऊंगी। और अगर मनोहर लाल तुमसे दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश करे तो तुम उससे बात तक करने से इनकार कर देना। वो तुम्हें डराने धमकाने की कोशिश करे तो फौरन मुझे खबर करना। अच्छा शीला, मुझे हाल ही में एक ऐसी बात मालूम हुई है जिसके बिना पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत खतरनाक आदमी है। क्या मालूम हुआ है आपको? शीला, तुम्हारे पिता का कत्ल मनोहर लाल ने किया था। ओह, शीला धीरे से बोली। सुनील को यूं लगा जैसे उस खबर से शीला कोई विशेष प्रभावित ना हुई हो। इसलिए मैं तुम्हें मनोहर लाल से खास तौर से सावधान करने आया हूँ, सजनानी बोला। मैं सावधान हूँ, शीला बोली। शीला, वो बहुत खतरनाक आदमी है। होगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छी बात है, सजनानी उठता हुआ बोला। तुम्हें आगाह करना मेरा फर्ज था, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आओ साईं। सुनील उठ खड़ा हुआ। दोनों ने वहां से विदा ली और नीचे पहुंचे। सुनील कार में सवार हुआ। उसने सजनानी की ओर वाला दरवाजा भीतर से खोला। सजनानी भीतर बैठता बैठता ठिठक गया। साईं, एकाएक वो बोला, मैं अभी आया। इससे पहले कि सुनील कुछ बोल पाता वो फिर वापस इमारत में दाखिल हो गया। सुनील के चेहरे पर उलझन के भाव उभरे। फिर उसने लापरवाही से कंधे झटकाए और एक सिगरेट सुलगाने में मगन हो गया। थोड़ी देर बाद सजनानी वापस लौटा। वो धम से सुनील की बगल में आ बैठा और बोला, चलो। सुनील ने देखा सजनानी के कोट के बटन खुले थे और उसके शोल्डर होलेस्टर में से उसकी रिवॉल्वर गायब थी। अगली सुबह सुनील के फोन की घंटी बजी। सुनील ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और माउथपीस में बोला, हेलो। गुरुजी, आवाज आई। मैं अर्जुन बोल रहा हूँ, आपका बालक। हेलो अर्जुन, सवेरे सवेरे कहाँ से बोल रहे हो? सेसिल होटल से। सेसिल होटल से? वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ एक कत्ल हो गया है गुरुजी। किसका? एक मनोहर लाल नाम के आदमी का। 314 नंबर स्ट्रीट में? हाँ। आपको कैसे मालूम गुरुजी? मेरे पास क्रिस्टल बॉल है। कब हुआ कत्ल? कत्ल तो रात को किसी वक्त हुआ है, लेकिन लाश अभी थोड़ी देर पहले बरामद हुई है। वेटर सुबह ही चाय लेकर गया था तो उसने मनोहर लाल की खून से लथपथ लाश को फर्श पर पड़े देखा था। वो छाती में गोली लगने से मरा है। कातिल का पता लगा? अभी कहाँ, अभी तो पुलिस यहाँ पहुँची है। मुझे क्यों फ़ोन किया है तुमने? राय ने कहा है कि मैं आपको यहाँ बुला लूँ। ओह, तो आप आ रहे हैं गुरुजी? नहीं, अभी नहीं। लेकिन गुरुजी, राय ने कहा था कि? सुनील ने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। उसने फ्लैट को ताला लगाया, नीचे जाकर एक टैक्सी पर सवार हुआ और सीधा हरनबी रोड पहुँचा। उसने 5 नंबर इमारत के सामने टैक्सी रुकवाई और ड्राइवर से पूछा, थोड़ी देर रुक सकते हो भाई? क्यों नहीं साहब, ड्राइवर बोला, जितनी देर आप कहें। मैं अभी आता हूँ। सुनील इमारत में दाखिल हुआ। शीला ज्ञानचंदानी अपने फ्लैट में मौजूद थी। आओ, वो बोली, सुबह सवेरे कैसे आ गए? तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाने आया हूँ जो वैसे तुम तक अभी बहुत देर में पहुँचेगी। कैसी खबर? आज होटल के स्वीट में से मनोहर लाल की लाश बरामद हुई है। अच्छा, उसका कत्ल हो गया है, किसी ने उसे शूट कर दिया है। ओह, इस खबर की तुम पर कोई प्रतिक्रिया हुई मालूम नहीं होती मुझे। क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी? वो आदमी मेरे पिता का हत्यारा है, उसके कत्ल की खबर सुनकर क्या मुझे धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देना चाहिए था? कल 8:30 बजे तुम मनोहर लाल से मिलने गई थी? हाँ, तुम्हें मालूम ही है। उस वक्त मनोहर लाल जिंदा था? ये क्या सवाल हुआ? तुम्हारी मुलाकात हुई थी उससे? हाँ हाँ। उसने तुम्हारे 40% के हिस्से की कीमत 1.5 लाख लगाई थी? हाँ। लेकिन सजनानी के 15% के भी वो 1.5 लाख ही दे रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या जानूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने तुम्हें कोई ऑफर दी ही ना हो? जब तुम वहाँ पहुँची हो तो तुमने उसे वहाँ मरा पड़ा पाया हो और तुमने खुद ही 1.5 लाख की कीमत घट ली हो। ऐसा नहीं है। कल रात मेरे और सजनानी के यहाँ से जाने के बाद तुम दोबारा सेसिल होटल गई थी? सवाल ही नहीं पैदा होता, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी दोबारा वहाँ जाने की? वो रिवॉल्वर कहाँ है जो कल सजनानी ने तुम्हें दी थी? सजनानी साहब ने मुझे कोई रिवॉल्वर नहीं दी थी। पागल मत बनो, सजनानी ने मुझे खुद बताया था कि उसने मनोहर लाल से हिफाजत के लिए तुम्हें अपनी रिवॉल्वर दी थी, हाथी दांत के दस्ते वाली 38 कैलिबर की रिवॉल्वर। शीला ने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर उसके हाथ में रख दी। सुनील ने रिवॉल्वर की नाल को सूंघा।
तुरंत उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने रिवॉल्वर का चैम्बर खोला। चैम्बर में एक खाली कारतूस मौजूद था। प्रत्यक्ष एक गोली उसमें से चलाई गई थी और 5 सलामत मौजूद थी। इसमें एक खाली कारतूस मौजूद है, सुनील बोला। तो सीला बोली, इसमें खाली कारतूस की मौजूदगी का मतलब है कि इसमें से एक गोली चलाई गई है। आई सी, ये गोली किसने चलाई? मुझे क्या मालूम, मैंने तो इस रिवॉल्वर को हाथ तक नहीं लगाया। कल रात जैसी सजनानी साहब इसे छोड़ गए थे, ये वैसी ही अभी तक पड़ी थी। सुनील ने रिवॉल्वर का चैम्बर बंद किया और उसे वापस तकिए के नीचे रख दिया। गोली तुमने तो नहीं चलाई, उसने पूछा। सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर तुमने नहीं चलाई तो सजनानी ने चलाई होगी। वो खामोश रही। अगर मनोहर लाल की हत्या इस रिवॉल्वर से हुई है तो इसमें मौजूद खाली कारतूस की सफाई देना तुम्हारे लिए काफ़ी मुश्किल काम साबित हो सकता है। मेरे लिए क्यों, या सजनानी के लिए? मेरी राय में तुम्हें सजनानी से इस खाली कारतूस के बारे में बात करनी चाहिए। मैं करूँगी। बंदा चला। सुनील नीचे आकर फिर अपनी प्रतीक्षारत टैक्सी में सवार हो गया। उसके निर्देश पर टैक्सी मुगल बाग पहुंची। सजनानी अपनी कोठी में नहीं था, गोपीनाथ भी वहां नहीं था। वहां आने में सुनील को केवल इतना फायदा हुआ कि उसे गोपीनाथ की नई नकोर बीवी के दर्शन हो गए। उसका नाम उर्मिला था और वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। उर्मिला से उसे मालूम हुआ कि बेटा तो अपनी विज्ञापन एजेंसी के ऑफिस में गया था, लेकिन बाप कहाँ गया था उसे मालूम नहीं था। सुनील मैजेस्टिक सर्कल पहुंचा। सजनानी अपने ऑफिस में भी नहीं था। ऑफिस खुल चुका था लेकिन उसके प्राइवेट ऑफिस को ताला लगा हुआ था। सुनील फिर टैक्सी पर आसवार हुआ। वो नेताजी सुभाष मार्ग पहुंचा। वहां उसने गोपीनाथ की एडवर्टाइजिंग एजेंसी के सामने टैक्सी रुकवाई। वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर थी। गोपीनाथ वहां मौजूद था। गोपीनाथ सजनानी एक लगभग 27 साल का अति आधुनिक सुंदर युवक था। आइए, वो सुनील से हाथ मिलाता हुआ बोला। आइए सुनील साहब। सुनील उसके सामने बैठ गया। गोपीनाथ ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और उसे कॉफ़ी लाने के लिए कहा। आज इधर कैसे भटक पड़े, गोपीनाथ ने पूछा। तुम्हें शादी की मुबारकबाद देने आया था, सुनील मुस्कुराता हुआ बोला। ओह थैंक यू। बड़ी आनन फानन शादी की? मैं हर काम आनन फानन ही करता हूँ भाई साहब, और फिर ऐसे मामलों में देर करने से बढ़िया लड़की हाथ से निकल जाने का भी खतरा होता है, सुनील हंसा। तभी चपरासी कॉफ़ी ले आया। गोपी, सुनील बोला, दरअसल मैं तुम्हारे पापा को तलाश कर रहा हूँ। वे अपने ऑफिस में होंगे। वहाँ नहीं हैं वो। आप उनकी सेक्रेटरी मंगला से पूछते उनके बारे में? वहाँ सजनानी के प्राइवेट ऑफिस को ताला लगा हुआ था। ये कैसे हो सकता है, मंगला तो तुम्हारे पापा ने कल रात मंगला को नौकरी से निकाल दिया है। अच्छा क्यों? वजह नहीं मालूम मुझे। तुम्हारे पापा सुबह कोठी पर तो तुमसे मिले होंगे, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं कि वे कहाँ जाने वाले थे? मेरी सुबह पापा से मुलाकात नहीं हुई थी। बात यह है भाई साहब कि पापा मेरे यूं शादी कर लेने की वजह से मुझसे बहुत खफा है, इसलिए आजकल हम दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है। आई सी। क्वेश्चन खामोशी छाई रही। ये मंगला, सुनील ने नया सवाल किया, तुम जानते हो रहती कहाँ है? पहले तो वो कमर्शियल स्ट्रीट की 14 नंबर इमारत में रहती थी, अब का पता नहीं। वहाँ वो कौन से फ्लैट में थी? नंबर मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो दूसरी मंजिल पर सामने का फ्लैट था। दूसरी मंजिल पर सामने एक ही फ्लैट है। सुनील ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और उठता हुआ बोला, अगर अपने पापा से तुम्हारा संपर्क हो जाए तो उन्हें बता देना कि मैं उन्हें तलाश कर रहा था। ज़रूर। सुनील ने उससे हाथ मिलाया और वहाँ से भी विदा हो गया। वो फिर टैक्सी में आ बैठा। तब तक टैक्सी का मीटर 20 रुपये दिखाने लगा था। सुनील ने एक वितृष्णापूर्ण निगाह मीटर पर डाली और ड्राइवर से बोला, कमर्शियल स्ट्रीट चलो प्यारे लाल। टैक्सी आगे बढ़ी। सुनील को मंगला का फ्लैट तलाश करने में कोई दिक्कत ना हुई। कॉल बेल की आवाज़ पर दरवाज़ा खुद मंगला ने खोला। हेलो, सुनील अपने चेहरे पर एक गोल्डन जुबली मुस्कुराहट लाता हुआ बोला। तुम? वो हैरानी से बोली, यहाँ? यहाँ कैसे पहुँच गए तुम? जादू के ज़ोर से। मैंने आंखें बंद की, सच्चे दिल से तुम्हें याद किया, आंखें खोली तो अपने आप को यहाँ खड़ा पाया। क्या चाहते हो? जिनेदा मान से शादी करना चाहता हूँ मैम साहब। सेटअप। मेरा मतलब है मुझसे क्या चाहते हो? तुमसे एक मिनट बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? बताता हूँ, भीतर तो आने दो। मंगला हिचकिचाती हुई चौखट से परे हटी। दोनों आमने सामने बैठ गए। तुम अब सजनानी के यहाँ नहीं हो, सुनील बोला। आप ही की मेहरबानी है जनाब, वो विष भरे स्वर में बोली। मेरी मेहरबानी? इतने भोले मत बनो। तुमने सजनानी से मेरी शिकायत की कि मैंने तुम्हें उसका पता नहीं बताया, उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तुम्हें उसका पता मुझे बताना चाहिए था। क्यों बताना चाहिए था?
उसने मुझे कहा था कि मैं उसका पता किसी को भी ना बताऊं। मेरी डिक्शनरी में किसी को भी नहीं का मतलब किसी को भी नहीं ही होता है। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई। मुझे सजनानी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। नौकरी गई तो गई, मुझे क्या नौकरी की परवाह है। मैं तो वहाँ अपना वक्त ही खराब कर रही थी। अच्छा हुआ उस बूढ़े खुसट सिंधी से पीछा छूटा। हुआ क्या था, वो शाम को ऑफिस में आया। पहले उसने मुझे विशालगढ़ से फ़ोन करके बताया था कि वो आ रहा था और मैं ऑफिस में उसका इंतज़ार करूँ। ऑफिस बंद होने के बाद भी मैं उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। वो भुनभुनाता हुआ ऑफिस में पहुँचा और आते ही बाथरूम में घुस गया। बाथरूम में? हाँ, उसके ऑफिस की बगल में एक और कमरा है जो उसने अपने बेडरूम के रूप में सजाया हुआ है। यहाँ वो वक्त ज़रूरत के लिए अपने कपड़े वगैरह भी रखता है। आईसी जनाब, ज़रा परवाह नहीं की उसने इस बात की कि मैं उसके इंतज़ार में अकेली बैठी झक मार रही हूँ। बजाय इसके कि वो पहले मुझसे बात करे, बाथरूम में घुस गया आते ही। फिर वो तरोताज़ा होकर नया सूट पहनकर बाहर निकला और लगा मुझ पर बरसने कि मैंने तुम्हें या शीला को उसका पता क्यों नहीं बताया। उसे खबर क्यों नहीं की कि तुम दोनों उसे तलाश कर रहे थे। भन्नाई तो मैं बैठी ही थी, मुझे भी ताव आ गया। फिर मैंने भी दो चार खरी खरी सुना दी उसे। जवाब में उसने वही किया जो हर एम्प्लॉयर करता है। और तो कुछ बस का होता नहीं इन लोगों का। क्या किया उसने? मुझे कहने लगा तुम्हारी नौकरी खलास। मैंने भी कह दिया कि भाड़ में गया वो और भाड़ में गई उसकी नौकरी। मैं उसी वक्त वहाँ से उठकर चली आई। सजनानी ऑफिस में कितने बजे पहुँचा था? 9:15। 15 मिनट वो बाथरूम में घुसा रहा था। उसके बाद मेरी उसे तकरार हुई थी। वो ऑफिस में सीधा विशालगढ़ से आया था? हाँ, कहता तो वो यही था। मैडम, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी गई। कहो तो मैं सजनानी से इस बारे में बात करूँ या कहीं और नौकरी की बात करूँ? नो थैंक्स, नौकरी तो अब मुझे करनी ही नहीं। तो क्या करोगी? वही जो करने का शुरू से मेरा मन था। क्या? फिल्म स्टार बनने की कोशिश करूँगी। वो तो तुम जब चाहो बन सकती हो। तुम्हारी फिगर, तुम्हारी पर्सनैलिटी है ही एक फिल्म स्टार के काबिल। थैंक यू। वो खुश हो गई। गोपीनाथ ने शादी कर ली है तुम्हें मालूम हुआ? हाँ जी हुआ। तुम्हारी भी तो काफ़ी कोर्टशिप चली थी गोपीनाथ से। हाँ, लेकिन बीच में शीला आ गई तो उसने मुझे छोड़ दिया। फिर बीच में ये उसकी नई बीवी आ गई तो उसने शीला को छोड़ दिया। लेकिन तुम क्या समझते हो कि गोपीनाथ अपनी बीवी से बंधा रह जाएगा? नहीं रहेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। 6 महीने में तलाक ना हो जाए तो कहना। अच्छा, तो दोस्तों ये था खाली कारतूस नॉवल का पार्ट 2। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर CP में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर CP, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए करिए मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि मैं लंबे अपडेट्स दूँ या लंबी वीडियोस बनाऊँ या 4-5 पार्ट्स में वीडियोस को ख़त्म कर दूँ। आप सभी श्रोतागण की मुश्किल को मैं समझ पा रहा हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी भी तकलीफ को थोड़ा समझ रहे होंगे। दोस्तों, मैं एक जॉब करने वाला बंदा हूँ, समय के अभाव के कारण मैं छोटे वीडियोज़ ही बना पाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं जॉब करता हूँ तो ये मेरा फुल फ्लैच वर्क नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको पूरा टाइम नहीं दे सकता। और इसी वजह से जब मुझे समय मिलता है मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आप कारण समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खाली कारतूस नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खाली कारतूस नॉवल का पार्ट 3। लेकिन तुम क्या समझते हो कि गोपीनाथ अपनी बीवी से बंधा रह जाएगा? नहीं रहेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। 6 महीने में तलाक ना हो जाए तो कहना। अच्छा, हाँ,
एक नंबर का हरामी है ये गोपी का बच्चा। 6 महीने से ज्यादा रोमांस नहीं चलता इसका किसी के साथ। 6 महीने हुए नहीं कि गोपी के नाथ ने नई लड़की तलाश करनी शुरू की नहीं। बाप और बेटा दोनों ही एक नंबर के हरामजादे हैं, सिर्फ उनकी हरामजादियों की किस्म में फर्क है। सुनील हंसा। सुनो, एकाएक वो बोली, तुम्हारे पास गाड़ी है? क्यों, मुझे कहीं तकलीफ दे सकते हो? गाड़ी तो नहीं है मेरे पास। ओह, तुम्हें जाना कहाँ है? नटराज स्टूडियो, वहाँ आज मेरा स्क्रीन टेस्ट होना है। चलो मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूँगा। कैसे? नीचे एक टैक्सी खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं तुम्हें उस पर नटराज स्टूडियो पहुँचा दूँगा। थैंक यू, वो अरसे स्वर में बोली। दोनों टैक्सी में आसवार हुए। टैक्सी फिर सड़क पर दौड़ने लगी। सुनील ने टैक्सी ब्लास्ट के ऑफिस के सामने रुकवाई। तब तक मीटर में 32 रुपये बन चुके थे। सुनील ने ड्राइवर को 40 रुपये दिए और कहा, मैडम को नटराज स्टूडियो छोड़कर जाना है। ड्राइवर ने सहमति में सिर हिला दिया। सुनील टैक्सी से उतर गया। थैंक यू, मंगला बोली। नेवर माइंड, सुनील बोला। टैक्सी आगे बढ़ गई। सुनील ब्लास्ट के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ा, तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। सुनील ठिटका, घूमा। पीछे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल खड़ा था। हेलो, प्रभुदयाल बोला। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, सुनील बोला। आज सुबह सुबह इधर कैसे आना हो गया? आप ही के दर्शनों के लिए आए हैं जनाब, प्रभुदयाल सहज भाव से बोला। मेरे? जी हाँ। सुबह सवेरे? जी हाँ, हम आपके घर भी गए थे, लेकिन आप वहाँ से तशरीफ ले जा चुके थे। मुझे मालूम होता कि आप आने वाले हैं तो मैं रुक जाता। कोई बात नहीं, सेवा बताइए। एक केस के सिलसिले में आपसे चंद सवाल पूछने हैं। ज़रूर, तशरीफ लाइए। सुनील उसे अपने केबिन में ले गया। आमतौर पर तो तुम थानेदार को भेजकर मुझे पकड़ मंगवाया करते हो प्रभु, सुनील बदले स्वर में बोला। आज खुद कैसे आ गए? आज मुझसे सब्र नहीं हुआ, प्रभुदयाल बोला। सोचा मैं ही चलूं, जल्दी मुलाकात हो जाएगी। बड़ी कृपा की। सिगरेट? प्रभुदयाल ने इनकार में सिर हिला दिया। कभी कभी तो पी लेते हो? महीने में एक बार। इत्तेफाक से इस महीने का सिगरेट पहले ही पी चुका हूँ। चाय? चलेगी। सुनील ने चाय मंगवाई। क्या किस्सा है? सुनील ने पूछा। सेसिल होटल में मनोहर लाल नाम के एक आदमी का कत्ल हो गया है। किसी ने 38 कैलिबर की रिवॉल्वर की एक गोली से उसे शूट कर दिया है। कब? कल रात किसी वक्त। मेरा उसके कत्ल से क्या वास्ता? शायद हो। नहीं है। तुम उस आदमी को जानते हो? नहीं। तुम उसे जानते हो? प्रभुदयाल जोर देकर बोला। मैं नहीं जानता। कल रात 8 बजे उसके होटल के रूम में तुम उससे मिलने गए थे। सुनील सक पकाया। मैं गलत कह रहा हूँ? प्रभुदयाल बोला। तुम्हें कैसे मालूम? है मालूम, ऐसी बातें मालूम करने के हमारे पास अपने तरीके होते हैं जिन्हें हम किसी पर जाहिर करना पसंद नहीं करते। आई सी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सुनील ने बड़े गंभीर भाव से सिगरेट का कश लगाया। जो सवाल मैं तुम्हें इतनी सराफत से यहाँ आकर पूछ रहा हूँ, वो मैं तुम्हें पुलिस हेडक्वार्टर तलब करके एक ऐसे तरीके से पूछ सकता हूँ जो तुम्हें बहुत नागवार गुजरेगा। मैं कल मनोहर लाल से मिला था, सुनील को स्वीकार करना पड़ा। किस सिलसिले में? मैं अपने दोस्त के प्रतिनिधि के रूप में उससे कुछ व्यापारिक वार्तालाप करने गया था। कौन दोस्त? सजनानी। कन्हैयालाल सजनानी, मुगलबाग वाला? हाँ। वो खुद क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि वो राजनगर में नहीं था। कहाँ था वो? विशालगढ़ में। लेकिन वो तो कल राजनगर में था, और वो भी मनोहर लाल से मिलने गया था। सुनील ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रभुदयाल ने उसकी हैरानी की परवाह नहीं की। वो बोला, टैक्सी में तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो कौन थी? मेरी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड होने के अलावा और क्या है वो? सुनील ने असहाय भाव से प्रभुदयाल की तरफ देखा और बोला, उसका नाम मंगला है। वो कमर्शियल स्ट्रीट की 14 नंबर इमारत के एक फ्लैट में रहती है। पहले वो सजनानी की सेक्रेटरी थी, लेकिन हाल ही में उसने नौकरी छोड़ दी है। जाहिर है कि इस जानकारी का कत्ले से कोई रिश्ता नहीं। कैसे जाहिर है? क्योंकि अगर कोई रिश्ता होता तो तुम मुझे इतनी आसानी से सब कुछ ना बता देते। तुम पहले 1000 तरह की टाल मटोल करते, फिर मजबूरन कुछ कह करते थे। मैं एक नेक शहरी होने के नाते पुलिस को अपना पूरा सहयोग दे रहा हूँ। शुक्रिया, प्रभुदयाल सुस्त स्वर में बोला। अब लगे हाथों ये भी बता दो कि आज सुबह अपने फ्लैट से निकलने और अभी अभी यहाँ पहुँचने के बीच तुम कहाँ गए थे? मैं कहीं भी नहीं गया था। कहीं तो तुम ज़रूर गए थे, क्योंकि सीधे तो तुम यहाँ आए नहीं थे। सीधे आए होते तो अब से बहुत पहले तुम यहाँ पहुँच चुके होते। मैं कहाँ कहाँ गया था ये मैं पुलिस को बताना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन पुलिस के लिए ये जान लेना मामूली काम है। अच्छा, कौन सा मंत्र फेरोगे? मंत्र फेरने की ज़रूरत नहीं, इत्तेफाक से तुम्हारी टैक्सी के मीटर पर मेरी निगाह पड़ी थी।
उस वक्त मीटर 32 रुपये दिखा रहा था। इसका मतलब है कि उसी टैक्सी पर तुम काफ़ी जगह गए थे। इसका आगे मतलब है कि अपने फ्लैट से निकलते ही तुम उस टैक्सी पर सवार हो गए थे। मैंने उस टैक्सी का नंबर नोट कर लिया है। मैं उसके ड्राइवर को पुलिस हेडक्वार्टर में तलब करके उससे बड़ी सहूलियत से ये मालूम कर सकता हूँ कि वो तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर गया था। मान गए गुरु, सुनील प्रशंसात्मक स्वर में बोला। प्रभुदयाल के चेहरे के गंभीर भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया। अपने घर से सजनानी की तलाश में निकला था, सुनील ने बताया, और उसी की तलाश के सिलसिले में 3-4 जगह गया था। वो मिला? नहीं। तुम उसे क्यों तलाश कर रहे थे? मैं उसे बताना चाहता था कि मनोहर लाल का कत्ल हो गया था। खुद तुम्हें कत्ल की खबर कैसे लगी थी? मुझे अर्जुन ने घटनास्थल से फोन किया था। अर्जुन का फोन आते ही तुम मनोहर लाल के कत्ल की खबर सजनानी को देने दौड़ पड़े? हाँ। क्यों? क्योंकि जो व्यवसायिक वार्तालाप मैं सजनानी की तरफ से मनोहर लाल से करने गया था, मनोहर लाल की मौत से उस पर बहुत असर पड़ सकता था। तुम्हें उम्मीद है कि सजनानी तुमसे संपर्क स्थापित करेगा? हाँ। अगर ऐसा हो तो उसे ये कहना ना भूलना कि पुलिस भी उससे बात करना चाहती है। नहीं भूलूंगा। तुम्हारी जानकारी में सजनानी के पास कोई रिवॉल्वर है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ओके, मैं तुमसे वो बात पूछता हूँ जिस बारे में तुम्हें कुछ मालूम है, या यूँ कहो कि जिस बारे में सिर्फ तुम्हें ही कुछ मालूम है। पूछो। कल रात तुम होटल सेसिल गए थे? हाँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मनोहर लाल से मिलने मैं वहाँ गया था। लेकिन उससे मिल चुकने के बाद भी तुम फौरन वहाँ से रवाना नहीं हुए थे। तुम होटल के पिछवाड़े में गए थे। वहाँ पिछवाड़े की लोहे की सीढ़ियों से एक युवती नीचे उतरी थी। और हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास इस सारे प्रसंग की चश्मदीद गवाही है। अच्छा? हाँ, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हुआ हो सकता है कि फिर किसी डैमसेल इन डिस्ट्रेस की फरियाद सुनकर तुम अपना कोई टिपिकली सुनीलन करतब दिखाने वहाँ पहुँच गए हो? क्या मतलब? शायद तुम्हारी किसी परिचित युवती ने होटल में मनोहर लाल का कत्ल कर दिया हो और फिर तुम्हें फ़ोन करके कहा हो, सुनील भगवान के लिए जल्दी आओ, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। तुमने पूछा हो कि कैसी मुसीबत, तो उसने बताया हो कि वो मनोहर लाल से मिलने वहाँ गई थी, लेकिन मनोहर लाल उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा था। उसने मनोहर लाल को डराने के लिए उसकी ओर रिवॉल्वर तान दी थी, फिर मनोहर लाल उस पर झपट पड़ा था और दोनों में छीना झपटी होने लगी थी। उसी छीना झपटी के दौरान एक जोर के धमाके की आवाज़ सुनाई दी और अगले ही क्षण वो ये देखकर हैरान हो गई कि मनोहर लाल तो फर्श पर गिरा पड़ा था और उसकी छाती से खून बह रहा था। फिर शायद तुम्हें उसे ये राय दी हो कि वो होटल के सामने वाले दरवाजे से वहाँ से कूच करने के स्थान पर पिछवाड़े वाले रास्ते से बाहर निकल जाए, तब उसे वहाँ से निकालने के लिए तुम भी कार लेकर पिछवाड़े में पहुँच जाओगे। नॉनसेंस ही सही, लेकिन ऐसी नॉनसेंस की मुझे तुमसे हमेशा उम्मीद रहती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पक्की बात? हाँ। मनोहर लाल के कत्ल से संबंधित कोई और बात जो तुम मुझे बताना चाहते हो? नहीं। प्रभुदयाल ने गहरी सांस ली, फिर उठ खड़ा हुआ। ओके, वो बोला, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। जरूर। सजनानी को यह बताना मत भूलना कि उसे पुलिस से संपर्क स्थापित करना है। नहीं भूलूंगा। जिस लड़की को तुमने होटल के पिछवाड़े से लिफ्ट दी थी उसके बारे में तुमने कुछ नहीं बताया मुझे? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं किसी लड़की को नहीं जानता। फिलहाल तुम्हारा ये जवाब मुझे कबूल है। इसलिए कबूल है क्योंकि अभी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि जिस आदमी ने होटल के पिछवाड़े में लड़की को लिफ्ट दी थी वो तुम थे। यानी कि तुम्हारा वो कथित चश्मदीद गवाह उस आदमी को पहचान नहीं पाया? हाँ, वो आदमी कार के भीतर था इसलिए, लेकिन लड़की को उसने साफ पहचाना था। कौन थी वो लड़की? अभी हमें नहीं मालूम हो सका, लेकिन तलाश जारी है। सुनील खामोश हो गया। प्रभुदयाल ने सुनील से हाथ मिलाया और वहाँ से विदा हो गया। उसके थोड़ी देर बाद सुनील भी अपने केबिन से बाहर निकला। बच गए, रेणु बोली। क्या मतलब? सुनील हैरानी से बोला। पकड़कर जो नहीं ले गया तुम्हें वो थानेदार। मुझे काहे को पकड़ता वो? कुछ तो किया ही होगा तुमने, वरना वो क्यों आता यहाँ? रेणु की बच्ची, वो मेरे साथ आया था। फिर क्या हुआ? शायद उसने तुम्हें सड़क पर पकड़ा हो और तुमने रोकर गिड़गिड़ाकर उससे दरख्वास्त की हो कि हुजूर माई बाप, मेरे दफ्तर की मेज के दराज में मेरी बीड़ी का बंडल रह गया था, मुझे वो ले आने दो। थानेदार बेचारा पिघल गया होगा। फिर वो मुझे छोड़ क्यों गया? वो ज़्यादा पिघल गया होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब ये तो बता दो तुमने किया क्या था? मैं जिस लड़की को भगा कर ले जाने वाला था उसके बाप ने मेरी रिपोर्ट कर दी थी। मुझे भगा कर ले जाने की सोचते तो ऐसा खतरा तो ना होता। क्यों, तुम्हारा बाप रिपोर्ट नहीं करता? मेरा बाप है ही नहीं। यानी कि यतीम हो? हाफ माँ है।
अगर मैं तुम्हें भगा कर ले गया तो तुम्हारी इकलौती माँ का क्या होगा? भगाकर ज्यादा दूर मत ले जाना। ओके, मैं सोचूंगा। तो मैं अपना सूटकेस तैयार रखूं? हाँ। सुनील इमारत से बाहर निकला। नीचे उसे स्कूटर खड़ा करता अर्जुन मिल गया। कत्ल की क्या खबर है? उसने पूछा। अभी तो कोई खबर नहीं गुरुजी, अर्जुन बोला। ये मालूम हुआ कि कत्ल किस वक्त हुआ था? सही वक्त तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। वैसे लाश की हालत ये बता रही थी कि कत्ल पिछली रात को किसी वक्त हुआ था। ओह, अब तुम क्या कर रहे हो? अभी तो कुछ नहीं कर रहा, ऊपर जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारा स्कूटर चाहिए। जरूर। अर्जुन ने चाबी उसे थमा दी। सुनील ने स्कूटर को चालू किया, फिर उस पर सवार होकर वहां से रवाना होने ही वाला था कि अर्जुन बोला, गुरुजी। हाँ, 2 लीटर पेट्रोल डलवा देना। क्यों, पेट्रोल नहीं है इसमें? पेट्रोल तो है, लेकिन। लेकिन क्या? चंदा। अच्छी बात है। सुनील विक्रमपुरे पहुंचा। मनोरमा घर पर मौजूद थी। मैं तुम्हें एक निहायत जरूरी बात कहने आया हूँ, सुनील वहां पहुंचते ही बोला। क्या? वो शक पकाकर बोली। सजनानी का कहीं पता नहीं लग रहा, हो सकता है वो तुमसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करे। अगर ऐसा हो तो उसे सावधान कर देना कि पुलिस उसे तलाश कर रही है। पुलिस? हाँ, लेकिन उससे कहना कि वो पहले मुझसे संपर्क स्थापित करे। लेकिन सजनानी साहब भला मुझसे संपर्क स्थापित क्यों करेंगे? क्योंकि वो तुमसे शर्मिंदा है, मंगला की वजह से शर्मिंदा है। मैंने उसे बताया था कि तुम 2 बार उससे मिलने आई थी, लेकिन मंगला ने जानबूझकर तुम्हें उससे मिलने नहीं दिया था। ओह, और तुम्हारी जानकारी के लिए सजनानी ने मंगला को नौकरी से निकाल दिया है। तो अब दफ्तर कौन देख रहा है? कोई भी नहीं, दफ्तर का ताला लगा हुआ है। लेकिन सजनानी साहब का काम तो प्राइवेट सेक्रेटरी के बिना चलने वाला नहीं। फिलहाल उसने कोई नई सेक्रेटरी नहीं रखी है, वो खुद गायब है। दफ्तर आएगा तो कोई इंतजाम करेगा ना। लेकिन उनके काम का तो बहुत हर्जा हो रहा होगा। मजबूरी है, सुनील, निर्णयात्मक स्वर में बोली। मैं वहां जा रही हूं। कहाँ? सजनानी साहब के ऑफिस में। जब तक वे कोई नया इंतजाम नहीं कर लेते, उनका दफ्तर मैं देखूंगी। लेकिन तुम, सुनील उसके फूले पेट पर एक गुप्त निगाह डालता हुआ बोला, तुम जा सकोगी? अभी बेबी के आने में 3 महीने हैं, वो उसकी निगाह का मतलब समझकर संकोचपूर्ण स्वर में बोली। मैं कुछ दिन जा सकती हूँ, तब तक सजनानी साहब कोई और इंतजाम कर लेंगे। जैसा तुम मुनासिब समझो। चलो, मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ा हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, अभी मुझे तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं टैक्सी बुला लूंगी। ओके, मैं चलता हूँ। सुनील वहां से विदा हो गया। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर उसने स्कूटर रोका। उसने स्कूटर का ढक्कन खोला। टंकी पेट्रोल से लगभग भरी हुई थी। इसमें 2 लीटर पेट्रोल आ जाएगा? सुनील ने पंप के कर्मचारी से पूछा। कर्मचारी ने टंकी में झांका और फिर इंकार में सिर हिला दिया। जितना आता है डालो, इसे ऊपर तक भर दो। 1.5 लीटर में टंकी इतनी भर गई कि ढक्कन लगाते समय पेट्रोल बाहर लीक कर रहा था। वो वापस ब्लास्ट के दफ्तर में पहुंचा। उसने चपरासी के हाथ स्कूटर की चाबी अर्जुन को भिजवा दी और अपने केबिन में आ बैठा। तुरंत फोन की घंटी बज उठी। सुनील, दूसरी ओर से किसी ने सावधानी से पूछा। हाँ, सुनील बोला। कौन? मैं सजनानी बोल रहा हूँ। सजनानी? सुनील उत्तेजित स्वर में बोला। तुम कहाँ हो? नेवर माइंड दैट, वो दबे हुए लेकिन तीखे स्वर में बोला। जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो साईं। सुनाओ। हो सकता है कि मनोहर लाल की जान लेने वाली गोली शीला ने चलाई हो। शायद आत्मरक्षा के लिए मजबूर होकर उसे गोली चलानी पड़ी हो। मैं उस लड़की को किसी बखेड़े में फंसने से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं गायब हूँ। और मैं चाहता हूँ कि पुलिस कत्ल का शक मुझ पर करे, ताकि उसकी तरफ से पुलिस का ध्यान बटा रहे। लेकिन ऐसी उस्तादी दिखाने के चक्कर में अगर तुम फंस गए तो? मुझे कुछ नहीं होगा साईं, तुम मेरी चिंता छोड़ो। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो शीला के लिए करो। शीला पर इतनी मेहरबानी किस लिए? मुझे उस पुतड़ी से बहुत हमदर्दी है साईं। मेरा पुतड़ा उससे शादी ना करके पहले ही उस पर बहुत जुल्म कर चुका है। मैं नहीं चाहता कि उस पर और मुसीबतें टूटे। बस यही वजह है? साईं, फिर वो अपनी जात बिरादरी की है, कोई और वजह तो नहीं? और कौन सी वजह? शायद तुम पर इसका भूत सवार हो रहा हो। क्या मतलब? तुम्हारी उससे आशनाई तो नहीं? क्या बक रहे हो साईं, वो मेरी बेटी के समान है। मेरे सुनने में आया है कि बेटे से मायूस होकर शीला बाप को अपने पर आशिक करवाने की कोशिश कर रही थी। वड़ी, ऐसा किसने कहा? नहीं, मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। जुबान मत खींचो, सच सच बताओ, ऐसी कोई बात तो नहीं? नहीं, कसम झूलेलाल की। जानकर खुशी हुई। मैं फोन बंद कर रहा हूँ। सुनो सुनो। बोलो। तुम शीला को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हो? हाँ, चाहे इस चक्कर में तुम्हारा अपना पुलंदा बन जाए। हाँ,
या तुम्हारे लड़के का या उसकी नई बीवी का? हाँ हाँ ओके। और सुनो, बड़ी बोलो नहीं, आज सुबह मैं तुम्हारे दफ्तर में गया था, तुम्हारे प्राइवेट ऑफिस को तो ताला लगा हुआ था, वो तो लगना ही था। मेरा प्राइवेट ऑफिस तो मेरी सेक्रेटरी खोलती थी, और मंगला को तो कल रात मैंने नौकरी से निकाल दिया था। साईं, वहाँ ताला लगा रहने से तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हारी पुरानी सेक्रेटरी मनोरमा तुम्हारा दफ्तर संभालने के लिए वहाँ पहुँच गई है, वो तुम्हारे काम की अहमियत को समझती है, इसलिए उसने खुद ऑफर किया था कि जब तक तुम कोई इंतज़ाम नहीं कर लेते तुम्हारा दफ्तर वो संभालेगी। ऐसा? हाँ, भगवान उसका भला करे। नहीं साईं, उस पुटड़ी ने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। वो तो हुआ, लेकिन शीला, तभी संबंध विच्छेद हो गया। चैप्टर 2। सुनील नेताजी सुभाष मार्ग पर गोपीनाथ की एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऑफिस में पहुंचा। गोपीनाथ वहां मौजूद था। प्रत्यक्ष गोपीनाथ उसे इतनी जल्दी दोबारा आया देखकर हैरान हो गया। गोपी, सुनील वहां पहुंचते ही बिना किसी भूमिका के बोला, मैं तुमसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पूछने आया हूं। क्या? तुम्हारे पापा ने तुम्हें एक रिवॉल्वर दी हुई है, 38 कैलिबर की, हाथी दांत की मोट वाली। हाँ, गोपीनाथ तनिक सक पकाए स्वर में बोला। वो रिवॉल्वर कहाँ है? मेरे पास। दिखाओ। गोपीनाथ ने अपनी मेज की एक दराज खोलकर उसमें से रिवॉल्वर निकाली और उसे सुनील के सामने रख दिया। सुनील ने देखा, वो हूबहू वैसी ही रिवॉल्वर थी जैसी वो सजनानी के पास देख चुका था। ये रिवॉल्वर तुम आमतौर पर यहाँ रखते हो, मेज की दराज में? हाँ, दरअसल आमतौर पर कैश यहीं होता है, लेकिन जब मेरी जेब में ज़्यादा कैश होता है तो रिवॉल्वर अपने साथ भी रख लेता हूँ। सुनील ने रिवॉल्वर उठा ली और उसे उलटता पलटता हुआ बोला, बड़ी खूबसूरत रिवॉल्वर है ये। हाँ, ऐसी एक रिवॉल्वर मैंने सजनानी के पास भी देखी थी। सुनील रिवॉल्वर को अपनी हाथ में तोलता हुआ बोला, पापा ने ऐसी 3 रिवॉल्वर एक साथ खरीदी थी, उनमें से 2। सुनील ने रिवॉल्वर का घोड़ा खींचा। गोली चलने की आवाज़ से सारा कमरा गूंज गया। गोली सनसनाती हुई गोपीनाथ के समीप से गुजरी और उसके पीछे मौजूद खिड़की की चौखट में जा धसी। गोपीनाथ के छक्के छूट गए। वो भयभीत भाव से गला फाड़कर चिल्लाया। भड़ाक से उसके ऑफिस का दरवाजा खुला और बाहर बैठे 3-4 कर्मचारी एक साथ भीतर घुस आए। सुनील ने हड़बड़ाकर रिवॉल्वर मेज पर फेंक दी। हे भगवान, वो आतंकित स्वर में बोला, मुझे क्या मालूम था कि रिवॉल्वर भरी हुई थी। क्या हुआ साहब? कई लोग एक साथ बोले, क्या हुआ? कुछ नहीं, गोपीनाथ माथे का पसीना पहुंचता हुआ बोला, आप लोग जाकर अपना काम कीजिए। वे लोग चेहरे पर हैरानी और अनिश्चय के भाव लिए वहां से बाहर निकल गए। हद कर दी आपने तो भाई साहब, गोपीनाथ बोला, अभी मेरा काम हो गया होता। अब मुझे क्या पता था कि वो भरी हुई थी? आपको पता होना चाहिए था। ये रिवॉल्वर यहाँ कैश की हिफाजत के लिए रखी जाती है। खाली रिवॉल्वर रखने से कोई मतलब हल होता है? सॉरी, सुनील बोला। उसने रिवॉल्वर को वापस गोपीनाथ के सामने सरका दिया। अभी बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। आपको घोड़ा नहीं दबाना चाहिए था। अगर मुझे मालूम होता कि रिवॉल्वर भरी हुई थी तो ना दबाता। मैंने तो बेध्यानी में ही घोड़ा खींच दिया था। गोली चली देखकर तो खुद मेरे छक्के छूट गए थे। गोपीनाथ चुप रहा। उसके चेहरे पर असंतोष के भाव स्पष्ट रूप से अंकित थे। गोपी, सुनील गंभीर स्वर में बोला, अब एक काम करो। क्या? गोपी ने पूछा। रिवॉल्वर उठाकर जेब में रखो और मेरे साथ चलो। कहाँ? जहाँ मैं ले चलूँ। लेकिन कहाँ? यहाँ से तो चलो, मालूम हो जाएगा। सुनील साहब, आई एम ए बिजी मैन। सो एम आई। लेकिन अपने पापा की खातिर जो मैं कहता हूँ वो करो। अच्छी बात है। उसने रिवॉल्वर उठा ली। मैं इसमें से अभी अभी चली गोली का खाली कारतूस निकाल कर उसकी जगह नई गोली भर दूँ? नहीं, इसे ऐसे ही अपनी जेब में रखो। ओके। गोपीनाथ ने रिवॉल्वर जेब में डाल ली और उठ खड़ा हुआ। दोनों बाहर निकले। बाहर पार्किंग में गोपीनाथ की मर्सिडीज कार खड़ी थी। गोपीनाथ ने कार का दरवाज़ा खोला। मैंने कभी मर्सिडीज नहीं चलाई, सुनील बोला, गाड़ी मुझे चलाने दो। गोपीनाथ ने विचित्र भाव से सुनील की तरफ देखा और फिर चुपचाप चाबियां उसके हाथ में रख दी। सुनील ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने इग्निशन में चाबी लगाई। गोपीनाथ भी दूसरी ओर का दरवाज़ा खोलकर कार में सवार हो गया। सुनील ने कार सड़क पर दौड़ा दी। हम कहाँ जा रहे हैं? गोपीनाथ ने फिर पूछा। सैर करने, सुनील बोला। गोपीनाथ खामोश हो गया। वह भुकुटिता ने खिड़की से बाहर देखने लगा। सुनील चुपचाप कार दौड़ाता रहा। थोड़ी देर बाद कार ने मोड़ काटा और हरनबी रोड पर दाखिल हुई। सुनील ने कार को 5 नंबर इमारत के सामने ले जाकर खड़ा किया। ये कहाँ आ गए आप? गोपीनाथ हड़बड़ाकर बोला। सुनील ने इग्निशन बंद किया और बोला, आओ। आप कहीं मुझे शीला के फ्लैट पर तो नहीं ले जा रहे? क्यों, डरते हो वहाँ जाने से?
सवाल डरने का नहीं है सुनील साहब, मेरी ताजी ताजी शादी हुई है, मैं नहीं चाहता कि... क्या नहीं चाहते तुम? क्या वहां जाना जरूरी है? हाँ ठीक है चलिए। दोनों कार से बाहर निकले। सुनील ने कार को ताला लगाकर चाबियां वापस गोपीनाथ को सौंप दी। तुमने बताया नहीं तुम क्या चाहते हो। छोड़िए। दोनों इमारत में दाखिल हुए। सुनील ने फ्लैट नंबर 11 की घंटी बजाई। गोपीनाथ झिझका सा सुनील की ओट में खड़ा रहा। दरवाजा खुला। चौखट पर शीला प्रकट हुई। उसने सुनील को देखा। हेलो सुनील, वो बोली। फिर उसकी निगाह गोपीनाथ पर पड़ी और वह सक पकाकर चुप हो गई। गोपीनाथ ने बेचैनी से पहलू बदला। शीला ने अपने आप को संभाला और बोला, हेलो गोपी। हेलो देयर, गोपीनाथ कठिन स्वर में बोला। आओ। वे दोनों भीतर दाखिल हुए। शीला ने दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और उनके सामने जा बैठी। शादी की बधाई हो गोपी, शीला बोली। थैंक यू, गोपीनाथ खोखले स्वर में बोला। आप दोनों चुप करो और गौर से मेरी बात सुनो, सुनील बोला। शीला, सजनानी तुम्हारी हिफाजत के बारे में बहुत चिंतित है, इसलिए यह महसूस कर रहा है कि अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार होना चाहिए। मैं महसूस कर रहा हूँ, गोपीनाथ हड़बड़ाकर बोला। शट अप, सुनील बोला। शीला को रिवॉल्वर दो। गोपीनाथ ने हिचकिचाते हुए जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे शीला की तरफ बढ़ा दिया। रिवॉल्वर ले लो शीला, सुनील बोला। मैं क्या करूँ इसका, शीला हड़बड़ाकर बोली। ले लो, तकिए के नीचे रखने के काम आएगी। इसमें से एक गोली चली हुई है शीला, गोपीनाथ बोला। सुनील ने... गोपी, सुनील बीच में बोल पड़ा, तुम चुप ही रहो तो अच्छा है। गोपीनाथ ने दांत भींच लिए। शीला, जैसा कि मैंने अभी कहा, सजनानी, सुनील गोपीनाथ की ओर संकेत करता हुआ बोला, तुम्हारी हिफाजत के लिए बहुत चिंतित है, इसने किसी और लड़की से शादी कर ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारा हितचिंतक नहीं रहा, तुम अपनी हिफाजत कर सको इसलिए इसने तुम्हें ये रिवॉल्वर दी है। रिवॉल्वर के बारे में पूछे जाने पर तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, तुम बेहिचक कह सकती हो कि रिवॉल्वर तुम्हें सजनानी ने दी है। क्यों सजनानी? हाँ, गोपीनाथ हड़बड़ाकर बोला। हाँ गुड, सुनील बोला। शीला, अगर पुलिस यहाँ आकर तुमसे उस रिवॉल्वर की मांग करे जो तुम्हें सजनानी ने दी है और तुम पुलिस को ये रिवॉल्वर सौंप दो तो तुम क्या समझती हो कि तुमने कोई गलती की होगी? नहीं, शीला बोली। वेरी गुड, तुम्हारी जानकारी के लिए इस रिवॉल्वर में एक खाली कारतूस है, लेकिन वो गोली किसने चलाई है तुम्हें नहीं मालूम। जब ये रिवॉल्वर तुम्हें सौंपी गई थी तभी इसमें से एक गोली चली हुई थी। तुम्हें नहीं मालूम कि वो गोली किसने चलाई, क्यों चलाई? अगर पुलिस इन सवालों का जवाब तुमसे मांगे तो तुम कह देना कि इस बारे में वे सजनानी से बात करें जिसने कि तुम्हें ये रिवॉल्वर दी है। ओके, शीला ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिला दिया। थैंक यू, चलो सजनानी। दोनों वहां से बाहर निकल गए। रिवॉल्वर उपेक्षित सी कमरे के बीच में पड़ी मेज पर पड़ी थी। पीछे दरवाजा बंद हो गया। सीढ़ियों के रास्ते वे नीचे पहुंचे। वे बाहर की तरफ बढ़े, तभी बाहर सड़क पर खड़ी गोपीनाथ की मर्सिडीज कार के पीछे एक पुलिस की जीप आकर खड़ी हुई। सुनील ने गोपी की बाहें पकड़कर उसे वापस खींच लिया। दोनों झपटकर सीढ़ियों से परे खड़े एक खंभे की ओट में हो लिए। जीप में से इंस्पेक्टर प्रभुदयाल नीचे उतरा। वो इमारत में दाखिल हुआ और सीढ़ियां चढ़ने लगा। बच गए, सुनील गहरी सांस लेकर बोला। सुनील साहब, गोपीनाथ बोला, आप ये बार बार मुझे सजनानी क्यों कह रहे थे? क्यों? सुनील ने उसे घूर कर देखा। सजनानी नहीं हो क्या तुम? वो तो मैं हूं, लेकिन आपने तो हमेशा मुझे गोपी कहकर पुकारा है। क्या ऐसा कोई कानून है कि अगर मैं पहले तुम्हें गोपी कहकर पुकारता था तो अब मैं तुम्हें सजनानी कहकर नहीं पुकार सकता? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। जब मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो तुम ही समझाने की कोशिश छोड़ दो। लेकिन बाहर जाकर अपनी कार पर सवार हो जाओ, वापिस अपने दफ्तर पहुंचो और भगवान से प्रार्थना करो कि अभी जो इंस्पेक्टर यहाँ आया है उसका ध्यान तुम्हारी कार की तरफ ना गया हो। इतनी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी की तरफ उसका ध्यान अगर नहीं गया तो वो जरूर अंधा होगा। अंधाई तो नहीं है वो, सुनील चिंतित स्वर में बोला। आप कैसे जाएंगे? मैं चला जाऊंगा, तुम फुटो। गोपी इमारत से बाहर निकल गया। सुनील पूर्ववत खंभे के पीछे छुपा खड़ा रहा। 2 बजे सुनील के केबिन में उसकी मेज पर रखे फोन की घंटी बजी। लाइन पर मनोरमा थी। सुनील, वो घबराए स्वर में बोली, यहाँ पुलिस आई हुई है। किस लिए? सुनील ने पूछा। ऑफिस की तलाशी के लिए, उनके पास सर्च वारंट है। वे कहते हैं कि मनोहर लाल के कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं। मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं, तुम उन्हें तलाशी लेने दो। अपना काम निपटा कर जब वे लोग चले जाएं तो मुझे दोबारा फोन करके बताना कि उनके हाथ क्या लगा। ओके। सुनील ने रिसीवर रख दिया। उसने अर्जुन को बुलाया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में कुछ पता लगा? सुनील ने पूछा। मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ गुरुजी, अर्जुन बोला। वहां जाने से पहले तुम यूथ क्लब चले जाओ।
अब तक रमाकांत जाग गया होगा। उसका पुलिस हेडक्वार्टर पर एक सोर्स है जिसके माध्यम से मनोहर लाल के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में हमें ज्यादा आसानी से मालूम हो जाएगा। ठीक है, और मनोहर लाल के कत्ल की कहानी उसे सुना देना और उसे कहना कि मैंने कहा है कि वो मनोहर लाल के बारे में कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश करे। उसे ये बताना मत भूलना कि मनोहर लाल मूल रूप से विशालगढ़ का रहने वाला है और या तो खुद जरायम पेशा आदमी है और या जरायम पेशा आदमियों से उसका गठजोड़ है, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि आज से 6 महीने पहले गोविंद ज्ञानचंदानी नाम के एक आदमी का जो कत्ल हुआ था वो या तो मनोहर लाल ने खुद किया था और या किसी से करवाया था। ओके, मुझे मालूम हुआ है कि कल रात मनोहर लाल की हत्या के वक्त के आसपास एक युवती होटल के पिछवाड़े का लोहे की सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरती देखी गई थी। बाद में वो एक आदमी के साथ एक कार में सवार हो गई थी और वहां से विदा हो गई थी। पुलिस के पास इस घटना का एक चश्मदीद गवाह है जिसने एक युवती को साफ साफ देखा था, लेकिन आदमी को ये शायद साफ नहीं देख पाया था क्योंकि आदमी कार के भीतर था। आपको कैसे मालूम गुरुजी? नेवर माइंड दैट, तुम रमाकांत को कहना कि वो अपने पुलिस हेडक्वार्टर वाले उसी सोर्स से मालूम करे कि वो चश्मदीद गवाह कौन है। ओके, और ये लो, सुनील ने एक 2 का नोट और एक 8 निकालकर अर्जुन के सामने रख दी। ये क्या? स्कूटर में पूरा 2 लीटर तेल नहीं आ सकता था, जो कसर रह गई थी ये उसकी कीमत है। गुरुजी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ, क्या हाँ? मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रहा हूँ गुरुजी, आप तो ही। अर्जुन फौरन वहां से उठकर भाग गया। तभी फोन की घंटी दोबारा बज उठी। इस बार लाइन पर शीला थी। सुनील, वो बोली, यहाँ पुलिस आई थी। अच्छा, वो रिवॉल्वर तो पुलिस के हाथ पड़ गई। आई सी, तुम्हारे जाते ही पुलिस वहां पहुंच गई थी। फ्लैट की घंटी बजी थी तो मैंने समझा था कि तुम ही वापिस आए थे, इसलिए मेज पर पड़ी रिवॉल्वर को मैं कहीं छुपा भी नहीं पाई थी। जो पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ आया था उसने आते ही मेज पर से रिवॉल्वर उठा ली। उसने रिवॉल्वर की नाल को सूंघा था, फिर उसका चैम्बर खोलकर भीतर झांका था और फिर वो लगा मुझसे पूछने कि वो रिवॉल्वर मेरे पास कहाँ से आई। तुमने क्या बताया? वही जो सस्ता, मैंने कहा वो रिवॉल्वर मुझे सजनानी ने दी थी। उसने ये नहीं पूछा कौन से सजनानी ने, बाप ने या बेटे ने? नहीं। और उसने पूछा कि मैं सजनानी से आखिरी बार कब मिली थी? तुमने क्या कहा? मैंने कहा आज ही वो मेरे फ्लैट पर आया था। और बस शीला, वो पुलिस इंस्पेक्टर बहुत होशियार है, तुम्हारे फ्लैट में उसे बड़े अप्रत्याशित ढंग से वो रिवॉल्वर मिल गई थी, इसलिए उसने तुम्हें ज़्यादा नहीं कुरेदा, लेकिन वो दोबारा लौटेगा और दूसरी बार वो तुमसे बहुत खोद खोद कर बातें पूछेगा। मेरे ख्याल से तुम कुछ अरसे के लिए अपने फ्लैट से कहीं चली जाओ तो ये तुम्हारे लिए और सजनानी के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन मेरे यूँ एकाएक फ्लैट से कहीं चले जाने का पुलिस गलत मतलब नहीं लगाएगी? गलत मतलब तो वो तुम्हारी हर बात का लगाएगी, फिर इस बात की क्या चिंता करती हो? और फिर पुलिस ने तुम पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई है? तुम एक आध दिन के लिए अगर अपनी किसी सहेली के पास चली भी गई तो इसमें आफत क्या आ गई? ओके, मैं ऐसा ही करती हूँ। और सुनो, हाँ, कल जब तुम पिछवाड़े के रास्ते से होटल से बाहर निकली थी तो क्या तुमने अपने पीछे गली में किसी को देखा था? नहीं, मैं तो बहुत बौखलाई हुई थी। अगर मेरे पीछे कोई रहा भी होगा तो मुझे खबर नहीं लगी होगी, क्योंकि मैंने तो पीछे घूमकर देखा ही नहीं था। ऊपर से मैं जल्दी से जल्दी उस इलाके से निकल जाने की कोशिश में थी। ओह, क्यों, बात क्या है? किसी ने तुम्हें पिछवाड़े की सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गली में आते देखा था और वो बात पुलिस को भी मालूम हो चुकी है? ओह माय गॉड, लेकिन लगता है उन्हें अभी ये नहीं मालूम कि वो लड़की तुम थी, इसलिए फिलहाल चिंता मत करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, वो मरे स्वर में बोली। और सुनो, बोलो, तुमने उस रिवॉल्वर का क्या किया जो सजनानी ने तुम्हें दी थी? मैंने बताया तो है, अभी अभी उसे पुलिस ले गई है। अरे, मैं बेटे के नहीं बाप के रिवॉल्वर की बात कर रहा हूँ, मैं उस रिवॉल्वर की बात कर रहा हूँ जो कल रात कन्हैयालाल सजनानी ने तुम्हें दी थी। ओ वो, उसे तो मैंने गायब कर दिया। कहाँ गायब कर दिया? एक ऐसी जगह पर जहाँ से वो किसी के हाथ नहीं लग सकती। पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं। होते होंगे, लेकिन सजनानी साहब वाली रिवॉल्वर अब किसी के हाथ नहीं लग सकती। मैं चाहूँ तो खुद मेरे हाथ भी नहीं लग सकती वो। पक्की बात? हाँ, फिर ठीक है। तभी बीच में रेणु की आवाज़ आई। सोनू, ज़रा जल्दी बात करो, तुम्हारी और कॉल है। ओके, सुनील बोला। शीला, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, मुझे अपनी खोज खबर देती रहना। अच्छा, संबंध विच्छेद हो गया, सुनील रिसीवर कान से लगाए रहा। एक खटाक की आवाज़ हुई और फिर उसके कान में मनोरमा की आवाज़ पड़ी। सुनील, मैं मनोरमा बोल रही हूँ। बोलो मनोरमा, पुलिस तलाशी लेकर गई है, कुछ हाथ लगा उनके? ना, पुलिस वाले बेचारे बड़े मायूस होकर यहाँ से गए हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन सुनील, सजनानी साहब के दफ्तर की बड़ी खराब खबर है मेरे पास। क्या?
दफ्तर ऐसे खस्ता हाल में है कि मैं बयान नहीं कर सकती। पता नहीं मंगला जैसी लड़की के साथ सजनानी साहब अब तक गुजारा कैसे करते रहे। उसे तो लगता है या तो आता कुछ नहीं था या उसे काम की परवाह नहीं थी और वो जानबूझकर कुछ नहीं करती थी। बात क्या है? तो दोस्तों, ये था खाली कारतूस नॉवल का पार्ट 3। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खाली कारतूस नॉवल का 4th पार्ट। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खाली कारतूस नॉवल का 4th पार्ट। बात क्या है? सुनील, यहाँ एक एक पार्टी की 2-2 फाइलें खुली हुई है। अभी तक कई डुप्लीकेट फाइलें भी मेरी निगाह में आ चुकी है। चिट्ठी अभी यूं ही गड़मड़ है। चिट्ठी किसी पार्टी की होती है और वो लगी हुई किसी और पार्टी की फाइल में दिखाई देती है। बिल है तो उन्हें देखकर ये नहीं पता लगता कि किस बिल का भुगतान हो गया है और किसका होना बाकी है। कई बिल ऐसे हैं कि उनमें ज़रूरत से ज़्यादा रेट लगाए दिखाई देते हैं। अभी तो मैंने देखना सिर्फ शुरू किया है, ऐसे और पता नहीं कितने गड़बड़ी होंगी। मैं इतने तरीके से ये सारे काम किया करती थी, उस मंगला की बच्ची ने सब सत्यानाश कर दिया। ओफो, सजनानी का फोन आया? नहीं, आए तो मुझे खबर करना। ठीक है, सुनील ने रिसीवर रख दिया। तुरंत फिर घंटी बजी। कृष्ण जी महाराज, रेणु कह रही थी। क्या बात है, आज तो बहुत गोपियों के फोन आ रहे हैं। तुम जल रही हो? मेरी जूती जलती है। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी जूती सबसे ज्यादा संवेदनशील है। क्या बक रहे हो? मैं ये बक रहा हूं कि तुम कहीं पत्थर का टुकड़ा तो नहीं हो? क्या जलने वाली बात पर जलती जो नहीं हो तुम? खसमान उखाओ, संबंध विच्छेद हो गया। सुनील ने भी रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। अगले दिन सुबह 9 बजे सुनील के फ्लैट की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला, सामने रमाकांत खड़ा था। बबूत, सुनील आंखें फैलाकर बोला। रास्ता छोड़ो, रमाकांत बोला। तुम जाग रहे हो ना, नींद में चलते हुए तो यहाँ नहीं पहुंच गए? स्लीप वॉकिंग की बीमारी तो नहीं है तुम्हें? मायवा जुलाई दिया मस्खरिया माँ भेड़नाल। सुनील एक तरफ हटा, रमाकांत भीतर दाखिल हुआ। वो सोफे पर ढेर हो गया। उसने जेब से 4 मीनार का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया और हुक्म दंदना दिया। चाय बनाकर लाओ, सुनील महीन आवाज में बोला। अभी लाती हूँ प्राणनाथ। रमाकांत ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो सोफे पर अधलेटा सा बैठा सिगरेट पीता रहा। सुनील किचन में गया और 2 कप चाय बना लाया। रमाकांत ने उसके हाथ से चाय का कप ले लिया और एक नया सिगरेट सुलगा लिया। ये मनोहर लाल की मौत का क्या किस्सा है? रमाकांत ने पूछा। उसके कत्ल में तुमने अपनी टांग कैसे फंसा ली है? मैंने नहीं फंसाई, सुनील बोला। अपने आप ही फंस गई, खामखा, बिना मतलब। इस बार तुम जेल जाओगे, इस बार तुम शर्तिया जेल जाओगे। यही बताने के लिए मैं अपनी नींद हराम करके सुबह सवेरे यहाँ आया हूँ। हो क्या गया है? ऐसा कुछ हो गया है जो अभी मुझे मालूम है लेकिन तुम्हें नहीं मालूम। कुछ बताओगे भी? एक शर्त पर बताऊंगा। कौन सी शर्त? पहले तुम सच सच बताओगे कि इस बार कौन सी खिचड़ी पका रहे हो तुम। अच्छा, वैसे इतनी मुझे गारंटी है कि कथा फिर भी मुसीबत ज़दा हसीना की ही होगी। कथा तो ऐसी ही है, लेकिन इस बार मुसीबत ज़दा हसीना से मेरा कोई वास्ता नहीं, बदकिस्मती से। अब बोलो, तुम क्या जानते हो जो मैं नहीं जानता? पहले मनोहर लाल के बारे में सुनो। सुनाओ। वो सिर्फ जरायम पेशा आदमी ही नहीं, सजा याफ्ता मुजरिम भी था। विशालगढ़ में वो 2 बार जेल की हवा खा चुका है। एक बार उसे कॉल गर्ल सप्लाई करने वाले रिंग का सरगना होने की वजह से सजा हुई थी, तथा दूसरी बार ब्लैकमेलिंग के इल्ज़ाम में। अच्छा, बड़ा गुणी आदमी था फिर तो। जाहिर है। मरा कब वो?
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार परसों रात 7 बजे और 11:30 बजे के बीच में उसे 48 कैलिबर की एक ही गोली लगी थी, जो एकदम उसकी छाती के साथ सटाकर चलाई गई थी और सीधी दिल में घुस गई थी। किसी ने गोली चलने की आवाज़ नहीं सुनी थी? नहीं, गोली की नाल क्योंकि जिस्म के साथ सटी हुई थी इसलिए बहुत कम आवाज़ हुई थी। ऊपर से स्वीट के दरवाजे बंद थे। और अब पहले तुम सुनाओ। सुनो, सुनील ने बड़ी सराफत से उसे सारी कहानी कह सुनाई। उसने रमाकांत से यह भी ना छुपाया कि पुलिस को गड़बड़ाने के लिए किस प्रकार उसने गोपीनाथ के ऑफिस में उसकी रिवॉल्वर से एक गोली चलाई थी और फिर वही रिवॉल्वर शीला के फ्लैट में पहुंचा दी थी, और फिर वही रिवॉल्वर पुलिस बरामद कर ले तो उसका ध्यान उस दूसरी रिवॉल्वर की तरफ जाए ही नहीं जो हत्या की रात को सजनानी ने शीला को दी थी। तुम्हारी यही हरकत तुम्हें जेल में पहुंचाएगी, रमाकांत बोला। क्यों? क्योंकि पुलिस के बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है कि जो रिवॉल्वर पुलिस ने शीला ज्ञानचंदानी के फ्लैट से बरामद की थी उसी से वो घातक गोली चलाई गई थी जिसने कि मनोहर लाल की जान ली थी। क्या? सुनील हैरानी से चिल्ला पड़ा। जी हाँ, इसका मतलब समझते हो तुम? सुनील खामोश रहा। इसका मतलब है कि ये वही रिवॉल्वर थी जो तुम्हारे कहने पर गोपीनाथ ने तुम्हारे साथ शीला के फ्लैट पर जाकर उसे दी थी। इसका मतलब है कि उसी रिवॉल्वर से तुमने गोपीनाथ के ऑफिस में एक गोली चलाई थी। इसका मतलब है कि जिस रिवॉल्वर से घातक गोली चली थी वो गोपीनाथ के ऑफिस में उसकी मेज की दराज में बंद थी। सुनील चेहरे पर गहरी उलझन के भाव लिए खामोश बैठा रहा। और इस वहम में भी मत रहना शेरलक होम्स साहब कि पुलिस को तुम्हारी उस करतूत की खबर नहीं है जो कल तुमने गोपीनाथ के ऑफिस में की थी। पुलिस को तुम्हारी कल की हरकत की खबर कल ही लग गई थी और वे लोग इस बारे में गोपीनाथ से बात भी कर चुके हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश से नतीजा क्या निकाला है? पुलिस ने एक नहीं कई बड़े सुंदर सुंदर नतीजे निकाले हैं, जिसमें एक ये नतीजा भी शामिल है कि घातक रिवॉल्वर जरूर तुम्ही ने किसी प्रकार गोपीनाथ की मेज की दराज में रखी थी। नॉनसेंस। लेकिन जो नतीजा उन्हें सबसे ज्यादा युक्तिसंगत लग रहा है उसके अनुसार इस वक्त उनकी निगाह में मर्डर सस्पेक्ट नंबर 1 जानते हो कौन है? कौन है? गोपीनाथ की नवविवाहिता पत्नी मिसेस गोपीनाथ सजनानी, उर्मिला सजनानी। वो क्यों? क्योंकि शादी से पहले विशालगढ़ के जिस होटल में वो कैबरे डांस किया करती थी अपना मनोहर लाल भी वहाँ की बड़ी जानी पहचानी सूरत थी। पुलिस को ये पक्के तौर से मालूम हो चुका है कि उर्मिला मनोहर लाल को जानती थी। उसकी टेलीफोन के नंबर वाली डायरी में पुलिस को मनोहर लाल का नाम और टेलीफोन नंबर दोनों लिखे मिले हैं। ओह, मनोहर लाल मैं बता ही चुका हूँ कि एक पुराना खिसा हुआ ब्लैकमेलर था। उर्मिला की एक रईस खानदान में ताजी ताजी शादी हुई है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि मनोहर लाल ने उर्मिला को ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो और उर्मिला ने अपनी भविष्य को उजड़ने से बचाने के लिए उसका खून कर दिया हो। बड़ी दूर की कौड़ी लाए हो प्यारे लाल। मैं नहीं, पुलिस। मेरी कल की हरकत के बारे में पुलिस क्या कहती है? पुलिस को तुम्हारी इस बात पर कतई विश्वास नहीं है कि तुम्हें मालूम नहीं था कि रिवॉल्वर भरी हुई थी और कि गोली दुर्घटनावश चल गई थी। उनके ख्याल में तुमने गोली जानबूझकर और खूब सोच समझकर चलाई थी। इसलिए चलाई थी ताकि घातक गोली किसी रिवॉल्वर से चली इस मामले में पुलिस के बैलिस्टिक एक्सपर्ट को तुम गड़बड़ा सको। पुलिस इस बात को इत्तेफाक मानने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है कि मनोहर लाल के कत्ल से अगले रोज ही तुम गोपीनाथ के दफ्तर में पहुंच गए, तुमने उससे उसकी रिवॉल्वर मांगी, फिर जानबूझकर उसमें से एक गोली दाग दी और फिर तुमने गोपीनाथ के हलक में जबरदस्ती ये आइडिया धकेला कि शीला ज्ञानचंदानी को हिफाजत की जरूरत थी, इसलिए गोपीनाथ को अपनी वो रिवॉल्वर उसे देकर आनी चाहिए थी। वो रिवॉल्वर तुमने शीला के फ्लैट में जानबूझकर ऐसी जगह पर छोड़ी कि वो पुलिस की जानकारी में आए बिना ही ना रह सके। अपनी तरफ से तो तुम पुलिस को ये गलत धारणा बनाने के लिए मजबूर कर रहे थे कि जिस गोली से मनोहर लाल की हत्या हुई थी वो उस रिवॉल्वर से चली हुई थी। लेकिन मिस्टर जेम्स बॉन्ड, अब ये सुनकर तुम्हारे भी छक्के छूट रहे होंगे कि घातक गोली वाकई उस रिवॉल्वर से चली थी। अब आ गया ना दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाने का मजा। सुनील उठकर बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। उसने अस्थिर हाथों से एक नया सिगरेट सुलगाया। रमाकांत, अंत में वो रमाकांत के सामने ठिटका और बोला, मेरी जानकारी के अनुसार घातक रिवॉल्वर सजनानी के अधिकार में थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो रिवॉल्वर उसके लड़के गोपीनाथ के ऑफिस की मेज की दराज में कैसे पहुंच गई? कैसे क्या पहुंच गई? उसी ने रखी होगी गोपीनाथ की जानकारी के बिना? बिल्कुल, उसके पास अपने लड़के के ऑफिस की चाबी होगी। वो रात को किसी वक्त वहां जाकर घातक रिवॉल्वर मेज की दराज में रखाया होगा और वहां से गोपीनाथ की रिवॉल्वर निकाल लाया होगा। तुमने अभी खुद ही तो बताया था कि जैसी रिवॉल्वर सजनानी के पास थी वैसी एक रिवॉल्वर उसने खुद अपने लड़के को दी थी। यानी कि उसे मालूम था कि उसका लड़का अपने वाली रिवॉल्वर अपने ऑफिस की अपनी मेज की दराज में रखता था। यह मालूम होना क्या बड़ी बात है? हाँ, सुनील को स्वीकार करना पड़ा। क्या बड़ी बात है? इसका मतलब यह हुआ कि अपनी रिवॉल्वर में मौजूद खाली कारतूस के स्थान पर उसने एक नई गोली भरी
और अपनी रिवॉल्वर अपने लड़के के दराज में डालकर उसकी रिवॉल्वर वहां से निकाल लाया। इस उम्मीद से निकाल लाया कि उसके लड़के के पास वैसे ही रिवॉल्वर होने के ख्याल तक का पुलिस को ख्याल नहीं आएगा। उस रिवॉल्वर में से उसने एक गोली चलाई और वो उसने शीला को दे दिया। उसका ख्याल था कि पुलिस जब वो रिवॉल्वर बरामद करेगी और उसमें एक खाली कारतूस मौजूद पाएगी तो वो कूद कर इस नतीजे पर पहुंच जाएगी कि शीला ने उसी रिवॉल्वर से मनोहर लाल की हत्या की थी। लेकिन बाद में जब पुलिस का बैलिस्टिक एक्सपर्ट ये बताता है कि हत्या उस रिवॉल्वर से नहीं हुई थी तो पुलिस को शीला को हत्या के संदेह से बरी करना पड़ता। यही सजनानी चाहता था। सुनील एक क्षण का और बोला, लेकिन कल जो उस्तादी मैंने दिखाई उससे सजनानी की सारी योजना का सत्यानाश हो गया। अगर मुझे सजनानी ने बताया होता कि उसने क्या किया है तो मैं शीला के फ्लैट में एक और रिवॉल्वर पहुंचाने की शरारत हरगिज न करता। मैंने ये शरारत अपनी तरफ से तो शीला की भलाई के लिए ही की थी। मैंने सोचा कि अगर गोपीनाथ की रिवॉल्वर भी शीला के फ्लैट में पहुंच जाए और वही रिवॉल्वर पुलिस बरामद कर ले तो उनका ध्यान उस दूसरी रिवॉल्वर की तरफ जाएगा ही नहीं जो कि एल सजनानी शीला के पास छोड़ गया था। लेकिन तकदीर की मार की मेरी सारी स्कीम का पटड़ा हो गया। मैंने वही रिवॉल्वर वापस शीला के फ्लैट में पहुंचा दी जिसको छुपाए रखने के लिए प्रत्यक्ष सजनानी ने उतने पापड़ बेले थे। जो रिवॉल्वर सजनानी पुलिस के हाथों में नहीं पड़ने देना चाहता था वही रिवॉल्वर मेरी वजह से अनायास ही उसके हाथ लग गई। अब पुलिस तुम्हारी खूब खबर लेगी। पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। गोपीनाथ के ऑफिस में अगर मुझसे एक गोली चल गई तो क्या आफत आ गई? गोली किसी को लगी तो नहीं? केस को उलझाने के लिए उस रिवॉल्वर में से गोली चलाकर मैं क्या शरारत कर रहा था ये बात सिर्फ मैं जानता हूँ। पुलिस अव्वल तो उस शरारत को समझ नहीं सकती, समझ सकती है तो कुछ सिद्ध नहीं कर सकती। पुलिस को तो उल्टे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मेरी वजह से घातक रिवॉल्वर तक उनकी पहुँच हो गई। अगर मैंने खामखा पंगा ना लिया होता तो पुलिस अव्वल तो घातक रिवॉल्वर तलाश न कर पाती। कर पाती तो इतनी जल्दी तलाश तो हरगिज न कर पाती। सुनील, तुम्हारी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि घातक गोली या तो खुद सजनानी ने चलाई है और या शीला ने। लेकिन पुलिस की निगाह में तो प्राइम सस्पेक्ट गोपीनाथ की बीवी है। यह बहुत चिंताजनक बात है। क्यों? क्योंकि अगर ये बात सच है तो गोपीनाथ मेरी खूब खबर लेगा। वो तो कभी ये मानकर नहीं देगा कि उसकी पत्नी हत्यारी हो सकती है। वो यही कहेगा कि मैं घातक रिवॉल्वर साथ लेकर ऑफिस में पहुंचा, मैंने उसकी रिवॉल्वर मांगी, उसमें से जानबूझकर एक गोली चलाकर वहां हड़बड़ी का माहौल पैदा किया और फिर रिवॉल्वर बदल दी। मैंने उसके वाली रिवॉल्वर अपने पास छुपा ली और अपने साथ लाई घातक रिवॉल्वर उसे सौंप दी। फिर मेरे जाल में फंसकर वो वही रिवॉल्वर अर्थात घातक रिवॉल्वर शीला को दे आया। ओह, और जब के एल सजनानी को ये बात पता लगेगी तो वो भी मुझे कम गालियां नहीं देगा। तुमने सरासर गालियां खाने वाला काम किया है, जानबूझकर नहीं, अनजाने में, बहरहाल किया है। हाँ वो तो है। जब गोपीनाथ पुलिस को ये बात बताएगा तो पुलिस भी ये बात साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर देगी कि घातक रिवॉल्वर मेरे अधिकार में थी। लेकिन वो तो ये साबित कर ही नहीं सकते कि घातक रिवॉल्वर तुम्हारे अधिकार में थी। एक तरीके से कर सकते हैं, सुनील धीरे से बोला। जैसा कि मेरा विश्वास है कि जो रिवॉल्वर गोपीनाथ की मेज की दराज में थी वो घातक रिवॉल्वर थी और वो वहां से गोपीनाथ की रिवॉल्वर निकालकर उसकी बीवी या उसके बाप ने वहां रखी थी। अगर ये बात सच है तो जो रिवॉल्वर गोपीनाथ ने दराज से निकाल कर मुझे दी थी और मैंने उसमें से एक गोली चलाई थी वो गोली खिड़की की चौखट में जा धंसी थी। इस वक्त घातक रिवॉल्वर पुलिस के अधिकार में है। अगर पुलिस चौखट में से एक गोली निकाल ले तो उनका बैलिस्टिक एक्सपर्ट बड़ी आसानी से यह साबित कर सकता है कि मैंने जो गोली चलाई थी वो घातक रिवॉल्वर से चली थी या नहीं। रमाकांत, ये गोली मेरा पुलंदा बांध देगी, तो तुम जाकर गोली वहां से निकाल लाओ। मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। अगर मैं वहां से गोली निकालता पकड़ा गया तो मेरा ऐसा पुलंदा बंधेगा कि मेरे देवता पनाह मांग जाएंगे। दूसरे पुलिस अभी तक जरूर वहां से वो गोली निकाल चुकी होगी। तुम्हें उस गोली का पहले ख्याल रखना था। पहले तो मैंने इसलिए ख्याल नहीं किया था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि पुलिस को मेरी उस हरकत की खबर ही नहीं लगेगी। हत्या की रात को तुम भी मनोहर लाल से मिलने गए थे। अगर पुलिस ने यह साबित कर दिया कि कल घातक रिवॉल्वर तुम्हारे अधिकार में थी तो मुमकिन है वे तुम्ही पर मनोहर लाल के कत्ल का इल्जाम लगाने की कोशिश करें। सरासर मुमकिन है, लेकिन गनीमत है कि फिलहाल पुलिस का सारा ध्यान गोपीनाथ की बीवी की तरफ लगा हुआ है। उनका ध्यान बढ़ सकता है, तब की तब देखी जाएगी। तुमने गोली चलाई क्यों थी? क्योंकि जो घपला मैं फैलाना चाहता था उसके लिए उस रिवॉल्वर में एक खाली कारतूस होना जरूरी था, और अब जो घपला पुलिस फैलाएगी उसके लिए तुम्हारा जेल में होना जरूरी होगा। देखा जाएगा, फिलहाल मैं चलता हूँ, रमाकांत उठता हुआ बोला। अगर जेल में पहुंच जाओ तो मुझे खबर कर देना ताकि मैं तुम्हारी जमानत देने आ सकूं। अब तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों, मुझे ऑफिस तक ले चलो। सॉरी, मैं किसी और तरफ जा रहा हूं।
अच्छे यार हो तुम? अच्छा यार हूँ इसलिए सवेरे सवेरे तुम्हारी तबीयत का हालचाल जानने हाजिर हुआ हूँ, वरना मेरी बला से तुम चाहे जहन्नुम में जाकर लैंड करते या जेल में। सुनील खामोश रहा। रमाकांत फौरन वहां से कूच कर गया। तभी टेलीफोन की घंटी बज उठी। सुनील ने बेडरूम में जाकर फोन उठाया और बोला, हेलो सुनील। दूसरी ओर से कन्हैयालाल सजनानी की आवाज़ आई। सजनानी, सुनील तिरुस्वर में बोला, कहाँ हो तुम? शाबाश साईं, उत्तर में सजनानी बोला। काहे की शाबाश, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा काम कर रहा हूँ? अरे यहाँ ऐसा घपला फैला हुआ है कि मुझे सब मालूम है कि राजनगर में क्या हो रहा है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे लड़के की बीवी पर हत्या का शक किया जा रहा है। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे लड़के के ऑफिस में मैंने उसकी रिवॉल्वर में से एक गोली। मुझे सब मालूम है। जो कुछ हो रहा है वो सब सीला के हक में बहुत अच्छा है। कमाल है, तुम्हें एक गैर लड़की की फिक्र है, अपने लड़के की बीवी की फिक्र नहीं। उर्मिला को कुछ नहीं होने वाला साईं। पुलिस उस पर जितना मर्जी शक कर ले, पुलिस साबित कुछ नहीं कर सकती। साईं, असली हिफाजत की जरूरत तो शीला को है और किसी को नहीं। तुम हो कहाँ? सजनानी ने उत्तर नहीं दिया। इतना तो बता दो कि यहाँ हो कि यहाँ से बाहर। बड़ी छोड़ो ना, तुम यूं गायब रहोगे तो पुलिस तुम्हें फरार समझ लेगी। समझ लेगी तो समझ ले। तुम मेरी फिक्र मत करो साईं, तुम शीला की फिक्र करो। कोशिश करो कि पुलिस उसके खिलाफ कोई केस न बना पाए। अगर तुमसे बात करने की फौरन जरूरत आन पड़े तो मैं तुमसे कहाँ संपर्क स्थापित करूँ? तुम रिट्स होटल विशालगढ़ में फ़ोन करके दिलीप को संदेशा दे देना, मैं खुद तुमसे संपर्क स्थापित कर लूँगा। तुम वहाँ हो? दिलीप वहाँ है। और तुम कहाँ हो? उत्तर में सुनील को डायल टोन सुनाई देने लगी। सजनानी ने लाइन काट दी थी। सुनील ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर उसने रिसीवर को टेलीफोन पर पटक दिया। वो फ्लैट से बाहर निकला। एक स्कूटर पर सवार होकर वो ब्लास्ट के ऑफिस की तरफ रवाना हुआ। स्कूटर अभी थोड़ा ही रास्ता आगे गया था कि एकाएक वो ड्राइवर से बोला, सुनो नेताजी सुभाष मार्ग चलो। ड्राइवर ने सहमति में सिर हिलाया और स्कूटर का रुख बदल दिया। स्कूटर नेताजी सुभाष मार्ग पहुंचा। गोपीनाथ की एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऑफिस से थोड़ा परे ही सुनील स्कूटर से उतर गया। फिर वो हिचकिचाता हुआ फुटपाथ पर आगे बढ़ा। उसका दिल गवाही दे रहा था कि उसे वहां नहीं आना चाहिए था, लेकिन गोपीनाथ के ऑफिस की खिड़की की चौखट में धसी गोली की चिंता उसे अपने आप ही उधर लिए जा रही थी। वो उस इमारत के सामने पहुंचा जिसमें गोपीनाथ का ऑफिस था। उसने भीतर की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि वो धमक कर खड़ा हो गया। भीतर कंपाउंड में पुलिस की जीप खड़ी थी। वो फौरन घूमा और उसने इमारत के विपरीत दिशा में कदम बढ़ाया। सुनील, कोई पीछे से चिल्लाया। सुनील ठिठका। उसने जबरन वापस घूमकर देखा। जीप के पास इंस्पेक्टर प्रभुदयाल खड़ा था। सुनील से निगाहें मिलने पर उसने उसे समीप आने का इशारा किया। सुनील भारी कदमों से चलता हुआ जीप तक पहुंचा। कहाँ भागे जा रहे थे? प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला। कौन भागा जा रहा था? सुनील बनावटी हैरानी जाहिर करता हुआ बोला। तुम और कौन? तुम कंपाउंड से भीतर दाखिल हुए। तुमने कंपाउंड में पुलिस की जीप खड़ी देखी और तुम उल्टे पांव वापस चल दिए। क्यों? मुझे पुलिस से डर लगता है। तुम यहाँ क्या करने आए थे? गोपीनाथ से मिलने आया था। तो फिर बिना मिले क्यों लौटे जा रहे थे? मुझे कंपाउंड में उसकी मर्सिडीज खड़ी दिखाई नहीं दी थी। मैंने सोचा वो अभी आया ही नहीं होगा। मर्सिडीज तो खड़ी है। प्रभुदयाल पार्किंग में खड़ी इकलौती मर्सिडीज गाड़ी की ओर संकेत करता हुआ बोला। वो मुझे दिखाई नहीं दी थी। इतनी बड़ी हवाई जहाज जैसी गाड़ी तुम्हें दिखाई नहीं दी? हाँ, लेकिन उससे आधे साइज की पुलिस की जीप दिखाई दे गई। हाँ, बड़े ढीठो। सुनील खामोश रहा। उसने जेब से लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। जीप में बैठो, एकाएक प्रभुदयाल ने आदेश दिया। क्यों? सुनील हैरानी से बोला। सुना नहीं? प्रभुदयाल भुड़क कर बोला। सुनील फौरन जीप में सवार हो गया। प्रभुदयाल उसकी बगल में आ बैठा। इधर मेरी ओर देखो, प्रभुदयाल ने आदेश दिया। सुनील ने पहलू बदला और उसकी ओर देखने लगा। तुम कल भी यहाँ आए थे? यहाँ कहाँ? गोपीनाथ के ऑफिस में। हाँ आया था। और तुमने उसके कमरे में रिवॉल्वर से एक गोली चलाई थी जो खिड़की की चौखट में जा धंसी थी? हाँ, सुनील लापरवाही से बोला। अनजाने में मुझसे गोली चल गई थी। अनजाने में? प्रभुदयाल व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, सुनील नेत्र फैलाकर बोला। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी वो मामूली सी लापरवाही पुलिस की दिलचस्पी का बायस कैसे बन गई। समझ लो रिपोर्टर साहब, वो वही रिवॉल्वर थी जिससे परसों रात सेसिल होटल में मनोहर लाल का खून हुआ था। नहीं, ये हकीकत है। अब तुम ये बताओ कि वो रिवॉल्वर तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो मुझे गोपीनाथ ने दी थी। वो अपनी हिफाजत के लिए अपनी मेज की दराज में वो रिवॉल्वर रखता था। उसने मुझे वो रिवॉल्वर दिखाई थी।
रिवॉल्वर बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने उसे अपने हाथ में ले लिया था। फिर अनजाने में ही मैंने उसका ट्रिगर खींच दिया था और गोली चल गई थी। भाई साहब, मेरे तो छक्के छूट गए थे। गोपीनाथ को मुझे बताना नहीं चाहिए था कि रिवॉल्वर भरी हुई थी। तुम्हें मालूम था कि रिवॉल्वर वो अपनी हिफाजत के लिए वहां रखता था? हाँ, तुम्हें इतनी अकल नहीं कि ये समझ सको कि खाली रिवॉल्वर भरी हुई थी। फिर भी उसे चाहिए था कि वो मुझे सावधान करता कि रिवॉल्वर भरी हुई है। खैर, आगे बढ़ो। शीला ज्ञानचंदानी मेरी मित्र है। हाल ही में उसके फादर की हत्या हुई थी और तुम जानते ही हो कि पुलिस अभी तक हत्यारे को पकड़ नहीं पाई है। मैंने महसूस किया था कि शीला की जान को भी खतरा हो सकता था। शीला की गोपीनाथ से भी अच्छी मित्रता है, इसलिए मैंने गोपीनाथ को ये राय दी थी कि क्यों नहीं वो कुछ दिन के लिए शीला को वो रिवॉल्वर दे देता। गोपीनाथ को भी वो आइडिया पसंद आया था, इसलिए हम दोनों जाकर शीला को वो रिवॉल्वर दे आए थे। लेकिन तुम खूब जानते हो कि जो रिवॉल्वर गोपीनाथ ने तुम्हें दी थी वो घातक रिवॉल्वर नहीं थी जिससे मनोहर लाल का खून हुआ है। जानकर खुशी हुई। मेरा अपना भी ये ख्याल है, लेकिन मैं तो समझ रहा था कि तुम यही दावा करोगे कि उसी रिवॉल्वर से खून हुआ था। इतने भोले बनकर मत दिखाओ, प्रभुदयाल विष भरे स्वर में बोला। तुम खूब समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो इंस्पेक्टर साहब? तुमने रिवॉल्वर बदली थी। जिस रिवॉल्वर से खून हुआ था उसे तुम अपने साथ लेकर यहाँ आए थे। यहाँ आकर तुमने बहाने से गोपीनाथ से उसकी रिवॉल्वर मांगी, फिर उसका ध्यान बटाने के लिए जानबूझकर उसमें से एक गोली चलाई, और फिर गोली चलने की वजह से पैदा हुई हड़बड़ी में तुमने रिवॉल्वरें बदल दी। मेरे पास घातक रिवॉल्वर कहाँ से आई? या तो तुमने खुद कत्ल किया है, या फिर रिवॉल्वर तुम्हें कातिल ने दी थी, किसी हसीन कातिल ने, जिसकी खातिर तुम कोई घपला खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। वाह वाह वाह, बात को मजाक में उड़ाने की कोशिश मत करो। जो रिवॉल्वर तुमने शीला के फ्लैट से बरामद की है, यानी कि जिसे तुम घातक रिवॉल्वर बता रहे हो, तुमने फायरआर्म्स के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से मालूम करने की कोशिश की कि वास्तव में उसका मालिक कौन है? मुझे मेरा धंधा सिखाने की कोशिश मत करो रिपोर्टर साहब। यानी कि तुम मालूम कर चुके हो कि उस रिवॉल्वर का मालिक कौन है? हाँ, वो रिवॉल्वर सजनानी की है। वैसे ही दो रिवॉल्वरें और है उसके पास। उनमें से एक उसने अपने लड़के को दी हुई है और दूसरी उसने अपने ऑफिस की सेफ में रखी हुई है। जब तीनों रिवॉल्वर एक जैसी है तो तुम कैसे कह सकते हो कि उनमें से खून किससे हुआ है? बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट ये कहती है कि जो रिवॉल्वर हमने शीला के फ्लैट से बरामद की है, अर्थात जो रिवॉल्वर तुम गोपीनाथ के साथ जाकर वहां छोड़कर आए थे, उसी से कत्ल हुआ है। और हमें यह पक्की तरह मालूम है कि गोपीनाथ वाली रिवॉल्वर से कत्ल नहीं हुआ हो सकता। कैसे मालूम है? क्योंकि जिस रात कत्ल हुआ था उस रात गोपीनाथ की रिवॉल्वर हर क्षण उसके अधिकार में थी। यही बात यह साबित करने के लिए काफी है कि तुमने रिवॉल्वर की अदला बदली की थी। तुम्हें मालूम था कि घातक रिवॉल्वर कन्हैयालाल सजनानी की मिल्कियत थी। सजनानी ने वो रिवॉल्वर शीला को दी थी। शीला ने उस रिवॉल्वर से मनोहर लाल का खून किया था। फिर उस मुसीबत ज्यादा हसीना ने मदद के लिए तुम्हें पुकारा और अपनी आदत से मजबूर तुम दौड़े चले गए। तुमने घातक रिवॉल्वर को उससे ले लिया और फिर यहाँ गोपीनाथ के ऑफिस में पहुंचे। यहाँ तुमने गोपीनाथ की रिवॉल्वर में से एक गोली चलाई और फिर तुमने रिवॉल्वर बदल दी। इस प्रकार गोपीनाथ की रिवॉल्वर तुम्हारे पास आ गई और घातक रिवॉल्वर तुमने गोपीनाथ के सिर थोप दी। फिर गोपीनाथ घातक रिवॉल्वर ही तुम्हारे साथ जाकर शीला को दे आया। इस प्रकार तो शीला के पास से चली घातक रिवॉल्वर वापस शीला के पास पहुंच गई। इतने पापड़ बेलने से मुझे या शीला को क्या फ़ायदा हुआ? कोई तो फ़ायदा होगा, प्रभुदयाल अपना जबड़ा खुजाता हुआ बोला। अभी तो मैंने तुम्हें एक ऐसी थ्योरी की रूपरेखा बताई है जो पूरी तरह से अभी मेरी समझ में नहीं आई है। ये बड़ी लचर थ्योरी है। तो फिर कत्ल तुमने खुद किया होगा? मैंने? शीला की खातिर, या किसी और की खातिर, या खुद अपनी खातिर? लेकिन मैंने, हाँ, बैलिस्टिक एक्सपर्ट के रिपोर्ट के अनुसार कत्ल रात 7 और 11 के बीच में किसी वक्त हुआ है। तुम खुद अपने मुंह से कबूल कर चुके हो कि उस दौरान तुम मनोहर लाल से मिलने गए थे। मैं मनोहर लाल से मिलने जरूर गया था, लेकिन मैं उसे भला चंगा जीता जागता छोड़कर आया था। तो फिर कत्ल किसने किया? कत्ल तो हुआ है, और वो किसी न किसी ने किया भी होगा। मेरी मौजूदगी में मनोहर लाल के पास एक फ़ोन आया था। उस फोन के अनुसार कोई उससे फौरन मिलने आ रहा था। उसी रहस्यपूर्ण आगंतुक की वजह से मनोहर लाल ने मुझे आनंद फानंद में वहां से भगा दिया था। वो रहस्यपूर्ण आगंतुक जरूर शीला ज्ञानचंदानी रही होगी। नहीं, उसकी अपॉइंटमेंट तो 8:30 बजे की थी, और 8:30 बजने में तब अभी काफ़ी वक्त था। प्रभु, मेरे वहां से आने के बाद और शीला के वहां पहुंचने से पहले मनोहर लाल से मिलने और भी कोई शख्स वहां आया था। कौन? सुनील ने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। तुम होटल से निकलकर इमारत से पिछवाड़े में पहुंचे थे। वहां तुमने मनोहर लाल के रहस्यपूर्ण आगंतुक को पिछवाड़े की सीढ़ियों से उतरते पाया था। वहां से तुम उसे अपनी कार में बिठाकर अपने साथ ले गए थे।
हमारे पास इस बात की शहादत है कि इस इमारत के पिछवाड़े में तुमने एक युवती को अपनी कार में बिठाया था। हमारा दावा है कि उस युवती ने मनोहर लाल की हत्या की है। तुम्हें पहले से मालूम था कि वो मनोहर लाल से मिलने आने वाली थी, और तुम्हारा इमारत के पिछवाड़े में उसका इंतजार करना ये साबित करता है कि तुम्हें यह भी अंदेशा था कि वो युवती मनोहर लाल के स्वीट में कोई गुल खिलाने वाली थी। वो पिछवाड़े के रास्ते तुम तक पहुंची और उसने तुम्हें बताया कि वो मनोहर लाल का कत्ल कर आई थी। तुमने घातक रिवॉल्वर उससे लेकर अपने अधिकार में कर ली और उसे आश्वासन दिया कि वो किसी प्रकार की चिंता ना करे। तुमने उसे कहा कि तुम इस केस को ऐसा गड़बड़ा दोगे कि किसी की समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए तुमने गोपीनाथ के ऑफिस में गोली चलाने का षड्यंत्र रचा और रिवॉल्वरों की अदला बदली की। जो कुछ कह रहे हो उसे साबित कर सकते हो? हाँ, कैसे? मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे पास एक ऐसी शहादत है जिसने परसों रात होटल के पिछवाड़े की सीढ़ियों से युवती को नीचे उतरते देखा था। उसी शहादत ने तुम्हें उस युवती को अपनी कार में बिठाकर उस इलाके से कूच करते देखा था, और गोपीनाथ के ऑफिस की खिड़की की चौखट में गड़ी गोली निकालकर हम अपने बैलिस्टिक एक्सपर्ट की मदद से ये साबित कर सकते हैं कि वो गोली घातक रिवॉल्वर से चली थी या नहीं। घातक रिवॉल्वर हमारे अधिकार में है और गोली मैं अभी अपने अधिकार में ले लूँगा। हमारे लिए उस गोली और उस रिवॉल्वर का मिलान करना कठिन नहीं होगा, लेकिन उससे क्या नतीजा निकलेगा? अगर चौखट वाली गोली घातक रिवॉल्वर से ना मिली तो इसका मतलब होगा कि गोली गोपीनाथ की रिवॉल्वर से चली थी, और इसका मतलब होगा कि तुमने रिवॉल्वर बदली थी। और अगर चौखट वाली रिवॉल्वर से मिल गई तो इसका मतलब होगा कि घातक रिवॉल्वर तुम्हारे अधिकार में थी और तुमने गोली चलाने की हेराफेरी में घातक रिवॉल्वर गोपीनाथ के सिर थोप दी थी। जो कुछ तुम कह रहे हो उसे समझ रहे हो इंस्पेक्टर साहब? खूब समझ रहा हूँ मैं। ये तो वही मसल हुई कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। खिड़की वाली गोली घातक रिवॉल्वर से मिल जाए तो भी मैं गुनहगार, ना मिले तो भी मैं गुनहगार। तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुमने रिवॉल्वरों की अदला बदली की है? सरासर इनकार करता हूँ, मैंने कोई अदला बदली नहीं की। मैं जब यहाँ गोपीनाथ से मिलने आया था उस वक्त मेरे पास कोई रिवॉल्वर नहीं थी। मुझे गोपीनाथ ने अपनी मेज़ की दराज से निकालकर जो रिवॉल्वर दिखाई थी उसी रिवॉल्वर से अनजाने में मुझसे गोली चली थी, और उसी रिवॉल्वर को गोपीनाथ मेरे साथ जाकर शीला को सौंप कर आया था। अगर चौखट वाली गोली घातक रिवॉल्वर से मिल गई तो तुम ये तो मानोगे कि कल घातक रिवॉल्वर तुम्हारे अधिकार में थी? मानूंगा, लेकिन वो रिवॉल्वर मेरे अधिकार में कहाँ से आई? वो रिवॉल्वर मुझे अपनी मेज़ की दराज में से निकालकर गोपीनाथ ने दी थी। मैं ज़रा गोली निकाल कर लाता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। गोली तुमने अभी तक निकाली नहीं? नहीं, वही निकालने तो आया था कि तुम दिखाई दे गए। प्रभुदयाल एक क्षण ठिठका, उसने एकाएक घूर कर सुनील की तरफ देखा और कठोर स्वर में बोला, कहीं तुम उस गोली की ही फिराक में तो यहाँ नहीं आए हो? तौबा, सुनील हड़बड़ा कर बोला, मैंने क्या करना है इस गोली का? मनी मन सुनील अपने आप को बाल बाल बच्चा महसूस कर रहा था। आया तो वो इसी नीयत से था, और अगर वो वहाँ 5 मिनट पहले पहुँच गया होता तो चौखट में से गोली निकालता वो रंगे हाथों पकड़ा जाता। मेरे लौटने तक तुम यहीं जीप में ही बैठना, प्रभुदयाल चेतावनी भरे स्वर में बोला, कहीं खिसक मत जाना। अच्छा। प्रभुदयाल एक हवलदार के साथ इमारत में दाखिल हुआ। सुनील ने एक नया सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट बाद जब प्रभुदयाल इमारत से बाहर निकला तो उसका चेहरा क्रोध से लाल भभूका हुआ था। वो जमीन को रौंदता हुआ सुनील के पास पहुंचा। उसका ऐसा रौद्र रूप देखकर सुनील हड़बड़ाकर बोला, क्या हुआ? तुम बताओ क्या हुआ? प्रभुदयाल कहर भरे स्वर में बोला, क्या शरारत की है तुमने? मैंने शरारत की है? हाँ, फौरन बोलो क्या किया है तुमने? अरे मेरे बाप, सुनील झल्ला कर बोला, पहले पता तो लगे कि क्या हो गया है। चौखट में से गोली गायब है और वो गोली वहाँ से तुमने गायब की है। तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? हाँ, तुम्हारे सिवाय उस गोली को गायब करने के पीछे और किसी का कोई स्वार्थ नहीं हो सकता। लेकिन मैं तो गोली चलने के बाद से अभी पहली बार यहाँ आया हूँ। तुम ज़रूर यहाँ पहले भी आए हो गोली निकालने? हाँ। तो फिर अब क्या करने आया मैं यहाँ? तुमने अभी खुद दावा किया था कि पुलिस को यहाँ देखकर मैंने खिसकने की कोशिश की थी। अगर मैं गोली पहले ही निकाल कर ले जा चुका था तो मैं यहाँ अब क्यों आया? यहाँ आया तो मैंने खिसकने की कोशिश क्यों की? प्रभुदयाल सोच में पड़ गया। कितनी देर वो खामोश खड़ा सुनील को घूरता रहा। अंत में वो बोला, गोली तुमने नहीं निकाली? नहीं। तो फिर गोली किसने निकाली? गोपीनाथ से पूछो, क्योंकि घातक रिवॉल्वर उसकी मेज की दराज में थी, इसलिए गोली में भी उसकी दिलचस्पी हो सकती है। ऑफिस क्योंकि उसका है, इसलिए सबसे ज़्यादा सहूलियत से गोली वही चौखट में से निकाल सकता है। घातक रिवॉल्वर तो तुम अपने साथ लेकर उसके ऑफिस में आए थे? मैं कोई रिवॉल्वर लेकर यहाँ नहीं आया था। गलत। गलत तो गलत ही सही, एकाएक सुनील उखड़ कर बोला, तुमसे जो भुट्टे भुने जाते हो भून लेना। सुनील, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तुम किसी बार भी कब छोड़ते हो मुझे? सुनील जीप से बाहर निकल आया। अगर मैं गिरफ्तार नहीं हूं तो मैं जा रहा हूं। ठीक है जाओ, प्रभुदयाल कठिन स्वर में बोला, लेकिन अपनी कुशलता का संदेश देते रहना। अच्छा। फिर सुनील बिना प्रभुदयाल पर दोबारा निगाह डाले लंबे डग भरता हुआ वहां से कूच कर गया। ब्लास्ट के ऑफिस में अपने केबिन से सुनील ने यूथ क्लब में रमाकांत को टेलीफोन किया। एक बड़ी मजेदार खबर है, सुनील बोला। क्या? रमाकांत ने पूछा। गोपीनाथ के ऑफिस में कल मेरे द्वारा चलाई गोली पुलिस के हाथ नहीं लगी है। गोली पुलिस के वहां पहुंचने से पहले खिड़की की चौखट में से गायब हो चुकी थी। फिर तो शुक्र मनाओ प्यारे, तुम्हारी जान बच गई। लेकिन प्रभुदयाल मुझे पर इल्जाम लगा रहा है कि गोली मैंने गायब की है। इल्जाम ही तो लगा रहा है, कुछ साबित तो नहीं कर सकता। वो एक और खतरनाक इल्जाम भी मुझ पर लगा रहा है और उसे वो साबित भी कर सकता है। और कौन सा इल्जाम? वो कहता है कि कत्ल या तो मैंने किया है और या शीला ने किया है, और घातक रिवॉल्वर हर हाल में मेरे अधिकार में थी। आई सी। रमाकांत, तुम तो कहते थे कि पुलिस की निगाहों में मर्डर सस्पेक्ट नंबर 1 गोपीनाथ की बीवी उर्मिला थी, लेकिन उसने तो उर्मिला का जिक्र तक नहीं किया। वो तो मेरे और शीला के पीछे हाथ धोकर पड़ा मालूम होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश से कई बड़े बड़े सुंदर नतीजे निकाले हैं, और उन्हीं में से एक नतीजा ये भी है कि उर्मिला मनोहर लाल की हत्यारी हो सकती है। जैसे उसकी निगाह में हत्यारा केएल सजनानी भी हो सकता है, शीला भी हो सकती है, तुम भी हो सकते हो, और कोई और भी हो सकता है। मैंने तुम्हें यह कहा था कि पुलिस गोपीनाथ और उसकी बीवी से ज्यादा करारी पूछताछ कर रही है। ओह। सुनील एक क्षण चुप रहा और फिर बोला, रमाकांत, उर्मिला के बारे में विशालगढ़ से जरा करारी पूछताछ करवाओ। क्यों नहीं, नकदों करारा होगा तो पूछताछ करारी ही होगी। ये नकदों की कथा कहां से आ गई? सुनील शिकायत भरे स्वर में बोला। कहीं से तो आनी थी, जब काम की कहानी आती है तो नकदों की कहानी उससे ज्यादा दूर नहीं होती। काम की कहानी? उड़ो मत, तुम मेरा मतलब खूब समझ रहे हो प्यारे हो। तभी भड़ाक से सुनील के केबिन का दरवाजा खुला और क्रोध से पगलाए हुए सांड की तरह गोपीनाथ ने भीतर कदम रखा। मैं तुमसे फिर बात करूंगा रमाकांत, सुनील जल्दी से बोला, कोई मिलने आ गया है। सुनील ने रिसीवर टाइडल पर पटका और चेहरे पर एक स्वागतपूर्ण मुस्कुराहट लाता हुआ बोला, आओ गोपीनाथ, बैठो। गोपीनाथ ने बैठने का उपक्रम नहीं किया। उसने खा जाने वाली निगाहों से सुनील को देखा और फिर गरज कर बोला, सुनील लानत है तुम पर। सुनील हड़बड़ाकर बोला, क्या हो गया, क्या कर दिया है मैंने? तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या किया है? बैठ जाओ और आराम से बात करो। जी चाहता है मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूं। मेरा सिर भी हाजिर है, तोड़ लेना, पहले बैठो तो। गोपीनाथ धम से एक कुर्सी पर बैठ गया। पानी पिलाऊं? शट अप, गोपीनाथ चिल्लाया। बात क्या हो गई है गोपी? बात क्या हो गई है गोपी? गोपीनाथ हाथ नचाकर उसके स्वर की नकल करता हुआ बोला, जैसे तुम्हें मालूम नहीं। तुम कुछ सारे फसाद की जड़ हो और तुम्हें कुछ मालूम नहीं। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी को मनोहर लाल के कत्ल के मामले में घसीटा जा रहा है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया है? तुमने उसे कत्ल का नंबर 1 सस्पेक्ट बना दिया है। कैसे? रिवॉल्वर की हेरा फेरी करके, मुझे शीला के फ्लैट पर जाकर उसे वो रिवॉल्वर सौंप कराने के लिए मजबूर करके। लेकिन इससे तुम्हारी बीवी का पुलंदा कैसे बंध गया? उर्मिला पहले विशालगढ़ में रहती थी, मनोहर लाल भी विशालगढ़ का रहने वाला था, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते पहचानते थे। गोपीनाथ चुप हो गया। फिर सुनील ने पूछा, मनोहर लाल को उर्मिला की शादी की खबर थी, उसने उर्मिला को हमारी कोठी पर फोन भी किया था। किस लिए? शादी की मुबारकबाद देने के लिए। और किस लिए? आई सी। पुलिस को मनोहर लाल के होटल के स्वीट में टेलीफोन के पास रखे एक पैड पर उर्मिला का नाम और टेलीफोन नंबर लिखा मिला था। उर्मिला की डायरी में भी मनोहर लाल का नाम और उसके होटल का टेलीफोन नंबर लिखा था। जाहिर है कि टेलीफोन नंबरों का वो आदान प्रदान पुरानी वाकिफियत की वजह से हुआ था, लेकिन पुलिस वाले, वे हरामजादे, इसका बड़ा गलत मतलब लगा रहे हैं। लगा रहे हैं तो पड़े लगाते रहे। उनके पास उर्मिला के खिलाफ कोई सबूत तो नहीं है? गोपीनाथ ने उत्तर नहीं दिया। यानी कि है? सुनील उसे गौर से देखता हुआ बोला। सुनील, गोपीनाथ कठिन स्वर में बोला, मेरे ख्याल से हत्या की रात को हत्या के समय के आसपास उर्मिला घर पर नहीं थी। ये बात देर सवेर पुलिस को भी मालूम हुए बिना नहीं रहेगी। पहले तुम तो बताओ, तुम्हें कैसे मालूम है कि तुम्हारी बीवी घर पर नहीं थी? परसों रात को अपने बिजनेस के चक्कर में मुझे किसी से मिलने जाना पड़ गया था। उर्मिला इस बात से बड़ी नाराज हुई थी कि ऑफिस बंद हो जाने के बाद भी मुझे बिजनेस के झमेलों में पड़ना पड़ता था, लेकिन मैं क्या करता। जिस क्लाइंट से मेरी अपॉइंटमेंट थी वो मेरी एजेंसी का सबसे बड़ा क्लाइंट था। वो बंबई से आया था और उसी रात उसने टोक्यो जाने वाला प्लेन पकड़ना था।
मेरा उससे मिलना नहायत जरूरी था। मेरी बीवी की नाराजगी भी जायज थी, हमारी ताजी ताजी शादी हुई थी। अभी वो कल राजनगर आई थी और मैंने रातों को गायब होने की भूमिका बांध दी थी, लेकिन मैं भी क्या करता, मेरी मजबूरी थी। बिजनेस इज बिजनेस, पर्टिकुलरली विद अ सिंधी। क्या कहा? कुछ नहीं, तुम आगे बढ़ो। साजा में मैं अपने क्लाइंट से मिला। उसे दिखाने के लिए मैं अपने साथ कई विज्ञापनों का लेआउट लेकर गया था। वो लेआउट उससे पास कराने के चक्कर में मुझे वहाँ काफ़ी वक्त लग गया। मैं कोई 9:30 या 10 बजे घर लौट पाया। उस वक्त तुम्हारी बीवी घर पर थी? हाँ। और उस दौरान तुम्हारी रिवॉल्वर कहाँ थी, तुम्हारे ऑफिस की मेज़ के दराज में? गोपीनाथ हिचकिचाया। सच बोलना गोपी, सुनील चेतावनी भरे स्वर में बोला। मेरे क्लाइंट से मेरी मुलाकात के दौरान तो रिवॉल्वर मेरे ऑफिस में थी, लेकिन वापसी में मैं उसे वहाँ से निकाल लाया था। क्यों? क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट से नकद 50,000 रुपये की रकम मिली थी, जो अगली सुबह मैंने कहीं पहुँचाकर आनी थी, इसलिए लौटती बार मैं अपने ऑफिस में से रिवॉल्वर निकाल लाया था। तुम्हारी बीवी के पास तो तुम्हारी ऑफिस की चाबी नहीं है ना? गोपीनाथ फिर हिचकिचाया। ओ कम ऑन, सुनील झुंझलाकर बोला। बदकिस्मती से है, गोपीनाथ दबे स्वर में बोला। यही तो रोना है, जब पुलिस को ये पता लगेगा कि हत्या के समय वो घर पर नहीं थी तो वो ये दावा कर सकती है कि उर्मिला मेरे ऑफिस में गई, उसने वहाँ से मेरी रिवॉल्वर निकाली, उससे मनोहर लाल का, जो कि उसे ब्लैकमेल कर रहा था, कत्ल किया, रिवॉल्वर मेरे ऑफिस में रखी और मेरे घर पहुँचने से पहले घर पहुँच गई। लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम है कि तुम्हारी बीवी घर पर नहीं थी? क्योंकि मैंने 2 बार उसे फ़ोन किया था, दोनों बार टेलीफोन की घंटी लगातार बजती रही थी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया था। शायद गलत नंबर मिल गया हो। दोनों बार? शायद टेलीफोन में कोई नुक्स हो और घंटी बजी ही ना हो। मैंने वापस जाकर सबसे पहले टेलीफोन ही देखा था, टेलीफोन एकदम ठीक था। मैंने उर्मिला से भी पूछा था क्या बीच में टेलीफोन खराब हो गया था, उसने कहा था कि ठीक चलता रहा था। यानी कि उस टेलीफोन कॉल की वजह से ही तुम समझते हो कि उर्मिला घर में नहीं थी? हाँ। तो प्यारे लाल, तुम इस टेलीफोन वाली बात को गोल कर जाओ। जब तक ये बात पुलिस को खुद तुम नहीं बताओगे, उन्हें कैसे मालूम होगा? मैंने टेलीफोन नंबर होटल के स्विच बोर्ड से मिलवाया था, पुलिस को मालूम हो सकता है। वे लोग मुझसे भी पूछेंगे हत्या के समय मैं कहाँ था, मुझे बताना पड़ेगा कि मैं साजा में था। फिर पुलिस चेक कर सकती है कि उस दौरान मेरे क्लाइंट के स्वीट से क्या क्या नंबर मांगे गए थे, उनमें मेरी कोठी का नंबर भी होगा। होगा तो क्या हुआ, ऑपरेटर के रिकॉर्ड में तुम्हारा नंबर होने का मतलब ये थोड़ी ही है कि तुमने अपनी बीवी को फ़ोन किया था। लेकिन जब दोनों बार कोई जवाब नहीं मिला था तो इसका मतलब ये तो हुआ कि घर पर कोई नहीं था। तुम ठीक कह रहे हो, वापस आकर तुमने अपनी बीवी से पूछा था कि वो कहाँ गई थी? पूछा था, उसने जवाब दिया कि वो जहन्नुम में गई थी। वो मुझसे इतनी खफा थी कि मैं समझ ही ना सका कि वो बाहर कहीं गई होने से इनकार कर रही थी या वो बाहर गई थी। तुमने उसे जोर देकर पूछा होता तब तो बखेड़े वाली कोई बात नहीं थी और उसका गुस्सा जायज़ था, इसलिए मैंने जोर देकर नहीं पूछा था, लेकिन अब पूछूंगा। लेकिन सुनील, मुझे मालूम है वो घर पर नहीं थी, वो होती तो फ़ोन क्यों ना उठाती? अगर वो घर पर नहीं भी थी तो इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि वो मनोहर लाल का कत्ल करने उसके होटल में गई हुई थी। लेकिन मेरे ऑफिस में तुम जो स्टंट मार चुके हो उसके बिना पर पुलिस तो यही दावा करेगी ना। पुलिस ये दावा तो कर ही रही है कि मेरे ऑफिस में जब तुमने गोली चलाई थी उस वक्त घातक रिवॉल्वर तुम्हारे अधिकार में थी। वो बात सरासर मुमकिन है, लेकिन अगर पुलिस अपनी जिद पर अड़ी रही और इसी थ्योरी पर काम करती रही तो उर्मिला के लिए ज़रूर ज़रूर मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तुम्हारी जानकारी के लिए पुलिस एक दावा कर रही है कि जिस रिवॉल्वर से मनोहर लाल का कत्ल हुआ था उसे मैं तुम्हारे ऑफिस में अपने साथ लेकर आया था, फिर मैंने तुम्हारी रिवॉल्वर में से एक गोली चलाई थी और बाद में पैदा हुई हड़बड़ी के माहौल में मैंने रिवॉल्वरें बदल दी थी, अर्थात घातक रिवॉल्वर मैंने वापस तुम्हें सौंप दी थी और तुम्हारी रिवॉल्वर को मैंने चुपचाप अपनी जेब में डाल लिया था। पुलिस ऐसा कहती है? वो हैरानी से बोला। हाँ, लेकिन मुझे तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि घातक रिवॉल्वर मेरी बीवी के पास थी और उसने चुपचाप मेरे ऑफिस का ताला खोलकर मेरी रिवॉल्वर मेरी मेज से निकालकर उसके स्थान पर घातक रिवॉल्वर रख दी थी। वो तो कहते हैं कि सुनील, तुम्हें कैसे मालूम है कि पुलिस ये दावा कर रही है कि रिवॉल्वरों की गड़बड़ी तुमने फैलाई है? मुझे खुद इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने बताया है। गोपीनाथ कुछ क्षण सोचता रहा और नेत्र फैलाकर बोला। झूलेलाल, ये तो हो सकता है कि तुमने ऐसा किया हो। बाय गॉड, तुमने यही किया है। मुझे पहले ही कुछ दाल में काला लग रहा था कि मेरे ऑफिस में तुमने अनजाने में गोली नहीं चलाई थी। सुनो, मान लो कि पुलिस सच कह रही है कि मैं जब कल तुम्हारे ऑफिस में आया था तो घातक रिवॉल्वर अपने साथ लेकर आया था, फिर तुमने अपनी रिवॉल्वर भी दराज से निकालकर मुझे सौंप दी थी। गोपी, जरा सोच कर बताओ मैंने किस रिवॉल्वर से गोली चलाई थी।
उससे जो तुमने मुझे दी थी या उससे जो मैं अपने साथ लेकर आया था? तुमने मेरी रिवॉल्वर से गोली चलाई थी, गोपीनाथ बेहिचक बोला। श्योर, 100% श्योर, तुमने उस रिवॉल्वर से गोली चलाई थी जो तुम्हें मैंने दी थी। तुम्हारे रिवॉल्वर थामने से लेकर गोली चलने तक एक क्षण के लिए भी वो रिवॉल्वर मेरी निगाह से ओझल नहीं हुई थी। सुनील, अगर तुमने रिवॉल्वरें बदली थी तो गोली चलने के बाद में ही बदली थी, क्योंकि तब मेरा स्टाफ झपटता हुआ भीतर आ गया था और वहाँ हड़बड़ी फैल गई थी। सुनील, बाय गॉड, तुमने तभी रिवॉल्वरें बदली थी। सुनील चुप रहा। देखो भाई साहब, एकाएक वो बड़े अदब से बोला, बुरा मत मानना, लेकिन अब मैं भी इस बात पर जोर दूंगा, क्योंकि उसी में उर्मिला की भलाई है। तुम शौक से इसी बात पर जोर देना प्यारे लाल, जरा सोचो मैंने ये बात तुम्हें बताई किस लिए है। गोपीनाथ उठ खड़ा हुआ, उसने झपट कर सुनील का हाथ थाम लिया और खुशी में दमकता हुआ यूँ जोर जोर से सुनील के हाथ को ऊपर नीचे झटके देने लगा कि सुनील का हाथ अगर किसी नलके का हैंडल होता तो जरूर अब तक 2-3 बाल्टी पानी निकल चुका होता। सुनील ने बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया। थैंक यू सुनील साहब, वो बोला। मैं अभी जाकर उर्मिला को ये बात बताता हूँ, और वो बगोले की तरह बाहर को लपका। सुनो, सुनील तीखे स्वर में बोला, एक बात बताकर जाओ। पूछो, वो ठिठकता हुआ बोला। तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के अलावा और भी किसी के पास तुम्हारे ऑफिस की चाबी है? मेरी सेक्रेटरी के पास एक चाबी है, एक और चाबी उस चपरासी के पास है जो सुबह सबसे पहले आकर ऑफिस खोलता है और उसकी सफाई करता है। और तुम्हारे पापा के पास? उनके पास तो है ही, मेरे पास भी उनके मैजिस्टिक सर्कल वाले ऑफिस की चाबी है। हत्या की रात को शाहजहां होटल में अपने क्लाइंट से मिलकर तुम सीधे घर लौटे थे? नहीं, पहले मैं रिवॉल्वर लेने अपने ऑफिस गया था, अभी बताया तो था। अपने ऑफिस से तुम सीधे मुगल बाग अपने घर गए थे? वो एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं एक ड्रिंक के लिए एक बार में रुका था, लेकिन उसके बाद मैं सीधा घर आ गया था। ओके, थैंक यू। गोपीनाथ केबिन से बाहर निकल गया। पीछे अत्यंत विचारपूर्ण मुद्रा बनाए सुनील खामोश बैठा रहा। कोई एक घंटे के बाद फिर टेलीफोन की घंटी बजी। सुनील ने फोन उठाया, लाइन पर मनोरमा थी। सुनील, वो व्यग्र भाव से बोली, यहाँ तो और भी कई घोटाले हैं। कहाँ? कन्हैयालाल सजनानी के ऑफिस में। हाँ, कैसे घोटाले? मुझे फाइलों में लगे ऐसे बिल मिले हैं जिनका भुगतान तो हो चुका है, लेकिन उन बिलों के खिलाफ जो माल सप्लाई हुआ है उसका फाइल में ना तो कोई टेंडर है और ना ही कंपनी को कोई औपचारिक ऑर्डर है। क्या मतलब? सुनील उलझनपूर्ण स्वर में बोला। यहाँ वोल्गा एंटरप्राइज नामक एक ही फर्म के कई बिल मौजूद है जिनका चेक द्वारा भुगतान भी हो चुका है। सारे बिल सजनानी साहब की नई बनती मल्टीस्टोरी बिल्डिंग से संबंधित है और काफ़ी मोटी मोटी रकमों के हैं, लेकिन जो माल सप्लाई हुआ है उसकी बाबत ना तो सजनानी साहब का उक्त कंपनी को कोई ऑर्डर है और ना ही कंपनी का फाइल में कोई टेंडर है। तुम वोल्गा एंटरप्राइज के ऑफिस में फ़ोन करके मालूम कर लो कि उन्होंने वो माल सजनानी को किस ऑर्डर पर सप्लाई किया था। मैंने यही करना चाहा था, लेकिन सुनील, डायरेक्टरी में इस नाम की कोई कंपनी नहीं है, उनके पास फ़ोन नहीं होगा। मैंने भी यही समझा था, कंपनी के बिल पर उनका पता लिखा है, 19 शंकर रोड। मैंने एक चपरासी को पूछताछ के लिए शंकर रोड भेजा था। सुनील चपरासी ये खबर लाया है कि उस पते पर वोल्गा एंटरप्राइज नाम की कोई फर्म नहीं है। क्या? मैं ठीक कह रही हूँ? मुझे तो लगता है कि सजनानी साहब को ठगा जा रहा है। वास्तव में वोल्गा एंटरप्राइज इस नाम की ना तो कोई फर्म है और ना ही सजनानी साहब को कोई माल सप्लाई किया गया है। केवल बोगस बिल पेश किए गए हैं और सजनानी साहब से चेक हासिल कर लिए गए हैं। लेकिन चेक तो सजनानी ही काटता होगा, वह ऐसे कैसे धोखा खा सकता है? मंगला की मेहरबानी से सजनानी साहब धोखा खा सकते थे। सुनील, बिलों के भुगतान के चेक जरूर मंगला बनाती होगी, क्योंकि मुझे मालूम है पहले ये काम मैं किया करती थी और सजनानी साहब मुझ पर भरोसा करके बेहिचक चेकों पर साइन कर दिया करते थे। बड़ी हद वे ये किया करते थे कि बिल की रकम से चेक की रकम मिलाकर देख लिया करते थे। मंगला लगता है उनके इसी भरोसे का नाजायज फायदा उठाती रही थी और उनसे बोगस बिलों के खिलाफ चेक हासिल करती रही थी। ये सिलसिला कब से चल रहा है? कई महीनों से, मेरे नौकरी छोड़ने के 1.5-2 महीने के बाद से ही बोगस बिलों का ये सिलसिला चल रहा मालूम होता है। सुनील, सजनानी साहब वोल्गा एंटरप्राइजेस नामक चाली फर्म को उनके बोगस बिलों के बदले अब तक कम से कम 3.5 लाख रुपये के चेक दे चुके हैं। करोड़ों रुपये की लागत से बन रही उनकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कुछ लाख का घोटाला सा लगता है, बड़ी आसानी से चल सकता है। लेकिन मुझे तो मंगला इतना बड़ा फ्रॉड कर लेने में समर्थ लड़की नहीं लगी थी। तो फिर ये फ्रॉड किसी और मस्तिष्क की उपज होगी जिसकी कि मंगला मदद कर रही होगी, क्योंकि मंगला की मदद के बिना वो बोगस फर्म चेक हासिल नहीं कर सकती। चेक तो क्रॉस्ड रहे होंगे। हाँ,
फिर तो बैंक से पता लग सकता है कि वे चेक कौन सी पार्टी ने कैश करवाए थे। मैंने ये भी सोचा था, मैंने बैंक से पूछताछ करने की कोशिश की थी लेकिन बैंक बंद हो चुका था, अब कल ही कुछ मालूम हो पाएगा। ठीक है, कल तुम बैंक से कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करना। तुम कल आओगी ना? जरूर आऊंगी, यहाँ तो दफ्तर का सत्यानाश हुआ पड़ा है, मुझे सारे सिलसिले में कोई तरतीब पैदा करने में कई दिन लगेंगे। सजनानी तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार होगा। मनोरमा खामोश रही। कोई नई बात हो तो फिर फोन करना मनोरमा। जरूर। सुनील ने फोन रख दिया। एक बात उसके मस्तिष्क को बुरी तरह कचोट रही थी, पुलिस की थ्योरी चाहे कुछ भी थी लेकिन सुनील जानता था कि गोपीनाथ के ऑफिस में उसने रिवॉल्वर की कोई हेराफेरी नहीं की थी। जो रिवॉल्वर गोपीनाथ ने अपनी मेज की दराज से निकाल कर उसे दी थी, उसी में से उसने एक गोली चलाई थी और बाद में वही रिवॉल्वर गोपीनाथ शीला को देकर आया था, जो कि पुलिस ने शीला के फ्लैट से अपने अधिकार में ले ली थी। अब पुलिस का बैलिस्टिक एक्सपर्ट ये दावा कर रहा था कि उसी रिवॉल्वर से मनोहर लाल का खून हुआ था। अगर ये बात सच थी तो एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता था कि वह घातक रिवॉल्वर गोपीनाथ की मेज की दराज में कैसे पहुंच गई। इस समस्या पर सजनानी ही कोई प्रकाश डाल सकता था। सुनील ने विशालगढ़ रिट्स होटल में दिलीप को फोन किया। दिलीप ने उससे वादा किया कि सजनानी तक यह संदेशा पहुंच जाएगा कि सुनील उससे बात करना चाहता था। सुनील ने हताश भाव से रिसीवर क्रेडल पर पटक दिया और एक नया सिगरेट सुलगा लिया। तभी अर्जुन केबिन में दाखिल हुआ। गुरुजी, अर्जुन तनिक उत्तेजित भाव से बोला, ये देखिए, और उसने एक 8x10 का फोटोग्राफिक प्रिंट सुनील के सामने रख दिया। सुनील ने देखा, वो केवल एक मर्दाने जूते का फर्श पर बना निशान था। ये क्या है? उसने पूछा। जूते का निशान है, अर्जुन बोला। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो और इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? ये खून से सने जूते का निशान है जो घटनास्थल पर मनोहर लाल की लाश के पास पाया गया है। पुलिस ये दावा कर रही है कि ये निशान कन्हैया लाल सजनानी के जूते का है। कैसे दावा कर रही है? पुलिस का कहना है कि एक 450 रुपये की कीमत के जूते का निशान है और इतना महंगा जूता राजनगर में केवल एक ही दुकान पर मिलता है। उन्होंने उस दुकान से पूछताछ करके मालूम किया कि सजनानी हमेशा वही जूता पहनता था और वो जूता वो उसी की दुकान से खरीदा करता था। लेकिन वैसा जूता पहनने वाला सारे राजनगर में सजनानी तो इकलौता आदमी नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं गुरुजी, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये सूत्र इतना पर्याप्त जरूर है कि सजनानी से औपचारिक पूछताछ की जा सके, खासतौर से तब जबकि पुलिस को ये भी मालूम है कि हत्या की रात को सजनानी भी मनोहर लाल से मिलने गया था। इसी आधार पर पुलिस ने सजनानी को अपने हिरासत में ले लिया है। क्या? और शीला ज्ञानचंदानी भी गिरफ्तार हो गई है। सुनील और भी चौंका। वो क्वेश्चन खामोश रहा और फिर बोला, वे दोनों कहाँ हैं इस वक्त? शीला का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सजनानी पुलिस हेडक्वार्टर में है। तुम सीधे पुलिस हेडक्वार्टर से यहाँ आए हो? हाँ, ये फोटोग्राफ मुझे वहीं से मिला है। तुम्हें मेरे साथ पुलिस हेडक्वार्टर चलना है। तुम नीचे चलो, मैं एक फ़ोन करके आता हूँ। ओके, अर्जुन बोला। वो फौरन केबिन से बाहर निकल गया। सुनील ने यूथ क्लब का नंबर डायल किया। रमाकांत के लाइन पर आते ही वो बोला, रमाकांत एक काम करना है फौरन, और बहस मत करना क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं। काम तो बोलो प्यारे हो, रमाकांत बोला। 19 शंकर रोड पर वोल्गा एंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म होनी चाहिए, तुम उसके बारे में जो जानकारी हासिल कर सकते हो करो। और? मेरे ख्याल से ये एक बोगस फर्म है, इसलिए हो सके तो उस प्रिंटर को तलाश करने की कोशिश करो जिससे इस फर्म की स्टेशनरी, बिल बुक, लेटर हेड वगैरह छापी है। ये काम मुश्किल है, राजनगर में तो सैकड़ों प्रिंटिंग प्रेस है, पता नहीं उस फर्म ने अपनी स्टेशनरी कहाँ से छपवाई होंगी। पता नहीं राजनगर से छपवाई भी होंगी या नहीं, फिर भी कोशिश तो करो। बेहतर। सुनील ने रिसीवर रख दिया और फौरन केबिन से बाहर निकल गया। अर्जुन ने स्कूटर पुलिस हेडक्वार्टर की पार्किंग में ले जाकर रोका। मैं यहीं ठहरता हूँ, सुनील बोला। तुम ऊपर जाकर मालूम करो कि एल सजनानी अभी भी यहाँ है कि छोड़ दिया गया। ठीक है। अर्जुन इमारत में दाखिल हो गया। सुनील स्कूटर पर ही बैठा रहा। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और इमारत के मुख्य द्वार पर निगाह लगाए प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट बाद अर्जुन वापस लौटा। सजनानी अभी भीतर ही है, उसने बताया। गुड, सुनील बोला। भीतर कहाँ है वो? इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के कमरे में। तुम ऊपर ही चले जाओ, अगर वे सजनानी को छोड़ दे तो ठीक है, लेकिन अगर वे उसे लॉकअप में बंद कर दे तो तुम मुझे नीचे आकर खबर कर देना। तब तक आप यहीं बैठे रहेंगे? हाँ। ओके। अर्जुन फिर इमारत में दाखिल हो गया। सुनील ने नया सिगरेट सुलगा लिया। कोई आधे घंटे बाद सजनानी पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत से बाहर निकला। उसके साथ साथ अर्जुन चल रहा था। अर्जुन ने सजनानी को दिखाते हुए सुनील की दिशा में संकेत किया
सजनानी लंबे डग भरता हुआ सुनील की तरफ बढ़ा। साई तुम यहां क्या कर रहे हो? नहीं समीप आकर उसने पूछा। तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं, सुनील बोला। अच्छा हाँ, तुम्हें खबर कैसे लगी कि मैं यहां हूं? बस लग गई। वड़ी यहां से चलो। नहीं सुनील स्कूटर से उतरा, उसने अर्जुन की छुट्टी कर दी और स्वयं सजनानी के साथ हो लिया। पुलिस ने छोड़ कैसे दिया तुम्हें? सुनील ने पूछा। मुझे छोड़ने की मर्जी तो नहीं थी उनकी, सजनानी बोला। उस इंस्पेक्टर की मेहरबानी समझो जो फिलहाल उसने मुझे यहां से चला जाने दिया। फिलहाल? हाँ, कल मुझे फिर हिरासत में ले लिया जाएगा और जमानत के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। जमानत तो मेरी कल कोर्ट खुलने से पहले हो ही नहीं सकती। अगर वो इंस्पेक्टर आज मुझे ना छोड़ता तो रात मुझे हवालात में काटनी पड़ती। तुम पर चार्ज क्या लगाया है पुलिस ने? हत्यारे का मददगार होने का। तुम्हें मालूम है शीला भी गिरफ्तार हो चुकी है? हाँ मालूम है, सजनानी मायूस स्वर में बोला। उसी इंस्पेक्टर ने मुझे बताया था। सुनील, पुलिस ने उसे मोहनलाल के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया है और बेचारी की जमानत भी नहीं हो सकती। साईं, उस पुटड़ी के लिए कुछ करो। नहीं शीला से क्या पूछताछ की है पुलिस ने? मुझे नहीं मालूम। और तुमसे? तभी सजनानी अपनी कार के पास पहुंच गया। दोनों कार में सवार हो गए। सजनानी ने कार को स्टार्ट किया और उसे कंपाउंड से निकालकर बाहर सड़क पर ले आया। थोड़ी देर वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहा, फिर उसने एक स्थान पर कार को फुटपाथ के साथ लगाकर रोक दिया। वो सड़क ऐसी थी जहां केवल तीव्र गति वाले वाहन ही चल रहे थे, इसलिए वे बिना किसी विघ्न बाधा के वहां वार्तालाप कर सकते थे। पुलिस ने क्या पूछा था तुमसे? सुनील ने अपना प्रश्न दोहराया। सबसे पहले उन्होंने मुझे खून से रंगे मर्दाने जूते से फर्श पर बने एक निशान की तस्वीर दिखाई थी और मुझसे पूछा था कि क्या वो मेरे जूते के निशान थे। तुमने इनकार कर दिया होता, केवल एक जूते का निशान देखकर क्या वो ये साबित कर सकता था कि वो तुम्हारे जूते का निशान था? मैंने इनकार किया था, लेकिन मेरा इनकार चला नहीं, इसलिए मुझे मानना पड़ा कि वो मेरे जूते का निशान था। क्यों मानना पड़ा? क्योंकि उन्होंने मेरा वो जूता मेरे सामने पेश कर दिया था। वो जूता उन्होंने मेरी गैरहाजिरी में मेरी कोठी की तलाशी लेकर मेरे बेडरूम से बरामद किया था। मैंने जूते को खूब धोकर वहां रखा था, लेकिन फिर भी वो ये साबित करने में कामयाब हो गए थे कि उसके तले पर खून के निशान थे। कैसे? क्या तुमने जूते पर से खून ठीक तरह से धोया नहीं था? धोया था, लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा तरीका होता है जिससे वे फिर भी मालूम कर सकते हैं कि जूते को कभी खून लगा था या नहीं। वे जूते के तले पर बेंजीडीन लगाते हैं तो चमड़े के अत्यंत महीन छिद्रों में बहुत गहरे खून के कण, जो कि वैसे ही कतई दिखाई नहीं देते, बेंजीडीन के साथ हुई प्रक्रिया की वजह से नुमाया हो जाते हैं। आई सी। मेरे जूते की एड़ी एक तरफ से थोड़ी कटी हुई थी। घटनास्थल पर जो पांव का निशान मिला था उसमें एन उसी जगह पर खून नहीं लगा दिखाई दे रहा था जहां से कि मेरे जूते की एड़ी का सोल कटा हुआ था। साईं, जूते के बारे में झूठ बोलना मेरे लिए नामुमकिन था। ऊपर से उन्हें यह भी मालूम था कि मैं हत्या की रात को मनोहर लाल से उसके होटल में मिलने गया था। हालांकि मैं अभी तक हैरान हूं कि पुलिस को यह बात कैसे मालूम हो गई। तुम मशहूर आदमी हो, सेसिल मशहूर होटल है जहां तुम्हारी हैसियत से मेल खाते हुए बड़े लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। तुम्हारे किसी वाकिफकार ने तुम्हें वहां देखा होगा, फिर वो वाकिफकार किसी प्रकार पुलिस की जानकारी में आ गया होगा। ओह, बहरहाल तुमने कबूल कर लिया कि घटनास्थल पर जो खून से रंगे जूते के निशान पाया गया था वो तुम्हारे जूते से बना था। अब आगे बढ़ो। फिर उन्होंने तुमसे ये पूछा होगा कि तुम्हारी वजह से वो निशान वहां कैसे बना? नहीं, ये उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, मुझे बताया। क्या मतलब? उन्होंने मुझे उसी जूते के निशान की एक रंगीन तस्वीर दिखाई। ये देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि एक बात जो उनके द्वारा मुझे पहले दिखाई काली सफेद तस्वीर में नहीं दिखाई दे रही थी, वो उस रंगीन तस्वीर में साफ नहीं तो कम से कम दिखाई जरूर दे रही थी। कैसी बात? रंगीन तस्वीर में खून से सने जूते के निशान के नीचे दबाए एक जनानी सैंडल का निशान साफ झलक रहा था। ओह, पुलिस ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मुझे मालूम था कि मनोहर लाल का कत्ल हो गया था और शीला ने वो कत्ल किया था। उन्होंने कहा कि कत्ल के बाद मैं घटनास्थल पर गया, वहीं मैंने लाश के पास शीला की खून से सनी सैंडल का निशान देखा और उस निशान को छुपाने के लिए और पुलिस को उलझन में डालने के लिए मैंने मनोहर लाल की उसकी लाश के गिर्द बिखेरे खून से अपना जूता डुबोया और उसका निशान एन सैंडल के निशान के ऊपर बना दिया ताकि सैंडल का निशान उसके नीचे छुप जाए। असल में तुमने यही किया था? हाँ, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरी होशियारी किसी काम ना आई। सजनानी ने गहरी सांस ली और कार की छत की तरफ देखता हुआ असहाय भाव से बोला, झूले लाल, शीला को बचाने के चक्कर में और क्या किया था तुमने? मैंने सारे फ्लैट में से उंगलियों के निशान मिटा दिए थे और पिछवाड़े के दरवाजे के हैंडल पर जानबूझकर अपने एक अंगूठे का निशान छोड़ दिया था। ये बात भी पुलिस को मालूम है? जरूर होगी, तभी तो उन्होंने मेरी उंगलियों के निशान लिए थे। लेकिन साईं,
घटनास्थल पर मैंने जो अंगूठे का निशान छोड़ा है उसे ये तो नहीं मालूम किया जा सकता कि वो निशान वहां कब बना था, या ये कि फ्लैट में से उंगलियों के निशान मैंने मिटाए थे। सब मालूम किया जा सकता है सजनानी, पुलिस को क्या तुम बेवकूफ समझते हो? लेकिन साईं कैसे? सुनो कैसे, साधारणतया हर ऐसी जगह पर जहां किसी प्राणी का कभी वास रहा हो, किसी न किसी के नए पुराने मिटे हुए धुंधलाए हुए कैसे भी उंगलियों के निशान जरूर पाए जाते हैं। किसी कमरे में उंगलियों के निशान कतई ना पाया जाना अपने आप में एक सबूत है कि निशानों को जानबूझकर पोंछकर वहां से गायब किया गया है। फिर वहां एक इकलौता निशान पाया जाना, तुम्हारे अंगूठे का निशान पाया जाना, ये साबित करता है कि वहां कदम रखने वाले तुम आखिरी आदमी थे, क्योंकि अगर तुम्हारे बाद वहां कोई और आया होता तो उसकी उंगलियों का भी कहीं कोई निशान मिलता। और फिर तुम्हारा निशान, सिर्फ एक अंगूठे का निशान वहां पाया जाना भी यही साबित करता है कि तुमने वो निशान वहां जानबूझकर बनाया था। तुमने वहां कोई शरारत ना की होती तो वहां या तो तुम्हारी उंगलियों के निशान मिलते ही नहीं, या कई जगह उंगलियों के निशान मिलते। सजनानी चिंतित दिखाई देने लगा। जिस रिवॉल्वर से हत्या हुई थी वो तुम्हें घटनास्थल पर पड़ी मिली थी? सुनील ने नया सवाल किया। नहीं, सजनानी तनिक हड़बड़ाकर बोला। तो फिर वो तुम्हारे अधिकार में कैसे पहुंची? आखिरी में उस रिवॉल्वर को तुम अपने लड़के के ऑफिस में लेकर गए थे, वहां तुमने वो रिवॉल्वर अपने लड़के की रिवॉल्वर की जगह रख दी थी। और क्या कह रहे हो साईं? सजनानी हैरानी से बीच में बोल पड़ा। वड़ी, मैंने तो गोपी के ऑफिस में मुद्दत से कदम नहीं रखा। तुम्हारे पास उसके ऑफिस की चाबी है? चाबी तो है, लेकिन मैं तो पता नहीं कब से वहां नहीं गया। घातक रिवॉल्वर लेकर तुम गोपी के ऑफिस में नहीं गए? हरगिज नहीं गया, मैंने गोपी के ऑफिस में कोई रिवॉल्वर नहीं रखी साईं। सच कह रहे हो? सुनील, वड़ी मैं तुमसे झूठ बोलूंगा साईं? विशालगढ़ से लौटने के बाद तुम सीधे सेसिल होटल पहुंचे थे? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम साईं? मैंने 8:15 बजे के करीब तुम्हें वहां पहुंचते और होटल में दाखिल होते देखा था। ओह, आगे बढ़ो। मैं वहां पहुंचा था, मैंने ऊपर जाकर मनोहर लाल के स्वीट के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसने दरवाजा तो खोला लेकिन मुझे भीतर नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि भीतर पहले से ही कोई और मौजूद था और उसकी मौजूदगी में वो मुझे भीतर नहीं बुलाना चाहता था। भीतर कौन था मुझे मालूम नहीं हो सका, उसने तो मुझे चौखट भी नहीं लांगने दी थी। उस वक्त वो कैसे मूड में था? वो कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था और बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। फिर मैंने उसे अपना परिचय दिया और बताया कि मैं होटल नीलम में अपने और शीला के हिस्से का उससे सौदा करने आया था। वो बोला वो उस वक्त मुझसे कोई बात नहीं कर सकता था। उसने मुझे 11 बजे ऑफिस में आने के लिए कहा और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मजबूरन मैं वहां से लौट आया। वहां से तुम मैजेस्टिक सर्कल गए अपने ऑफिस में? नहीं, मुझे भूख लगी हुई थी इसलिए पहले मैं एक बार में गया। वहां मैंने थोड़ा सा कुछ खाया और 2 पैक विस्की पी। उसके बाद मैं अपने ऑफिस में पहुंचा। मैंने मंगला को पहले से फ़ोन करके कहा हुआ था कि वो ऑफिस में मेरा इंतज़ार करे, वो वहाँ मौजूद थी। मैंने अपने कोट वगैरह उतार कर अपनी मेज़ पर फेंका और सीधे बाथरूम में घुस गया। मैं नहाकर और नया सूट पहनकर बाहर निकला। फिर मैंने मंगला से पूछा कि उसने तुम्हें या शीला को मेरा पता क्यों नहीं बताया। जवाब में वो बड़ी बदतमीजी से बोली। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे खड़े पैर नौकरी से निकाल दिया। साईं, ये सब मैं पहले तुम्हें बता ही चुका हूँ। कोई बात नहीं, फिर मैं तुम्हारे से मिलने के लिए यूथ क्लब पहुंचा। वहां से तुम्हें मालूम ही है कि मैं तुम्हारे साथ शीला के फ्लैट पर गया था। वहां तुमने मुझसे चोरी छिपे शीला को अपनी रिवॉल्वर दी थी। शीला खतरे में थी, उसे हिफाजत की जरूरत थी साईं। जब तुमने वो रिवॉल्वर उसे दी थी उस वक्त वो पूरी भरी हुई थी? हाँ, उसमें कोई खाली कारतूस नहीं था। सवाल ही नहीं पैदा होता साईं, तुम्हें कैसे मालूम है कि रिवॉल्वर पूरी भरी हुई थी? कैसी बात करते हो साईं, वड़ी वो मेरी रिवॉल्वर थी। मुझे नहीं मालूम होगा कि वो पूरी भरी हुई थी या आधी भरी हुई थी या खाली थी। साईं, मैं खतरनाक आदमी से मिलकर आया था। मनोहर लाल के स्वीट का दरवाज़ा खटखटाने से पहले मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली थी और उसका चैम्बर खोलकर पूरी तरह तसल्ली की थी कि वो भरी हुई थी। छोड़ो, 11 बजे तुम दोबारा मनोहर लाल से मिलने गए थे। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं वापस अपने ऑफिस में आ गया था और वहाँ सेफ में जो एक और रिवॉल्वर पड़ी थी उसे मैंने वहां से निकालकर अपने खाली शोल्डर होलेस्टर में रख लिया था। ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं मनोहर लाल जैसे खतरनाक आदमी से निहत्ता नहीं मिलने जाना चाहता था। फिर 11 बजे के करीब मैं सेसिल होटल पहुंचा। मैंने ऊपर जाकर मनोहर लाल के स्वीट के दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन मुझे कोई जवाब ना मिला। मैंने दरवाजे को धक्का दिया तो पाया कि वो खुला था। मैं भीतर दाखिल हो गया और साईं, एकाएक सजनानी के शरीर ने झुरझुरी ली। मनोहर लाल भीतर मरा पड़ा था। भीतर खून के तालाब में डूबी उसकी लाश पड़ी थी। मुझे लाश के पास फर्श पर
खून से सनी जनानी सैंडल का निशान दिखाई दिया। मेरे दिल में से आवाज उठने लगी कि वो शीला की सैंडल का निशान था, इसलिए मैं फौरन वहां से निकला और सीधा शीला के फ्लैट पर पहुंचा। वो अपने फ्लैट पर मौजूद थी। मैंने जानबूझकर उसे ये नहीं बताया कि मैं क्या देखकर आ रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि शीला खुद ही मुझे कुछ बताएगी, लेकिन उसने मुझे कुछ ना बताया। फिर मैंने तकिए के नीचे से झांकती वो रिवॉल्वर देखी जो मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे दी थी। मैंने पानी लाने के बहाने से शीला को वहां से किचन में भेजा और तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर उसे चेक किया। साईं, रिवॉल्वर की नाल से जले हुए बारूद की गंध आ रही थी और उसके चैम्बर में एक खाली कारतूस मौजूद था। यानी कि तुम्हारे वो रिवॉल्वर उसे सौंपने और तुम्हारे दोबारा वहां लौटने के बीच उसमें से एक गोली चल चुकी थी। हाँ साईं, यही नहीं, मुझे पलंग के नीचे पड़ा एक सैंडलों का जोड़ा भी दिखाई दिया था। मैंने खुद देखा था कि एक सैंडल का तला अभी उस वक्त तक भी गीला था। सैंडल की हालत साफ बता रही थी वो अभी अभी धोई गई थी। और साईं, उस सैंडल के तले और उसकी नोकदार एड़ी का डिज़ाइन बिल्कुल उस निशान जैसा था जो मैंने मनोहर लाल के स्वीट में उसकी लाश के पास फर्श पर बना देखा था। तुमने उस सैंडल या रिवॉल्वर में मौजूद खाली कारतूस के बारे में उससे कोई सवाल नहीं किया? नहीं, मुझे मालूम था कि अपनी उस वक्त की दिमागी हालत में शीला से ऐसा कोई सवाल करना उसे खामखा परेशान करना था, और फिर मैं उसे सच बोलने की उम्मीद भी नहीं कर रहा था। उस बारे में कुछ पूछे जाने पर वो ज़रूर साफ झूठ बोल देती। फिर भी तुम्हें पूछना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं पूछा। इसलिए भी नहीं पूछा क्योंकि मुझे वापस मनोहर लाल के स्वीट में पहुंचने की भी जल्दी थी। साईं, मैं वहां जाकर वे तमाम सबूत नष्ट कर देना चाहता था जो शीला को कत्ल के इल्ज़ाम में फंसा सकते थे। इसलिए क्योंकि तुम्हें शीला से हमदर्दी थी, क्योंकि वह सिंधी है और क्योंकि तुम्हारे लड़के ने उससे शादी ना करके उसके साथ ज्यादती की थी वगैरह। हाँ, और कोई वजह नहीं? फिर पूछ रहा हूँ सजनानी, ये कोई बुढ़ौती की आशिकी का चक्कर तो नहीं? तौबा, अरे साईं, शीला मेरी लड़की जैसी है। सोच लो। देखो साईं, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा पुटड़ा गोपी शीला से शादी करने वाला था, लेकिन उस गधे ने उसे छोड़कर दूसरी जगह शादी कर ली। मुझे शीला अच्छी लड़की लगी थी और मैं तो उसको गोपी की बीवी के तौर पर मनी मन स्वीकार भी कर चुका था। इसी तरह शीला भी मुझे ससुर की निगाहों से देखने लगी थी, लेकिन मेरे पुटड़े की नालायकी की वजह से वो शादी ना बनी। शीला से हमारे खानदान का कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। लेकिन साईं, कीमत भावना की होती है, रिश्ते की नहीं। मैं शीला को अपनी बहू मान चुका था और शीला मुझे अपना ससुर। रिश्ता पैदा नहीं हो सका, लेकिन जो भावना पैदा हो चुकी है वो इतनी जल्दी कैसे मर सकती है? साईं, वो पुटड़ी मुसीबत में है, उसकी मदद करना मुझे हर लिहाज से अपना फर्ज लगता है। खैर, आगे बढ़ो। मैं मनोहर लाल के स्वीट में पहुंचा। तब तक फर्श पर बना शीला की खून से सनी सैंडल का निशान सूख चुका था। मैंने उसे रगड़कर मिटा देने के बारे में भी सोचा था, लेकिन एक तो मुझे ज़्यादा देर लाश के पास ठहरने में डर लग रहा था और दूसरे मुझे भय था कि उसे रगड़कर मिटाने से फिर भी निशान फर्श पर रह सकता था। इसलिए मैंने अपना एक जूता खून के तालाब में डुबोया और उसका निशान शीला की सैंडल के निशान के ऊपर बना दिया। तब तक खून गाढ़ा हो चुका था, इसलिए पहला निशान ताजे बने निशान के नीचे दब गया। साईं, उस वक्त तो साफ लग रहा था कि पहला निशान दब गया था, लेकिन पुलिस की रंगीन तस्वीर बता रही है कि मेरा ख्याल गलत था। बहुत गौर से देखने पर सैंडल का निशान जूते के निशान के नीचे से झलकता दिखाई देने लगता था। फिर मैंने सारे स्वीट में उन तमाम जगहों पर रुमाल फेरा जहाँ की शीला की उंगलियों के निशान हो सकते थे, और पिछले दरवाजे के हैंडल पर जानबूझकर अपने एक अंगूठे का निशान छोड़ा। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि पुलिस मुझे खूनी समझे, शीला को नहीं। लेकिन साईं, अफसोस है कि बात बनी नहीं। तुम पकड़े कैसे गए? मैं खुद हैरान हूँ। मैं अपने यार्ड पर था और मेरा ख्याल था कि पुलिस को कभी सूझ ही नहीं सकता था कि मैं वहाँ था। क्यों नहीं सूझ सकता था? जिस इंस्पेक्टर को तुम अभी निपटा करा रहे हो वो नरेंद्र अवस्थी के कत्ल के सिलसिले में तुम्हारे यार्ड का चक्कर लगा चुका है। ये वही इंस्पेक्टर था? तुम्हें नहीं मालूम? मैंने ध्यान नहीं दिया। सुनील कुछ ना बोला। साईं, एक बात का मुझे अफसोस है। मनोहर लाल की लाश देखने के बाद जब मैं दोबारा शीला के फ्लैट पर गया था तो उस वक्त मेरी सेफ वाली रिवॉल्वर मेरे पास थी। मुझे चाहिए था कि मैं उस रिवॉल्वर से वो घातक रिवॉल्वर बदल देता जो शीला ने अपने तकिए के नीचे रखी हुई थी, लेकिन उस वक्त मैं इतना बौखलाया हुआ था कि ऐसा करना मुझे सूझा ही नहीं था। सच कह रहे हो? क्या सच कह रहा हूँ? वास्तव में तुमने वो नहीं किया था जो तुम कह रहे हो कि तुम्हें करना चाहिए था? वास्तव में तुमने रिवॉल्वर नहीं बदली थी? बड़ी कसम है नी झूलेलाल की, मैंने रिवॉल्वरें नहीं बदली थी, लेकिन मुझे अगर ऐसा करना सूझ जाता तो मैं करता ज़रूर। अब तुम चाहते क्या हो? ये भी कोई पूछने की बात है? साईं, किसी तरह उस पुटड़ी को बचाओ। लेकिन तुम तो कह रहे हो कि उसने कत्ल किया है। जब वो गुनहगार है तो मैं कैसे बचाऊं उसे? साईं,
जरा ये भी तो देखो कि उसने किसका कत्ल किया है। उसने मनोहर लाल का कत्ल किया है जो कि उसके बाप का कातिल था। ये खून का बदला खून वाला जंगल का कानून आज के सभ्य समाज में नहीं चलता। मनोहर लाल ने चाहे 1000 कत्ल किए हों लेकिन मकतूल की बेटी को उसका कत्ल करने का हक नहीं पहुंचता। कानून की निगाह में हर जान की बराबर कीमत होती है, चाहे वो जान किसी शरीफ आदमी की हो चाहे किसी कातिल की। लेकिन साईं ये भी तो हो सकता है कि मनोहर लाल ने शीला का कत्ल करने की या उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की हो और शीला ने आत्मरक्षा के लिए उसका खून कर दिया हो। ये हो सकता है, तभी तो कहता हूँ कि तुम्हें शीला से पूछना चाहिए था कि असल में क्या हुआ था। वड़ी किसी तरीके से अब पूछ लो ना साईं, अब तो वो पुलिस की हिरासत में है। फिर भी कोशिश करो ना। अच्छा अब यहाँ से हिलो। किधर हिलो? यूथ क्लब चलो। अच्छा, सजनानी ने कार स्टार्ट की और उसे फिर सड़क पर दौड़ा दिया। तो दोस्तों ये था खाली कारतूस नॉवल का चौथा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं खाली कारतूस नॉवल का पार्ट 5। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खाली कारतूस नॉवल का पार्ट 5। चैप्टर 3। अगले दिन कन्हैया लाल सजनानी फिर गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने उस पर हत्यारे का मददगार होने का चार्ज लगाकर अदालत में पेश किया। सजनानी ने क्योंकि पहले से इंतजाम किया हुआ था इसलिए उसकी फौरन जमानत हो गई। उसने 50,000 की नकद जमानत जमा करवाई और रिहा हो गया। पुलिस ने हत्या का चार्ज लगाकर शीला ज्ञानचंदानी को भी अदालत में पेश किया और 10 दिन का रिमांड हासिल कर लिया। सजनानी की भरपूर कोशिशों के बावजूद भी उसकी जमानत नहीं हो सकी। लंच के बाद सुनील यूथ क्लब पहुंचा। गनीमत थी कि रमाकांत खुद ब खुद जाग उठा था। सुनील को जाकर उसे जगाना नहीं पड़ा और उसके कहर का शिकार नहीं होना पड़ा। क्या खबर है? सुनील ने पूछा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का पटना में देहांत हो गया है, रमाकांत मशीनी अंदाज में बोला। IAS जौहर ने राजनारायण को गौमूत्र से धोने का ऐलान किया है। कांग्रेस आई की प्रेसिडेंट श्रीमती इंदिरा गांधी ने शट अप, सुनील भड़क कर बोला। प्यारे हो, रमाकांत नकली हैरानी जाहिर करता हुआ बोला। खबर ही तो पूछ रहे थे तुम, खबर सुना रहा हूँ। तुम खूब जानते हो मैं क्या पूछ रहा था। अच्छा वो? बिल्कुल वही, वो लंबे वाला वो, रमाकांत हंसा। उसने अपना चार मीनार का पैकेट निकालकर एक सिगरेट सुलगाया और ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बोला। गोपीनाथ की नई बीवी के बारे में विशालगढ़ से एक दो खबरें आई हैं। क्या? जो जानकारी हासिल हुई है उसमें इस बात का काफ़ी हाथ है कि उर्मिला उसका असली नाम है, और जब वो विशालगढ़ के गुलमर्ग नाइट क्लब में कैबरे करती थी तब भी उसका यही नाम था। मालूम हुआ है कि वो विशालगढ़ में अकेली रहती थी। वहाँ मनोहर लाल से उसकी तगड़ी वाकिफियत थी और वो उसके साथ अक्सर घूमती फिरती देखी जाती थी। ये मालूम नहीं हो सका है कि सिलसिला आशिकी का था या दोनों के गठजोड़ की बुनियाद कोई और थी। IC, वैसे मेरे ख्याल से दोनों में कारोबारी रिश्ता था। कैसे? देखो, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मनोहर लाल ब्लैकमेलर था। विशालगढ़ में उसके जो ठाट बाट देखे जाते थे उससे साफ मालूम पड़ता है कि कामयाब ब्लैकमेलर था। उर्मिला कैबरे डांसर थी और क्लब में पैसे वाले लोगों के संपर्क में अक्सर आती थी। शायद मनोहर लाल को ये टिप दिया करती हो कि किस आदमी को ब्लैकमेल किया जा सकता था, या शायद दोनों किसी पूर्व निर्धारित योजना पर काम करके ब्लैकमेलिंग के जरिए बकरा तैयार करते हो। मनोहर लाल के ठाट बाट इस बात से जाहिर होते हैं कि सेसिल होटल में उसके लिए स्थायी रूप से स्वीट बुक है। जाहिर है कि पैसे की उसे कमी नहीं थी
और ब्लैकमेलिंग के अलावा उसकी आय का कोई साधन भी नहीं दिखाई देता। अगर होगा भी तो उसका रिश्ता किसी जरायम पेशा तरीके से ही होगा। करेक्ट, जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले उर्मिला और मनोहर लाल की बड़ी गाड़ी छनती थी, लेकिन शादी के बाद की अपनी मौजूदा स्थिति में उर्मिला को मनोहर लाल का जिक्र तक गवारा नहीं है। जौहरी एक प्रेस रिपोर्टर बनकर उर्मिला से मिलने गया था। जौहरी कहता है कि वो न केवल मनोहर लाल के संबंध में कोई बात तक नहीं करना चाहती, बल्कि वो तो यही चाहती है कि मनोहर लाल के कत्ल का केस किसी तरह इतना दब जाए कि प्रेस की उसमें दिलचस्पी ना रहे। उसका ये चाहना ये जाहिर करता है कि वो हरगिज नहीं चाहती कि मनोहर लाल के कत्ल के सिलसिले में उसका भी नाम घसीटा जाए। आई सी, प्रत्यक्ष गोपीनाथ भी यही चाहता है। तुम्हारी जानकारी के लिए वो खुद आई जी से मिला है और उसे ये विश्वास दिलवाने में कामयाब हो गया है कि मनोहर लाल के कत्ल से उसकी बीवी का दूर दराज का भी कोई रिश्ता नहीं है। वो कहता है कि शीला हत्यारी है, तुम शीला के बॉयफ्रेंड हो और शीला को बचाने के लिए अपने जाती फायदे की खातिर तुम उर्मिला को इस केस में घसीटना चाहते हो। वो आईजी को पूरी तरह ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया है कि बुधवार को तुम घातक रिवॉल्वर अपने साथ लेकर उसके ऑफिस में खास तौर से रिवॉल्वरों की अदला बदली करने की नीयत से ही आए थे। तुमने वहाँ खामखा गोली चलाकर वहाँ आपाधापी का माहौल पैदा किया था और फिर उसी आपाधापी के माहौल में उसे घातक रिवॉल्वर थमा दी थी और स्वयं उसकी रिवॉल्वर ले उड़े थे, ताकि बाद में जब ये मालूम हो कि जो रिवॉल्वर गोपीनाथ के अधिकार में थी वही घातक रिवॉल्वर थी, तो ये समझ लिया जाए कि रिवॉल्वरों की हेराफेरी उसकी बीवी ने की थी, क्योंकि वही कातिल थी। मैंने रिवॉल्वरें नहीं बदली थी, मैं गोपीनाथ के ऑफिस में अपने साथ कोई रिवॉल्वर लेकर नहीं गया था। लेकिन वो तो यही कहता है कि रिवॉल्वरें तुमने बदली है। वो अपनी बात साबित नहीं कर सकता, वो जानता है इसलिए तो वो भन्नाया हुआ है, लेकिन फिर भी सुनने में आया है कि वो आईजी को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया है कि सारी शरारत तुम्हारी है। आईजी ने उसे आश्वासन दिया है कि इस बात की पूरी कोशिश की जाएगी कि उर्मिला का नाम उस केस से दूर रखा जाए। वोल्गा एंटरप्राइजेस के बारे में कुछ पता लगा? इस नाम का कोई ऑफिस शंकर रोड की 19 नंबर इमारत में नहीं है, लेकिन वोल्गा एंटरप्राइजेस की डाक वहीं डिलीवर होती है। कैसे? किसी आदमी ने वहाँ एक कमरा किराए पर लिया हुआ है और पोस्टमैन को रिश्वत वगैरह देकर सांठा हुआ है। वो आदमी सिर्फ डाक आने के वक्त ही वहाँ आता है। ये मालूम नहीं हो सका है कि वो आदमी कौन है, लेकिन उसके बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश जारी है। उस प्रिंटर का पता लगा जिसने वोल्गा एंटरप्राइजेस की स्टेशनरी छापी है? हदे यार, तुम तो चाहते हो कि करिश्मा हो जाए। भाई साहब, ये बड़ा फसादी काम है, इसमें बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन तुम पूछताछ तो करवा रहे हो ना? करवा रहा हूँ। कोई तेज़ रफ्तार नतीजा हासिल करना चाहते हो तो नकदों निकालो। नहीं, सुनील हड़बड़ाकर बोला, ये रफ्तार ठीक है। मर गई ना बेबे, रमाकांत व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। बेबे क्या होती है? बेबे उस सह को कहते हैं जो नकदों का नाम सुनते ही मर जाती है। चलो छोड़ो, नकदों की बात आई तो फरमा दिया चलो छोड़ो, अब जाने भी दो ना यार, कोई और बात हो तो बताओ। क्या बताऊँ, शीला ने पुलिस को कोई बयान दिया है? गिरफ्तारी के बाद आरंभ में उसने एक बार, सिर्फ एक बार ये कहा था कि उसने मनोहर लाल को गोली नहीं मारी थी, वो निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस ने उससे जिरह करने की कोशिश की थी तो इस बारे में उसने एकदम चुप्पी साध ली थी। अब मौजूदा स्थिति यह है कि वो पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है। उसने पुलिस को ये बताया होगा कि उसके पास रिवॉल्वर कहाँ से आई? उसने कहा था कि रिवॉल्वर उसे सजनानी ने दी थी। कौन से सजनानी ने, बाप ने या बेटे ने? ये ना पुलिस ने उससे पूछा था और ना उसने बताया था। उसने रिवॉल्वर में मौजूद खाली कारतूस के बारे में क्या कहा? ये कि वो उस खाली कारतूस के बारे में कुछ नहीं जानती, उसने रिवॉल्वर को खोलकर भीतर नहीं झांका था। रिवॉल्वर उसे जिस हालत में दी गई थी उसी हालत में वो तब भी थी जब पुलिस ने उसे अपने अधिकार में लिया था। यानी कि अगर रिवॉल्वर में कोई खाली कारतूस था तो वह तब भी था जब वो रिवॉल्वर उसे सौंपी गई थी। पुलिस ने उसके फ्लैट से उसकी सैंडलें बरामद की है? की है। उस सैंडल की सोल और एड़ी बिल्कुल वैसी ही है जैसी का निशान घटनास्थल पर सजनानी के जूते के निशान के नीचे दबा पाया गया है। तुम्हें सजनानी की इस शरारत के बारे में मालूम है ना? मालूम है। पुलिस ने शीला की सैंडल को लेबोरेटरी में टेस्ट करके ये साबित कर दिया है कि उस सैंडल को खून लगा था जो कि उसने मनोहर लाल के स्वीट के बाथरूम में जाकर वहाँ लगे वॉश बेसिन में धोया था। पुलिस को उस वॉश बेसिन में खून के निशान मिले हैं। उन्हें वहाँ पड़ा एक तौलिया भी मिला है जिससे कि शीला ने अपनी धुली हुई सैंडल को रगड़कर पोंछा था। सैंडल का सोल रबड़ का था और उस पर तौलिया रगड़ने की वजह से रबड़ के कुछ रेशे तौलिए पर भी आ लगे थे। पुलिस अपनी लेबोरेटरी में ये भी साबित कर चुकी है कि जिस रबड़ के रेशे खून के निशानों के साथ तौलिए पर चिपके हुए थे उसी का शीला की सैंडल का तला बना हुआ था। सत्यानाश,
फॉरेंसिक साइंस ने भारत में भी बहुत तरक्की कर ली है भाई साहब। पुलिस को यह भी मालूम है कि सैंडल के निशान के ऊपर जूते का निशान कितने अरसे बाद बनाया गया था। हाँ, कोई 2.5-3 घंटे बाद। कैसे मालूम है? जूते का निशान जिस खून से बना था वो बहुत गाढ़ा था और जमने की हालत में पहुंचा हुआ था। काफी देर हवा लगती रहने की वजह से उसकी रंगत भी तब्दील हुई थी। पुलिस के एक्सपर्ट का कहना है कि खून जिस्म से बाहर आने के 2 या 3 मिनट बाद ही गाढ़ा होने लगता है। लाश के आसपास बिखरा खून मर्दाने जूते का निशान बनने के समय गाढ़ेपन के जिस स्टेज पर पहुंच चुका था, उसी से एक्सपर्ट ने यह अनुमान लगाया है कि सैंडल के निशान के ऊपर जूते का निशान कोई 2.5-3 घंटे बाद बना था। ये सब तुम्हें कैसे मालूम है? मुझे क्या, सबको मालूम है। पुलिस इस बारे में कोई सीक्रेट थोड़ी रख रही है। DIG ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर प्रेस को ये सब बताया था। अच्छे प्रेस रिपोर्टर हो तुम, इतना भी नहीं जानते? और क्या कहती है पुलिस? सुनील उसकी बात की ओर ध्यान दिए बिना बोला। घातक रिवॉल्वर के बारे में पुलिस की थ्योरी है कि शीला ने खून करने के बाद घातक रिवॉल्वर या तो तुम्हें दी थी या उसने रिवॉल्वर सजनानी को दी थी और सजनानी ने तुम्हें दी थी। फिर वही रिवॉल्वर पुलिस की तफ्तीश में गड़बड़ी फैलाने की नीयत से तुम गोपीनाथ के सिर थोप आए थे। रमाकांत, सुनील विचारपूर्ण स्वर में बोला, मैंने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे शीला का बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, लेकिन सजनानी ने ये सब क्यों किया? सुनील, पुलिस की निगाहों में शीला बहुत गिरे हुए चरित्र की लड़की है। यानी कि सजनानी भी उसका बॉयफ्रेंड है? पुलिस ऐसा ही समझ रही है। तौबा। रमाकांत चार मीनार का नया सिगरेट सुलगाने लगा। पुलिस की निगाहों में शीला के पास हत्या का क्या उद्देश्य है? सुनील ने नया सवाल किया। भाई, मनोहर लाल ने उसके बाप का कत्ल किया था, रमाकांत बोला। अपने बाप का बदला लेने के लिए उसने मनोहर लाल का कत्ल कर दिया। पुलिस को यह बात मालूम हो चुकी है कि मनोहर लाल ने शीला के बाप का कत्ल किया था? हाँ, खुद सजनानी ने बताई थी। और क्या, कोई और बात? बस छुट्टी। पुलिस के उस चश्मदीद गवाह का पता नहीं लगा जिसने कत्ल की रात को किसी युवती को होटल के पिछवाड़े की सीढ़ियों से उतरते देखा था? पता लगा है, रमाकांत हड़बड़ाकर बोला। माफी देना प्यारे हो, मैं बताना भूल गया। कौन है वो? वो होटल सेसिल का असिस्टेंट मैनेजर है, नाम है नागपाल। वो उस रात होटल के पिछवाड़े में क्या कर रहा था? ये तो मुझे मालूम नहीं, जो मालूम है वो सुन लो। बोलो। शीला को गिरफ्तार कर लेने के बाद पुलिस ने उसका आमना सामना नागपाल से करवाया था। नागपाल ने शीला को फौरन पहचान लिया था। उसने दावा किया है कि ये वही लड़की थी जिसे उसने होटल के पिछवाड़े की सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा था। कैसे देखा था? वो खुद कहाँ था? ये सब मुझे नहीं मालूम। इस सिलसिले में प्रभुदयाल ने तुम्हारी खिंचाई नहीं की? मेरी? हाँ, नागपाल ने यह भी कहा है कि जिस आदमी की गाड़ी में सवार होकर शीला वहां से गई थी वो तुम थे। ये वो कैसे कह सकता है? वो क्या मुझे जानता पहचानता है? प्रभुदयाल ने उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी, वो कहता है तुम ही वो आदमी थे। तस्वीर के दम पर ही नागपाल ने ऐसा कह दिया? प्रभुदयाल तुम्हारा और उसका रूबरू आमना सामना भी जरूर करवाएगा। और फिर प्रभुदयाल तो कहता था कि उसका वो कथित चश्मदीद गवाह आदमी को ठीक से देख नहीं सका था क्योंकि वो कार के भीतर बैठा हुआ था और भीतर अंधेरा था। ये सब मुझे नहीं मालूम प्यारे हो। इस आदमी से मिलना होगा। जरूर मिलो, मैं अभी खबर लेता हूँ इस नागपाल के बच्चे की। जरूर। मैं तुम्हारी गाड़ी ले जाऊँ? ले जाओ प्यारे हो, गुल्ली की दी तो कहने की दे। और रमाकांत ने चाबियां सुनील की तरफ उछाल दी। सुनील ने चाबियां संभाली, वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर ठिटक गया। उसके माथे पर बल पड़ गए। अब क्या हुआ? रमाकांत बोला। यार, उस गोली की बड़ी हैरानी है। सुनील बोला। कौन सी गोली की? जो मैंने गोपीनाथ के ऑफिस में चलाई थी। उसे उसकी खिड़की की चौखट में से कौन निकाल कर ले गया? मुझे क्या पता कौन निकाल कर ले गया। प्रभुदयाल तो इस बारे में बहुत तड़प रहा होगा। हो सकता है। उखड़ क्यों रहे हो? अरे कौन साला उखड़ रहा है? उखड़ना होता तो मैं शुरू में उखड़ता जब तुमने नकदों के मामले में हरी झंडी दिखा दी थी। अब क्या उखाड़ूंगा? सुनील खामोश रहा। फिर वो वहां से बाहर निकल गया। वो रमाकांत की शानदार इम्पाला ड्राइव करता हुआ मेहता रोड पहुंचा। उसने कार सेसिल होटल की पार्किंग में खड़ी की और भीतर रिसेप्शन पर पहुंचा। मैं असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर नागपाल से मिलना चाहता हूं, वो रिसेप्शन पर मौजूद युवक से बोला। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक छोटे से ऑफिस नुमा कमरे में भेज दिया जहाँ की एक 40 साल का सूटबूटधारी व्यक्ति बैठा था। मिस्टर नागपाल, सुनील बोला। जी हाँ, वो सहज भाव से बोला, मेरा ही नाम है। सुनील ने उसे हाथ मिलाया और उसके सामने बैठता हुआ बोला, मेरा नाम सुनील है, सुनील कुमार चक्रवर्ती। नागपाल अर्थहीन ढंग से मुस्कुराया। आपने मुझे पहचाना नहीं? सुनील बोला। नागपाल ने एक बार फिर गौर से सुनील की तरफ देखा और फिर खेदपूर्ण स्वर में बोला,
माफ कीजिएगा, मैंने नहीं पहचाना आपको। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मिस्टर नागपाल, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। मंगलवार रात को आपके होटल में हुए मनोहर लाल के कत्ल के सिलसिले में मैं आपसे चंद सवाल पूछने आया हूँ। कैसे सवाल? आपको मालूम है कि मनोहर लाल की हत्या का इल्ज़ाम शीला ज्ञान चंदानी नाम की एक युवती पर लगाया जा रहा है। हाँ, पुलिस ने मुझे बताया था। हमारे सुनने में आया है कि हत्या की रात को आपने होटल के पिछवाड़े की सीढ़ियों से एक युवती को उतरते देखा था और आपने उसे साफ साफ पहचाना था। हाँ, वो वही युवती थी जो इस वक्त कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है। शीला ज्ञान चंदानी? हाँ। आपने उसे साफ पहचाना था? हाँ। जिस वक्त वो पिछवाड़े की सीढ़ियाँ उतर रही थी उस समय आप कहाँ थे? मैं पिछवाड़े में ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे की बालकनी में खड़ा था। आप वहाँ खड़े क्या कर रहे थे? मिस्टर सुनील, हमें मालूम हुआ था कि मनोहर लाल के स्वीट के पिछवाड़े के रास्ते से लड़कियाँ आती थी। ये एक इज्जतदार होटल है, हम नहीं चाहते कि ये किसी प्रकार के स्कैंडल का शिकार हो। हमारे होटल में ठहरे किसी मेहमान से लड़कियाँ मिलने आए, इस बात से हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इस बात से हमें पूरा एतराज़ था कि यहाँ ऐसी लड़कियाँ आए जो रिसेप्शन से गुजरकर भीतर आने के स्थान पर पिछवाड़े के सुनसान रास्ते से आने जाने को तरजीह देती हो। हमें ऐसी शिकायत मिली थी, इसलिए उसकी सत्यता को चेक करने के लिए ही उस रोज़ पिछवाड़े की सीढ़ियों की चुपचाप निगरानी कर रहा था। आपने पहले भी कभी पिछवाड़े की सीढ़ियों से किसी लड़की को मनोहर लाल की स्वीट में आते जाते देखा था? मैंने नहीं देखा, लेकिन होटल के स्टाफ ने देखा था। जिसे होटल के स्टाफ ने देखा था वो शीला ज्ञानचंदानी थी? ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन मंगलवार रात को आपने खुद अपनी आंखों से शीला ज्ञानचंदानी को पिछवाड़े की सीढ़ियों से उतरते देखा था? हाँ। आपको ये कैसे मालूम है कि वो मनोहर लाल के ही स्वीट से निकली थी? क्योंकि मैंने उसे मनोहर लाल के स्वीट से निकलकर पिछवाड़े की सीढ़ियों पर कदम रखते देखा था। आपने उसे पिछवाड़े की सीढ़ियों से उतरकर गली में जाते देखा था? हाँ। उस वक्त आपने उसकी शक्ल पहचान ली थी? नहीं, गली में नीम अंधेरा था, उस वक्त मुझे उसकी शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दी थी। आई सी, तो फिर आपने ठीक से शक्ल कब देखी उसकी? इतनी ठीक से कि बाद में आप उसकी विधिवत शिनाख्त कर पाते? मैं होटल से निकलकर उसके पीछे पीछे गया था। आप उसके पीछे सिर्फ इसलिए गए थे क्योंकि आप उसकी सूरत देखना चाहते थे? हाँ, उसकी सूरत देख चुकने के बाद मेरा इरादा फौरन वापस लौट जाने का था। आई सी, फिर आपने क्या देखा? वो लड़की ब्लॉक के सिरे पर पहुंचकर मोड़ घूमी, आगे एक कार खड़ी थी जिसमें जाकर वो सवार हो गई। उसके कार में बैठने के समय तक आप उसका पीछा कर रहे थे? हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि तब तक आप उसकी अच्छी तरह सूरत नहीं देख पाए थे। नागपाल हड़बड़ा गया। देखिए, सुनील विनीत भाव से बोला, आप लड़की के पीछे किस लिए गए थे? उसकी अच्छी तरह से शक्ल देखने के लिए। उसकी शक्ल देख लेने के बाद आप वापस लौट आने वाले थे, उसके कार में आ बैठने तक भी आप उसके पीछे थे। क्या इससे ये साबित नहीं होता कि आप तब तक अच्छी तरह से उसकी शक्ल देखने में कामयाब नहीं हो पाए थे? ये कैसे कह सकते हैं आप? इट स्टैंड्स टू रीजन सर, आप उस लड़की के कार में सवार हो जाने तक उसके पीछे थे। अगर वो कार में सवार ना हुई होती और अभी और आगे तक पैदल चलती रही होती तो जाहिर है कि आप अभी पीछा करते उसका। हाँ, वो अनिश्चित भाव से बोला, मगर तब तक आप उसकी शक्ल खूब अच्छी तरह देख चुके होते तो आप और आगे तक उसके पीछे जाने का इरादा क्यों करते भला? आप तो वहाँ से लौट आए होते। वो खामोश रहा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस लड़की की शक्ल अच्छी तरह से नहीं देखी थी क्योंकि ऐसी नौबत आने से पहले ही वो एकाएक कार में सवार हो गई थी और कार वहाँ से रवाना हो गई थी। मैंने उसकी शक्ल खूब अच्छी तरह देखी थी। तो फिर आप और आगे तक उसके पीछे क्यों लगे रहे? आप अपना मतलब हल हो जाने के बाद वापस क्यों नहीं लौटे? मैं उसकी शक्ल और ज़्यादा अच्छी तरह से देखना चाहता था। किस लिए? इसलिए क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप उसकी शक्ल देख चुके थे वो आपको शिनाख्त के लिए काफ़ी नहीं लग रही थी। मैंने उसकी शिनाख्त की थी। नागपाल साहब, सारी खूबसूरत और नौजवान लड़कियाँ मोटे तौर पर देखने से एक जैसी ही लगती है। आपको शिनाख्त में धोखा हुआ हो सकता है। मुझे कोई धोखा नहीं हुआ था, वो झुंझलाकर बोला, मैंने उसे ठीक पहचाना था, पहले भी और बाद में भी। ओके ओके, सुनील शांति से बोला। वो नहीं चाहता था कि नागपाल के व्यवहार में असहिष्णुता पैदा हो, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। आपने उस आदमी को भी देखा था जिसकी कार में सवार होकर शीला ज्ञानचंदानी यहाँ से गई थी? नागपाल एक क्षण हिचकिचाया और फिर बोला, मैंने उसे उतनी अच्छी तरह से तो नहीं देखा था जितनी अच्छी तरह से मैंने शीला को देखा था। वो उस कार से बाहर निकला था? नहीं। कार की डूमलाइट जल रही थी? नहीं। फिर तो कार के भीतर अंधेरा रहा होगा। फिर आपने उसकी सूरत कैसे देखी? जहाँ कार खड़ी थी वहाँ पास ही एक बिजली का खंभा था जिसकी पर्याप्त रोशनी उस आदमी के चेहरे पर पड़ रही थी।
आप जानते हैं वो आदमी कौन था? नहीं। सुना है पुलिस वालों ने आपको कोई तस्वीर दिखाई थी और पूछा था कि क्या वो उस आदमी की तस्वीर थी जिसने शीला ज्ञानचंदानी को लिफ्ट दी थी। आपने ठीक सुना है, राजनगर में तो हजारों लाखों लोग बसते हैं। पुलिस को आपको कोई एक तस्वीर दिखाना कैसे सूझा? उस कार की वजह से जिसमें वो आदमी बैठा था। उस कार पर ब्लास्ट का नाम लिखा था। मैंने पुलिस को ये बात बताई थी। आईसी, यानी कि जिस आदमी ने शीला को लिफ्ट दी थी वो कोई मेरा ही हमपेशा था, ऐसा ही मालूम होता है। नागपाल साहब, सुनील उपहासपूर्ण स्वर में बोला, वो कहीं मैं ही तो नहीं था? नागपाल हड़बड़ाया। उसने गौर से सुनील की सूरत देखी और बोला, आप ब्लास्ट से संबंधित है? जी हाँ, मैं उसका स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। जरा मेरी सूरत ज़्यादा गौर से देखिए और फिर बताइए कि जिस आदमी की तस्वीर पुलिस वालों ने आपको दिखाई थी वो मैं स्वयं तो नहीं था? आप मजाक कर रहे हैं, वो रुष्ट स्वर में बोला। नहीं, सुनील उठता हुआ बोला, मैं नमस्ते कर रहा हूँ। और फिर वो बिना दोबारा नागपाल पर दृष्टिपात किए वहां से बाहर निकल गया। सुनील ने रमाकांत की विशाल इम्पाला को सजनानी की मुगल बाग स्थित कोठी के कंपाउंड में ले जाकर रोका। वो पहले नेताजी सुभाष मार्ग गया था, लेकिन वहां से उसे मालूम हुआ था कि गोपीनाथ आज जल्दी ऑफिस से चला गया था। सुनील इस उम्मीद में वहां आया था कि वो नवविवाहित पत्नी का पति ऑफिस से जल्दी छुट्टी करके अगर कहीं गया होगा तो घर ही गया होगा। उसने कॉल बेल बजाई। एक नौकर ने दरवाजा खोला। गोपी है? सुनील ने पूछा। जी हाँ, नौकर आदरपूर्ण स्वर में बोला, है। जरा बुलाओ तो, सुनील भीतर दाखिल होता हुआ बोला। नौकर ने उसके पीछे दरवाजा बंद किया और सहमति में सिर हिलाता वहां से चला गया। सुनील एक सोफे पर बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया। तभी कॉल बेल फिर बज उठी। सुनील ने उस दरवाजे की तरफ निगाह डाली जिसमें घुसकर नौकर दृष्टि से ओझल हो गया था। फिर नौकर को वापिस आता ना पाकर उसने स्वयं ही दरवाजा खोल दिया। सामने इंस्पेक्टर प्रभुदयाल खड़ा था। कुछ क्षण दोनों सक पकाए से एक दूसरे की सूरत देखते रहे। फिर प्रभुदयाल के मुंह से निकला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या सवाल हुआ? सुनील नकली हैरानी जाहिर करता हुआ बोला। कहीं जाओ तो वहां जाकर कुछ करना क्या जरूरी होता है? मेरा मतलब है, यहाँ कैसे आए? सजनानी से मिलने। कौन से सजनानी से मिलने? बाप से या बेटे से? जो भी मिल जाए। रास्ते से हटो। सुनील एक तरफ हट गया। प्रभुदयाल भीतर दाखिल हुआ। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गए, प्रभुदयाल बोला, मुझे तुम्हारी भी तलाश थी। वजह? सुनील बोला, मैं तुम्हारा उस आदमी से आमना सामना कराना चाहता हूँ जिसने मंगलवार रात को होटल सेसिल के पिछवाड़े में तुम्हें शीला ज्ञानचंदानी को लिफ्ट देते देखा था। आई सी, सुनील भावहीन स्वर में बोला। और तुम कैसे आए यहाँ? तुम्हारे जैसा बेमतलब और बेहुदा जवाब दूं तो जीप में बैठकर। वैसे मैं यहाँ गोपीनाथ से रिवॉल्वर की उस अदला बदली के बारे में पूछताछ करने आया हूँ जो तुमने बुधवार को उसके ऑफिस में की थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, सुनील उखड़कर बोला। अभी मैं तुम्हारे सामने उससे बात करता हूँ, तुम भी सुनना कि वो क्या कहता है। मुझे पता है वो क्या कहेगा। क्या कहेगा वो? वो यही कहेगा कि मैंने रिवॉल्वरें बदली थी। वो ऐसा इसलिए कहेगा क्योंकि इसी में उसकी बीवी की भलाई है। तभी गोपीनाथ वहां पहुंचा। प्रभुदयाल को देखकर वो सक पकाया। प्रत्यक्ष उसे पुलिस के आगमन की खबर नहीं थी। फिर उसने अपने आप को संभाला और एक मेहमान नवाज व्यक्ति के स्वर में बोला, तशरीफ रखिए साहिबान। प्रभुदयाल और सुनील बैठ गए। गोपी उनके सामने आ बैठा। वो पहले सुनील से बोला, कैसे आए भाई साहब? तुम्हारे पापा से मिलने आया था, सुनील बोला। सजनानी घर पर है? नहीं। तो फिर मैं चलता हूँ, सुनील उठता हुआ बोला। बैठ जाओ, प्रभुदयाल कर्कश स्वर में बोला। तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ रोक सकते हो? सुनील आंखें निकाल कर बोला। हाँ, प्रभुदयाल दांत भींच कर क्रूर स्वर में बोला। फिर ठीक है, सुनील यूं बोला जैसे उसे उसका मनपसंद जवाब मिल गया हो। वो वापस यथास्थान बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, पैसे की बड़ी माया है इंस्पेक्टर साहब। क्या बक रहे हो? प्रभुदयाल बोला। मुझे तो हवलदार भेजकर पुलिस हेडक्वार्टर पकड़ मंगवाते हो, या बड़ी सराफत दिखाई तो टेलीफोन करके मुझे तलब कर लेते हो कि फौरन पुलिस हेडक्वार्टर में मेरे ऑफिस में मेरे पास पहुंच जाओ, सुनील प्रभुदयाल के स्वर की नकल करता हुआ बोला। लेकिन पैसे वाले आदमी के पास खुद दौड़े दौड़े आते हो। शट अप। और पैसे वाला आदमी फरमाता है मैं बकता हूँ। आई सेड शट अप। सुनील खामोश हो गया। उसने एक नया सिगरेट सुलगा लिया। तभी नौकर सबको चाय सर्व कर गया। फिर प्रभुदयाल गोपीनाथ से संबोधित हुआ। आप जरा मेरी ओर ध्यान दीजिए। फरमाइए, गोपीनाथ बोला। प्रभुदयाल ने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाली और उसे गोपीनाथ के सामने मेज पर रख दिया। ये रिवॉल्वर पहचानते हैं आप? गोपीनाथ ने एक सशंक निगाह रिवॉल्वर पर डाली। मुझे जवाब की जल्दी नहीं, प्रभुदयाल बोला। आप रिवॉल्वर उठाकर अपने हाथ में ले लीजिए, उसे उल्टिए पलटिए ठोकिए बजाइए, फिर जवाब दीजिए।
गोपीनाथ ने रिवॉल्वर उठा ली। जवाब देते समय यह भी ध्यान में रखना गोपी, सुनील सहज भाव से बोला कि इसी रिवॉल्वर से कत्ल हुआ है, ये मर्डर वेपन है, इसी वजह से यह इंस्पेक्टर साहब के अधिकार में है। गोपी ने यूं रिवॉल्वर वापस मेज पर रखी जैसे वो अभी तक सांप थामे था। प्रभुदयाल ने कहर भरी निगाहों से सुनील की तरफ देखा लेकिन मुंह से कुछ न बोला। क्या कहते हैं आप? फिर वो गोपीनाथ से संबोधित हुआ। ये रिवॉल्वर, गोपीनाथ बोला, देखने में वैसी ही है जैसी मेरे पास भी थी, लेकिन मैं दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। यानी कि ये उन तीनों रिवॉल्वरों में से कोई भी हो सकती है जो आपके पिता की मिल्कियत थी। हाँ, हमें मालूम हुआ है कि उन तीन रिवॉल्वरों में से एक रिवॉल्वर आपके पिता ने आपको दी थी, एक वे अपने पास अपने शोल्डर होलेस्टर में रखते थे और एक वे अपने ऑफिस में सेफ में रखते थे, ठीक? हाँ, ये रिवॉल्वर कत्ल में इस्तेमाल हुई है, ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है, लेकिन हमारे पास ये जानने का कोई साधन नहीं है कि ये हूबहू एक जैसी तीन रिवॉल्वरों में से कौन सी रिवॉल्वर है। वो रिवॉल्वर आप वाली है या आपके पिता वाली है या उनकी सेफ वाली है, हम नहीं जानते, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हत्या की रात को आपके पापा ने अपनी रिवॉल्वर शीला ज्ञानचंदानी को दी थी और फिर अपनी सेफ वाली रिवॉल्वर निकालकर अपने पास अपने शोल्डर होलेस्टर में रख ली थी। गोपीनाथ खामोश रहा। अब मैं आपसे आप वाली रिवॉल्वर के बारे में सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये सच है कि कत्ल से अगले दिन यानी कि बुधवार यानी कि परसों आपने अपनी रिवॉल्वर अपनी मेज की दराज में से निकालकर सुनील को दी थी? सच है। सुनील ने उस रिवॉल्वर से क्या किया था? ये क्वेश्चन उसे अपने हाथों से उलटता पलटता रहा था, फिर इसने उसका घोड़ा दबा दिया था जिसकी वजह से एकाएक गोली चल गई थी। वो रिवॉल्वर ये तो नहीं थी? सुनील मेज पर पड़ी रिवॉल्वर की ओर संकेत करता हुआ बोला। सवाल ही पैदा नहीं होता, गोपीनाथ बोला, अगर ये रिवॉल्वर मर्डर वेपन है तो ये रिवॉल्वर मेरे वाली रिवॉल्वर हो ही नहीं सकती। लेकिन हालात ये बताते हैं कि जो रिवॉल्वर तुम मेरे साथ जाकर शीला ज्ञानचंदानी को देकर आए थे वो यही रिवॉल्वर थी जो इस वक्त तुम्हारे सामने मेज पर पड़ी है। क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो घातक रिवॉल्वर तुम्हारे अधिकार में थी? नहीं, गोपीनाथ एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला, इसका मतलब ये नहीं हुआ। इसका मतलब हकीकत में ये हुआ कि ये रिवॉल्वर तुम्हारे अधिकार में थी। तुम इस रिवॉल्वर को मेरे ऑफिस में अपने साथ लेकर आए थे, तुमने मेरी रिवॉल्वर से गोली चलाई थी और फिर गोली चलने की हड़बड़ी में ये घातक रिवॉल्वर तुमने मेरे सिर पर थोप दी थी। फिर तुम्हें अपनी बातों से फुसलाकर मुझे ये रिवॉल्वर शीला को देकर आने के लिए मजबूर किया था। आप दावे के साथ कह सकते हैं, प्रभुदयाल मेज पर पड़ी रिवॉल्वर की ओर संकेत करता हुआ बोला, कि ये रिवॉल्वर आपको सुनील ने दी थी? हाँ, गोपीनाथ दृढ़ स्वर में बोला। बुधवार को आपके ऑफिस में? हाँ। उससे पहले आपने सुनील को अपनी रिवॉल्वर दी थी जिसमें से कि उसने एक गोली चलाई थी? हाँ, उस वक्त मैं उस गोली के चलाने को एक दुर्घटना समझा था, लेकिन अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुनील ने वो गोली जानबूझकर चलाई थी ताकि गोली चलने की वजह से मची हड़बड़ी में वो रिवॉल्वरें बदल सके। इसने रिवॉल्वरों की अदला बदली इतनी होशियारी से की थी कि उस वक्त मैं उसकी शरारत को नहीं समझ सका था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि सुनील मुझे कितने बड़े स्टंट में फंसाना चाहता था। वो चाहता था कि बाद में तफ्तीश होने पर यह समझा जाए कि कत्ल के समय घातक हथियार मेरे अधिकार में था। गोपी, सुनील बोला, तुम ये कहना चाहते हो कि? तुम चुप रहो, प्रभुदयाल कहर भरे स्वर में बोला। क्यों चुप रहो? सुनील झुंझला कर बोला, तुम यहाँ गोपी को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर मेरा पुलंदा बांधने का सामान कर रहे हो और मैं चुप रहूँ? मैं इसे कोई उल्टी सीधी पट्टी नहीं पढ़ा रहा। तो फिर तुम मुझे चुप क्यों करना चाहते हो? तुम मुझे इससे बात करने से क्यों रोकना चाहते हो? तुम इससे क्या बात करना चाहते हो? मैं इससे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या? गोपी, तुम दावा कर रहे हो कि मैंने रिवॉल्वरों की अदला बदली की थी, मैंने तुम्हारे वाली रिवॉल्वर अपने पास छुपा ली थी और उसकी जगह ये रिवॉल्वर थमा दी थी जो इस वक्त तुम्हारे सामने मेज पर पड़ी है। हाँ, गोपीनाथ बोला, तुमने मुझे रिवॉल्वरों की अदला बदली करते देखा था? नहीं, देखा होता तो क्या मैं तुम्हें ऐसी हरकत करने देता? लेकिन तुमने ऐसा किया था, तब किया था जब हर किसी का ध्यान चली हुई गोली की तरफ था और कोई ये नहीं देख रहा था कि तुम क्या कर रहे थे। लेकिन अगर तुमने या किसी ने मुझे रिवॉल्वर बदलते देखा नहीं था तो तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो कि मैंने ऐसा कुछ किया था? ये तो 2 + 2 = 4 सीधा सवाल है। यानी कि तुम इस वक्त अपना ये अंदाजा बयान कर रहे हो कि हकीकतन क्या हुआ होगा, लेकिन हालात साफ जाहिर कर रहे हैं कि मेरा अंदाजा कितना सही है। बहरहाल है तो ये अंदाजा ही, अपनी आंखों से तुमने कुछ नहीं देखा ना, फिर भी हुआ यही है। तुम्हारे ख्याल से यही हुआ है? और गोपी, ये आइडिया भी कल तुम्हें मैंने ही दिया था कि तुम इसी बात पर अड़े रहना कि मैंने रिवॉल्वर बदली थी, ये हकीकत है। अपने इस ख्याल को हकीकत का दर्जा देने की कोशिश तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसी में तुम्हें अपनी बीवी की भलाई दिखाई दे रही है। मेरी बीवी को इसमें मत घसीटो,
गोपीनाथ क्रोधित स्वर में बोला। मिस्टर गोपीनाथ, प्रभुदयाल गंभीर स्वर में बोला, जरा इधर मेरी तरफ देखिए। गोपीनाथ प्रभुदयाल की तरफ घुमा। बुधवार को आपने सुनील को एक रिवॉल्वर थमाई थी। हाँ, वो रिवॉल्वर ये तो नहीं थी। प्रभुदयाल ने मेज पर पड़ी रिवॉल्वर की तरफ संकेत किया। हरगिज नहीं, आपने इसे अपनी वाली रिवॉल्वर थमाई थी। हाँ, लेकिन जब वो रिवॉल्वर भी देखने में ऐसी ही थी तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि वो रिवॉल्वर ये यानी कि घातक रिवॉल्वर नहीं थी? क्योंकि अभी आप ही ने बताया है कि मेज पर पड़ी इस रिवॉल्वर से मंगलवार रात को मनोहर लाल का खून हुआ है। ये संभव ही नहीं है कि ये वही मेरे वाली रिवॉल्वर हो जो बुधवार मैंने अपने ऑफिस में सुनील को दी थी। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि मंगलवार को मेरी रिवॉल्वर मेरे पास थी। कहाँ? मेरे ऑफिस में, मेरी मेज की दराज में। बुधवार को भी वो वहीं थी जब सुनील ने आपकी रिवॉल्वर मांगी थी, तो आपने उसे अपनी रिवॉल्वर, अपने वाली रिवॉल्वर, अपनी मेज की दराज में से निकाल कर दी थी। हाँ, फिर सुनील ने उसमें से एक गोली चला दी थी और फिर रिवॉल्वर आपको वापस सौंप दी थी। वही रिवॉल्वर नहीं, और कोई रिवॉल्वर। लेकिन तुमने अपनी आंखों से मुझे रिवॉल्वरें बदलते नहीं देखा था, सुनील बोला। हर चीज अपनी आंखों से ही देखनी जरूरी नहीं होती, गोपीनाथ तीखे स्वर में बोला। अच्छा, मैंने चंद्रमा पर रॉकेट उतरते अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसा हुआ है। ये मिसाल यहाँ लागू नहीं होती गोपी। चंद्रमा पर रॉकेट उतरता तुमने नहीं देखा, लेकिन औरों ने तो देखा था। उन्होंने तो देखा था जिन्होंने रॉकेट चंद्रमा पर उतारा था, लेकिन मुझे रिवॉल्वरों की अदला बदली करते किसी ने नहीं देखा था, ना तुमने ना तुम्हारे ऑफिस के स्टाफ ने। लेकिन रिवॉल्वर तुमने बदली थी। छोड़ो, अभी तुमने इंस्पेक्टर साहब को बताया कि मंगलवार को तुम्हारी वाली रिवॉल्वर तुम्हारे पास थी, राइट? हाँ। हर्षण, हाँ, तुम मंगलवार को कभी भी अपने ऑफिस से उठकर कहीं नहीं गए थे? मैं लंच के लिए बाहर गया था। तब रिवॉल्वर तुम अपने साथ लेकर गए थे? नहीं, तब रिवॉल्वर मेरी दराज में थी। अपनी मेज की दराजों को ताला लगाते हो तुम? नहीं, फिर भी दावा करते हो कि रिवॉल्वर मंगलवार को हर्षण तुम्हारे अधिकार में थी? हाँ। मंगलवार की शाम को तुम कहाँ थे? होटल शाहजहां में। वहां मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में किसी से मिलने गया था। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका था। वहां तुम रिवॉल्वर साथ लेकर गए थे? नहीं, तब भी वो मेरी मेज की दराज में थी। यानी कि तुम्हारी रिवॉल्वर सारी रात मेज के खुले दराज में पड़ी रही? नहीं, होटल शाहजहां से लौटती बार मैं अपने ऑफिस में गया था और वहां से रिवॉल्वर निकाल लाया था। तुम घर कितने बजे पहुंचे थे? 9:30 या 10 बजे के करीब। उस वक्त रिवॉल्वर कहाँ थी? मेरे पास, मेरे कोट की जेब में। यहाँ आकर तुमने जब कपड़े उतारे होंगे तो रिवॉल्वर कोट की जेब में ही रह गई होगी। नहीं, कपड़े उतारने से पहले मैंने रिवॉल्वर को जेब से निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। अगली सुबह जब तुम अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए थे तो उस वक्त रिवॉल्वर ड्रेसिंग टेबल पर मौजूद थी? हाँ, उसने और कहाँ जाना था? तुम उसे वहाँ से उठाकर अपने ऑफिस में अपने साथ ले गए थे? गोपीनाथ खामोश हो गया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। प्रभुदयाल बड़ी गौर से उसके एक एक एक्शन को नोट कर रहा था। जवाब दीजिए, प्रभुदयाल बोला। दरअसल, गोपीनाथ दबे स्वर में बोला, जब मैं ऑफिस को रवाना हुआ था तो रिवॉल्वर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी रह गई थी। मैं उसे वहां से उठाकर अपने साथ ले जाना भूल गया था। आई सी, सुनील बोला। लेकिन जब मैं तुम्हारे पास आया था तब तो रिवॉल्वर तुम्हारी मेज की दराज में थी। वो क्या कोई और रिवॉल्वर थी? नहीं, गोपीनाथ रूखे स्वर में बोला, वो वही रिवॉल्वर थी। तो फिर वो तुम्हारे पास कैसे पहुंची? मेरी बीवी ने मुझे फोन करके बताया था कि मैं अपनी रिवॉल्वर लेके जाना भूल गया था। मैंने उसे कहा था कि वो रिवॉल्वर मुझे ऑफिस में दे जाए। वो दे गई थी। यानी कि तुम्हारी रिवॉल्वर सारी रात उपेक्षित सी तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल की मेज पर पड़ी रही। सुबह तुम उसको वहीं भूल आए, फिर वो रिवॉल्वर तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे ऑफिस में आकर तुम्हें दी। इसके बावजूद भी तुम कहते हो कि वो रिवॉल्वर हर क्षण तुम्हारे अधिकार में थी? अगर किसी वक्त रिवॉल्वर मेरे अधिकार में नहीं थी तो मुझे मालूम था कि वो कहाँ थी। कैसे मालूम था? तुम्हारी गैरहाजिरी में तुम्हारी रिवॉल्वर के साथ क्या भी थी ये तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है? ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऑफिस में जो रिवॉल्वर तुम्हें देकर गई थी उसी से कत्ल हुआ हो, और वही रिवॉल्वर, मर्डर वेपन, घातक रिवॉल्वर तुमने मुझे सौंप दी हो। गोपीनाथ का चेहरा कानों तक लाल हो गया। वो एकाएक उछल कर खड़ा हो गया। उसकी मुठ्ठियाँ भीज गई। वो कहर भरे स्वर में बोला, क्या मतलब? तुम मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि? मैं किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, सुनील शांति से बोला। मैंने सिर्फ अपना अंदाज़ा जाहिर किया है। अगर तुम्हारा अंदाज़ा चल सकता है तो मेरा अंदाज़ा क्यों नहीं चल सकता? अगर मेरे इस अंदाजे से तुम्हें ऐसी मिर्चें लगी हैं तो समझ लो कि तुम्हारे अंदाजे से मुझे भी ऐसी ही मिर्चें लगी होंगी। मेरी बीवी ने रिवॉल्वरें बदली हों ये नामुमकिन है,
गोपीनाथ गरज कर बोला, तो फिर यह भी नामुमकिन है कि मैंने रिवॉल्वरें बदली हों। तुम्हारी बीवी कोई दूध की थुड़ी नहीं और मैं भी कोई चोर नहीं। जो गज तुम अपनी बीवी की किसी करतूत को नापने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, उसे ही तुम्हें मेरी भी किसी हरकत को नापने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। सुनील, गोपीनाथ सांप की तरह फुफकारा, आई विल किल यू, बाई गॉड आई विल किल यू। इंस्पेक्टर साहब, सुनील बोला, आप गवाह हैं कि यह आदमी मुझे कत्ल की धमकी दे रहा है। अगर निकट भविष्य में मेरा कत्ल हो जाए तो उसके लिए इसे ही जिम्मेदार ठहराया जाए। गेट आउट, गोपीनाथ दहाड़ा। वॉट डू यू मीन, सुनील हड़बड़ाकर बोला। गेट आउट ऑफ माई हाउस। बट दिस इज नॉट योर हाउस, दिस इज योर फादर्स हाउस एंड इट नेवर ऑब्जेक्ट्स टू माई प्रेजेंस हियर। ही विल नाउ, वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी रीच इट। यू, मिस्टर गोपीनाथ, प्रभुदयाल बीच में बोल पड़ा, आप जरा मेरी सुनिए। गोपीनाथ प्रभुदयाल की तरफ घूमा, बैठ जाइए। गोपीनाथ खड़ा रहा, हम यहाँ आपके मेहमान हैं, हम बैठे रहें और आप खड़े रहें ये हमें शोभा नहीं देता। अगर आप नहीं बैठना चाहते तो हम भी उठकर खड़े हो जाते हैं। गोपीनाथ धम से सोफे पर बैठ गया। आपकी बीवी घर में है? हाँ, जरा बुलाइए उन्हें। क्या? गोपीनाथ फिर उछलकर खड़ा हो गया। मैंने अर्ज किया है जरा अपनी मिसेज को बुलाइए। किस लिए? मैं उनसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। कैसे सवाल? रिवॉल्वर के बारे में चंद सवाल। मैं ये जरूरी नहीं समझता। मैं समझता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं आपके आईजी से बात कर चुका हूँ। आईजी साहब ने मुझसे वादा किया है कि मेरी बीवी को मनोहर लाल के कत्ल के मामले में नहीं घसीटा जाएगा। मैं आपकी बीवी को कत्ल के मामले में नहीं घसीट रहा। मैं उनसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ और वो भी आपकी मौजूदगी में। आप जरा बुलाइए उन्हें। सॉरी। क्या सॉरी? मैं अपनी बीवी से कोई सवाल पूछे जाने की जरूरत नहीं समझता। आईजी साहब ने मुझसे वादा किया है कि प्रभुदयाल एकाएक हत्या से उखड़ गया। वो गरज कर बोला तो पहली बार उसके स्वर में एक पुराने पुलिसी जैसी बानगी की झलक दिखाई दी। मुझे बार बार ये मत सुनाइए कि आईजी साहब ने आपसे क्या वादा किया है। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई वादा आपसे आईजी साहब ने किया है या खुद गृह मंत्री ने। मैं आपसे एक बड़ी मामूली दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप मुझे यहाँ अपनी कोठी में अपने सामने अपनी धर्मपत्नी से चंद सवाल पूछने का मौका दीजिए। आपको इस वक्त यहाँ मेरी दरख्वास्त ना कबूल करने का अख्तियार है। मैं आपका इनकार सुनकर यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन अपने ऑफिस में पहुँचते ही मैं आपकी बीवी को हेडक्वार्टर में पकड़ मंगवाऊँगा। फिर आप भी हथेली लगा लीजिएगा और आईजी साहब से भी लगवा लीजिएगा। गोपीनाथ के चेहरे ने कई रंग बदले। अब एक पब्लिक सर्वेंट का वक्त खराब मत कीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, आप अपनी बीवी को बुलवा रहे हैं या नहीं? व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? सबकी गर्दनें एक साथ भीतरी दरवाजे की तरफ घूमी। दरवाजे पर एक अनित्य सुंदरी खड़ी थी। आपकी तारीफ, प्रभुदयाल बोला। मैं इनकी, उसने गोपीनाथ की तरफ संकेत किया, पत्नी हूँ, उर्मिला। मेरा नाम इंस्पेक्टर प्रभुदयाल है। मैं मनोहर लाल नाम के एक आदमी के कत्ल की तफ्तीश कर रहा हूँ। मैं आपसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज? कत्ल से ताल्लुक रखने वाले सवाल? वे सवाल कत्ल से ताल्लुक रखते हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आपके पति को एतराज़ है। इन्हें भी कोई एतराज़ नहीं, वो मधुर स्वर में बोली। क्यों गोपी? गोपी तान पीछे खामोश बैठा रहा। उर्मिला हौले हौले चलती हुई अपने पति के समीप पहुंची और आकर अपने पति की बगल में बैठ गई। उसने धीरे से गोपीनाथ के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। फिर उसने एक सरसरी निगाह सुनील पर डाली और पूछा, आप भी पुलिस ऑफिसर हैं? जी नहीं, सुनील तनिक सिर नवाकर बोला। बंदे को सुनील कहते हैं। मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ और आपके ससुर साहब का दोस्त हूँ। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं आपके पति का भी दोस्त था, लेकिन शायद अब नहीं रहा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पति आपको गेट आउट कह रहे थे? जी हाँ, बदकिस्मती से ये हुक्म मेरे लिए ही हुआ था। उर्मिला ने शिकायत भरी निगाहों से अपने पति की तरफ देखा। गोपीनाथ ने मुंह फेर लिया। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझसे? उर्मिला ने प्रभुदयाल से पूछा। आपके सामने मेज पर एक रिवॉल्वर पड़ी है, प्रभुदयाल बोला। आपने ये रिवॉल्वर पहले कभी देखी है? मैंने ऐसी एक रिवॉल्वर हाल ही में देखी थी, लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकती कि वो यही थी। दरअसल ऐसी चीज़ों की मुझे कोई खास पहचान नहीं। ऐसी रिवॉल्वर आपने कब देखी थी, कहाँ देखी थी? ऐसी रिवॉल्वर मैंने मंगलवार रात को अपने पति के पास देखी थी। इन्होंने मेरे सामने उसे अपनी कोट की जेब से निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। मंगलवार रात को तकरीबन कितने बजे? 10:30 बजे। फिर बुधवार सुबह भी आपने ये रिवॉल्वर देखी थी? हाँ, वो वहीं ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी थी। ये ऑफिस जाते वक्त रिवॉल्वर साथ ले जाना भूल गए थे। मैंने इनको फ़ोन करके इन्हीं रिवॉल्वर के बारे में बताया था। इन्होंने कहा कि रिवॉल्वर मैं इन्हें ऑफिस में दे आऊँ। मैं दे आई। आपने रिवॉल्वर अपने पति के जाने के बाद देखी थी? हाँ। पहले क्यों नहीं?
क्योंकि मैं अपने पति के जाने के बाद ही सोकर उठी थी। आप इतनी देर बाद सोकर उठती हैं इंस्पेक्टर साहब, वो मधुर स्वर में बोली। आप विवाहित हैं? जी हाँ, प्रभुदयाल हड़बड़ाकर बोला। बाल बच्चेदार हूँ। जब आपकी नई नई शादी हुई थी कुछ याद है आपको उन दिनों की? आपकी बीवी कितने बजे सोकर उठा करती थी? प्रभुदयाल का चेहरा कानों तक लाल हो गया। सुनील बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा सपाट रख पाया। आपने कितने बजे रिवॉल्वर अपने पति के ऑफिस में पहुंचा दी थी? प्रभुदयाल ने नया सवाल किया। यही कोई 11 बजे। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि वो रिवॉल्वर ये थी जो आपके सामने मेज पर पड़ी है या कोई और थी? मुझे नहीं मालूम, मुझे तो पिस्तौल तमंचों से वैसे ही बड़ा डर लगता है। जो रिवॉल्वर आपने अपने पति के ऑफिस में पहुंचाई थी उसमें कोई खाली कारतूस था? मुझे नहीं मालूम, मैंने रिवॉल्वर को खोल के नहीं देखा था। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मंगलवार रात को मेरे पति ने अपनी कोट की जेब में से एक रिवॉल्वर निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। फिर बुधवार की सुबह को मैंने वही या वैसी रिवॉल्वर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी देखी थी। फिर अपने पति के निर्देश पर ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी रिवॉल्वर उठाकर मैं उसे अपने पति के ऑफिस में पहुंचा आई थी। मंगलवार रात 10:30 बजे से लेकर बुधवार सुबह तक कोई तीसरा शख्स आपके बेडरूम में आया था? वो हंसी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन प्रभुदयाल पहले ही बोल पड़ा, यानी कि नहीं आया था। उर्मिला ने इंकार में सिर हिलाया। सुनील फिर मुस्कुराया। वह समझ गया था कि उर्मिला फिर प्रभुदयाल की उसकी नई नई शादी की याद दिलाने लगी थी। प्रभुदयाल खामोश हो गया। सुनील ने खंकार कर गला साफ किया और बोला, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? नहीं, उत्तर गोपीनाथ ने दिया, तुम मेरी बीवी से कोई सवाल नहीं पूछ सकते। ओ डार्लिंग, उर्मिला उसका हाथ दबाती हुई बोली, डोंट बी लाइक दैट। ये तुमसे जरूर कोई बेहुदा सवाल पूछेगा। मुझे उम्मीद नहीं, मिस्टर सुनील मुझे भले आदमी लगते हैं। गोपीनाथ खामोश हो गया लेकिन उसके चेहरे से असंतोष के भाव नहीं गए। आप क्या पूछना चाहते हैं मिस्टर सुनील? वो बोली। मंगलवार रात को आप कहाँ थी? सुनील ने पूछा। देखा, गोपीनाथ अपनी बीवी से बोला। इट्स ऑल राइट डार्लिंग, उर्मिला बोली। फिर उसने सुनील के प्रश्न का उत्तर दिया, मैं यहीं थी। ये कोठी तो बहुत बड़ी है, सुनील बोला। इस कोठी में कहाँ? पहली मंजिल पर अपने बेडरूम में। हर्षण? हाँ। आपको मालूम है आपके पति ने मंगलवार रात को 2 बार आपको फ़ोन किया था? मेरे पति ने मुझे ऐसा कहा था। फ़ोन बेडरूम में है? हाँ। उसका पैरेलल कनेक्शन कोठी में कहीं और भी है? नहीं। आपके सामने फ़ोन की घंटी बजी थी? हाँ, 2 बार बजी थी। फिर भी आपने फ़ोन नहीं उठाया था? नहीं उठाया था। वजह? क्योंकि मेरे पति ने मुझे बताया था कि वो एक ऐसा नंबर था जो डायरेक्टरी में अनुसूचित नहीं था। वो फ़ोन इन्होंने खास तौर से बेडरूम में सिर्फ मेरे से बात करने के लिए लगवाया था। जब घंटी बजी तो मैं समझ गई थी कि ये फ़ोन उन्हीं का होगा, इसलिए मैंने जानबूझकर फ़ोन नहीं उठाया था। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं इनसे खफा थी। मुझे तो इसी बात से एतराज़ था कि मेरे पति शादी के फ़ौरन बाद मुझे राजनगर में लाते ही दफ्तर के पचड़ों में पड़ गए थे। ऊपर से शाम को घर आने के स्थान पर ये फिर अपने बिजनेस के चक्कर में रात को कहीं चल दिए। गुस्से से जानबूझकर मैंने फ़ोन नहीं उठाया। वापस आकर इन्होंने मुझसे फ़ोन के बारे में पूछा था तो मैंने गुस्से में कह दिया था कि यहाँ कोई फ़ोन वोन नहीं आया। या तो मेरी आँख लग गई थी जिसकी वजह से मुझे घंटी सुनाई नहीं दी थी, और या फिर गलत नंबर मिल गया था। इन्हें आपकी बात पर विश्वास हो गया? सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर मर्द हैं ये, मर्द कहीं औरतों की बात पर विश्वास करते हैं? ये तो समझ रहे थे कि इनकी गैरहाजिरी में मैं अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई थी। उर्मिला, गोपीनाथ नाराजगी भरे स्वर में बोला, तो फिर तुमने मुझसे ये क्यों पूछा था कि मैं कहाँ गई थी? गोपीनाथ ने बेचैनी से पहलू बदला। वो मुंह से कुछ ना बोला। आप और कुछ पूछना चाहते हैं? उर्मिला सुनील से बोली। वैसे ये हो तो सकता है ना, सुनील बोला, कि जो रिवॉल्वर आप ड्रेसिंग टेबल से उठाकर अपने पति को देकर आई थी उसमें एक खाली कारतूस मौजूद रहा हो। ऐसी सूरत में उसी रिवॉल्वर में से आप द्वारा गोली चल चुकने के बाद उसमें 2 खाली कारतूस होने चाहिए थे, बशर्ते कि जो रिवॉल्वर गोपीनाथ ने मुझे थमाई थी वो वही रही हो जो आप उसके पास पहुंचाकर आई थी। वो तो ज़रूर वही होगी, गोपीनाथ के पास 2 रिवॉल्वरें तो हो ही नहीं सकती थी। सुनील खामोश हो गया। इंस्पेक्टर, गोपीनाथ उत्तेजित स्वर में बोला, इससे और भी साबित होता है कि सुनील ने रिवॉल्वरों में हेराफेरी की थी। मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि गोली इसने मेरी ही रिवॉल्वर से चलाई थी, फिर इसने वो दूसरी रिवॉल्वर मेरे सिर पर थोप दी थी जिसमें कि एक खाली कारतूस था। अगर ये कहता है कि मेरी रिवॉल्वर में एक खाली कारतूस था तो उसी रिवॉल्वर में से इसके द्वारा चला चुकने के बाद उस रिवॉल्वर में 2 खाली कारतूस होने चाहिए थे। वो मेरे वाली रिवॉल्वर इसने कहीं गायब की है, इससे पूछिए वो रिवॉल्वर कहाँ है।
ये क्यों नहीं हो सकता? सुनील बोला कि तुम्हारी बीवी ने खाली कारतूस की जगह नई गोली भरकर रिवॉल्वर तुम्हें सौंपी हो। उर्मिला के पास नई गोली कहां से आई? गोपीनाथ गुस्से से बोला। जहां से रिवॉल्वर आई। क्या खुद तुमने कबूल नहीं किया था कि तुम्हारे ऑफिस की चाबी तुम्हारी बीवी के पास भी है? ओ माई गॉड, गोपीनाथ असह्य भाव से बोला। उसने दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। मिस्टर सुनील, उर्मिला बोली, आप ये कहना चाहते हैं कि मंगलवार रात को मैंने अपने पति के ऑफिस में जाकर इनकी रिवॉल्वर निकाली, उससे मनमोहन का खून किया, खाली कारतूस की जगह गोली भरी और रिवॉल्वर वापस अपने पति के ऑफिस में रखाई? आपने ऐसा किया था? सुनील ने सहज भाव से पूछा। हरगिज नहीं। ओके, आई टेक योर वर्ड फॉर इट, थैंक यू। लेकिन ट्रेजेडी ये है मैडम कि जितनी आसानी से मैंने आपकी बात पर विश्वास कर लिया, उतनी आसानी से मेरी बात पर विश्वास करने को कोई तैयार नहीं है। कोई कुछ ना बोला। मिस्टर गोपीनाथ, थोड़ी देर बाद प्रभुदयाल बोला, आपको मालूम है कि आपके ऑफिस में सुनील ने जो गोली चलाई थी वो वहां की एक खिड़की की चौखट में धस गई थी। मालूम है, गोपीनाथ बोला। उस घटना की खबर लगने के बाद जब मैं आपके ऑफिस में पहुंचा था तो उस गोली को मैंने चौखट में से गायब पाया था। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, आप उसका सीधा जवाब दीजिए। क्या वो गोली चौखट में से आपने निकाली थी? नहीं, गोपीनाथ आवेशपूर्ण स्वर में बोला, हरगिज नहीं। आपको मालूम है कि वो गोली वहां से किसने निकाली थी? नहीं। कोई अंदाजा? किसकी दिलचस्पी उस गोली को वहां से गायब करने में हो सकती थी? गोपीनाथ ने मुंह से उत्तर नहीं दिया। उसने आग्नेय नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। गोपी, सुनील कठिन स्वर में बोला, तुम ये कहना चाहते हो कि? नेवर माइंड पर्सनैलिटीज, प्रभुदयाल बीच में बोल पड़ा। फिर एकाएक वो उठ खड़ा हुआ और बोला, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द नाइस कॉपरेशन शोन टू द पुलिस। उर्मिला मुस्कुराई। गोपीनाथ खामोश बैठा रहा। आओ, प्रभुदयाल सुनील से बोला। उसने मेज पर पड़ी रिवॉल्वर उठा ली। सुनील उसके साथ हो लिया। दोनों इमारत से बाहर निकले। सुनील, बाहर आकर प्रभुदयाल बोला, सच सच बताओ, तुमने रिवॉल्वरों में कोई हेरफेर की थी? प्रभु, सुनील बड़ी संजीदगी से बोला, मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने रिवॉल्वरों में कोई हेराफेरी नहीं की थी। अगर मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर लूं तो मुझे गोपीनाथ की बीवी को हत्यारी मानना पड़ेगा। फिर मुझे ये भी मानना पड़ेगा कि शीला ज्ञानचंदानी हत्यारी नहीं है। शीला खुद क्या कहती है? पहले तो वो कुछ कहती थी, लेकिन अब तो वो जुबान खोलकर राजी नहीं। अब तो वो कहती है कि वो अपने बचाव के लिए ना कुछ करना चाहती है और ना कुछ कराना चाहती है। वो कहती है कि अगर हम लोग उसे हत्यारी साबित कर सकते हैं तो हम बेशक उसे फांसी पर चढ़ा दें। अब तो यही उसका पहला और आखिरी जवाब है। अब वो कोई भी कैसा भी बयान देने से सरासर इनकार कर रही है। अब तो वो ये भी नहीं कहना चाहती कि वो बेगुनाह है। कमाल है। रिपोर्टर साहब, मेरी समस्या ये है कि मेरे पास उर्मिला के खिलाफ कुछ नहीं, लेकिन शीला ज्ञानचंदानी के खिलाफ मेरे पास बहुत कुछ है। मैं कत्ल के समय घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी निर्विवाद रूप से साबित कर सकता हूँ। फिर मर्डर वेपन मैंने उसके फ्लैट से बरामद किया है। फिर कन्हैयालाल सजनानी ने जो कुछ किया है उससे भी साफ लगता है कि वो शीला को हत्यारा समझता था। खुद तुमने चोरों की तरह होटल से भाग निकलने में उसकी मदद की थी। और इस बात से इनकार मत करना कि शीला को हत्या की रात को होटल के पिछवाड़े से तुमने लिफ्ट दी थी, क्योंकि मैं अभी तुम्हारा आमना सामना उस आदमी से करवाने जा रहा हूं जो तुम्हारी करतूत का चश्मदीद गवाह है। जरूरत नहीं, मैं अपना ये अपराध कबूल करता हूं कि मैंने सेसिल होटल के पिछवाड़े से शीला को लिफ्ट दी थी। तुम्हारे चश्मदीद गवाह ने जो देखा था ठीक देखा था। प्रभुदयाल ने हैरानी से सुनील की ओर देखा। जानते हो, क्वेश्चन बाद वो बोला, अगर शीला ज्ञानचंदानी पर हत्या का अपराध साबित हो गया तो अपराध में उसकी मदद करने के इल्जाम में तुम भी नप जाओगे। अगर शीला का कोई अपराध साबित हो गया तभी तो? वो तो होगा ही, देखते हैं। सुनील, एक ना एक दिन तुम जरूर जेल जाओगे। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जो होगा देखा जाएगा। सुनील, सच बताओ, तुमने गोपीनाथ के ऑफिस में खिड़की की चौखट में से गोली निकाली थी? नहीं, बाय गॉड नहीं। तुम्हें मालूम है गोली किसने निकाली है? नहीं, लेकिन उस गोली को वहां से निकालने की सबसे ज्यादा सुविधा गोपीनाथ को ही थी। अपनी बीवी के बचाव की खातिर उसने गोली वहां से निकाल कर गायब कर दी हो, इस बात की पूरी संभावना है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो गोली वहां से बेटे ने नहीं, बाप ने निकाली हो। शीला को बचाने की खातिर कन्हैयालाल सजनानी पहले ही बहुत कुछ कर चुका है। जैसे गोपीनाथ अपनी बीवी की खातिर ये गोली चौखट से निकाल कर गायब कर सकता है, वैसे उसका बाप भी तो शीला की खातिर ऐसा कर सकता है। मुझे मालूम हुआ है कि अपने बेटे के ऑफिस की चाबी उसके पास भी थी। तुम ठीक कह रहे हो, सुनील को स्वीकार करना पड़ा। मैं अभी कन्हैयालाल सजनानी को तलाश करके उससे उस चौखट वाली गोली के बारे में पूछता हूँ। जरूर पूछो।
सुनील, फिलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी के तौर पर कह रहा हूँ, कहीं गायब मत हो जाना। अरे मैंने कहाँ जाना है इंस्पेक्टर साहब, मैं तो हाजिर ही हूँ, मेरा तो जीना मरना इसी शहर में है। गुड, जाने से पहले एक बात बताते जाओ। क्या? तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि हत्या की रात को मैं भी मनोहर लाल से मिलने उसके स्वीट में गया था? मनोहर लाल के स्वीट में टेलीफोन के पास रखे पैड पर मैंने तुम्हारा नाम लिखा पाया था। फिर बाद में मुझे नागपाल से मालूम हुआ कि जिस आदमी ने घटनास्थल के समीप शीला को लिफ्ट दी थी उसकी गाड़ी पर ब्लास्ट का नाम लिखा था। इन दोनों बातों से जो नतीजा मैंने निकाला वो 2+2=4 जैसा आसान था। ओह, सुनील चिंतित स्वर में बोला। फिर प्रभुदयाल अपनी जीप पर सवार हुआ और वहां से विदा हो गया। सुनील ने रमाकांत की इम्पाला को मैजेस्टिक सर्कल पर कन्हैयालाल सजनानी के ऑफिस के सामने ले जाकर खड़ा किया। ये देखकर उसे बड़ा संतोष हुआ कि पुलिस की जीप वहां दिखाई नहीं दे रही थी। उसे भय था कि सजनानी की तलाश में प्रभुदयाल कहीं वहीं ना आया हो। यहां का रुख करने से पहले उसने ब्लास्ट के ऑफिस में फोन किया था तो रेणु ने बताया था कि मनोरमा का 2-3 बार फोन आ चुका था और उसने सुनील के लिए संदेशा छोड़ा था कि वो फौरन सजनानी के ऑफिस में पहुंचे। सुनील ऑफिस में पहुंचा। मनोरमा उसे देखते ही शांति की लंबी सांस लेकर बोली, ओ सुनील, शुक्र है तुम आ गए। क्या बात हो गई है? सुनील बोला, तुम तो बहुत घबराई हुई लग रही हो। बड़ी भयंकर बात हो गई है सुनील, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे ना तुम मिल रहे थे न सजनानी साहब। सजनानी यहाँ नहीं है? नहीं। हुआ क्या है? सुनील ये देखो। उसने अपनी मेज की दराज में से एक तौलिया निकालकर सुनील के सामने रख दिया। सुनील ने देखा कि उस तौलिये पर सेसिल होटल का नाम कढ़ा हुआ था और उस पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। ये तौलिया कहाँ से मिला तुम्हें? सुनील तीखे स्वर में बोला। उस सामने वाली फाइलिंग कैबिनेट में से, मनोरमा बोली। मैंने कुछ पुरानी फाइलों की तलाश में वो कैबिनेट खोली थी तो फाइलों के पीछे से ये तौलिया निकल आया था। ओह, सुनील वो तौलिया जरूर सजनानी साहब ने वहां छुपाया था। ये पुरानी फाइलों की कैबिनेट है जो अक्सर खोली नहीं जाती। उन्होंने जरूर वक्ती तौर पर तौलिया वहां छुपाया होगा, लेकिन बाद में वे इसे यहां से निकालकर कहीं फेंक देना भूल गए होंगे। हे भगवान, सुनील ये क्या गोरख धंधा है, कहीं सजनानी साहब ने तो खून नहीं किया। सुनील सोच में पड़ गया। जेल में बेचारी सीला पड़ी है, मनोरमा फिर बोली, और खून तो लगता है कि सजनानी साहब ने। तभी दरवाजा खुला और इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने भीतर कदम रखा। सबसे पहले उसने हैरानी से सुनील की तरफ देखा, फिर उसकी निगाह सुनील और मनोरमा के बीच में इस पर पड़े तौलिये पर पड़ी। उसके चेहरे के भावों में तुरंत परिवर्तन आया। उसने झपट कर तौलिया उठा लिया। उसने कुछ क्षण तौलिये का मुआयना किया और फिर बोला, ये तौलिया यहाँ कहाँ से आ गया? मनोरमा ने पुरानी फाइलों की कैबिनेट की तरफ संकेत कर दिया। इशारे मत करो, मुंह से बोलो, प्रभुदयाल डपट कर बोला। तौलिया उस फाइलिंग कैबिनेट में था, मनोरमा हकलाती हुई बोली, कैबिनेट में कैसे पहुंच गया ये? इसे क्या मालूम, सुनील बोला। तुम चुप रहो। मुझे कुछ नहीं मालूम, मनोरमा घबराए हुए स्वर में बोली। मैंने तो ये कैबिनेट खोली थी तो तौलिया भीतर पड़ा पाया था। कैबिनेट में तौलिया किसने रखा? मुझे नहीं मालूम। सजनानी साहब कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। आज वे आए थे यहाँ? नहीं। कहीं से फोन आया था उनका? नहीं। अच्छी सेक्रेटरी हो तुम, साहब की खबर नहीं रख सकती कि वो कहाँ हैं? मैं उनकी रेगुलर सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बुधवार से यहाँ आ रही हूँ। सजनानी की रेगुलर सेक्रेटरी कहाँ गई? सजनानी ने मंगलवार रात को उसे नौकरी से निकाल दिया था, सुनील ने बताया, ताकि उसकी करतूत की कोई शहादत ना रहे, प्रभुदयाल बोला। क्या मतलब? इस तौलिये की यहाँ बरामदी साफ जाहिर कर रही है कि कत्ल सजनानी ने किया था। क्या नाम था उस सेक्रेटरी का? मंगला, सुनील बोला। मंगला, वही जो बुधवार तक तुम्हारे साथ थी जब तुम एक टैक्सी पर सवार होकर ब्लास्ट के ऑफिस तक पहुंचे थे, जिसे तुम अपनी गर्लफ्रेंड बता रहे थे और जो तुम्हें उतार कर उसी टैक्सी पर वहां से चली गई थी? वही। तुमने मुझे उसका पता भी बताया था। क्या पता था उसका? 14 कमर्शियल स्ट्रीट। और तुम्हारा क्या नाम है? प्रभुदयाल मनोरमा की तरफ आकर्षित हुआ। मनोरमा, मनोरमा बोली। अगर सजनानी यहाँ आए या उसका फोन आए तो उसे कह देना कि वो फौरन पुलिस हेडक्वार्टर इंस्पेक्टर प्रभुदयाल के पास पहुंचे। लेकिन मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। प्रभुदयाल ने घड़ी पर दृष्टिपात किया और फिर बोला, खैर कोई बात नहीं, कोई बड़ा सा लिफाफा है यहाँ? मनोरमा ने एक 10x12 इंच का आकार का लिफाफा उसे थमा दिया। प्रभुदयाल ने तौलिया लिफाफे में डाल लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। फिर वो ठिठका और सुनील की तरफ घुमा। और तुम कोई शरारत करने की कोशिश मत करना रिपोर्टर साहब, वरना मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। कैसी शरारत? सुनील हड़बड़ाकर बोला। तुमने कहा था मंगला तुम्हारी गर्लफ्रेंड है,
मेरे से पहले उसे घर पहुंचकर तुम उसे आगाह करने की कोशिश मत करना कि मैं उसके भूतपूर्व बॉस की करतूत के बारे में उससे पूछताछ करने जा रहा हूं। तुम्हारे पास विलायती कार है, तुम उस पर मेरी जीप से पहले कमर्शियल स्ट्रीट पहुंच सकते हो, जैसे कि तुम यहां मुझसे पहले पहुंच गए थे। मैं इन मौके पर यहां ना आ गया होता तो तुमने जरूर ये तौलिया गायब कर देना था। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं। सुनील, कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मेरे से पहले मंगला के पास पहुंचकर उसे सजनानी के हक में कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। अगर तुम्हें मुझसे ऐसी हरकत का खतरा है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? क्या? मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगा तो तुम्हें गारंटी रहेगी कि ना मैंने मंगला को कोई पट्टी पढ़ाई है और ना मैंने सजनानी को उसके सिर पर मंडराते खतरे से आगाह किया है। प्रभुदयाल को वो बात जच गई। चलो, वो निर्णयात्मक स्वर में बोला। सुनील तुरंत उसके साथ हो लिया। वो सड़क पर आकर प्रभुदयाल के साथ पुलिस की जीप में सवार हो गया। कमर्शियल स्ट्रीट चलो, प्रभुदयाल ने ड्राइविंग सीट पर बैठे हवलदार को आदेश दिया। जीप तुरंत आगे बढ़ी। अब मेरी समझ में आ रहा है, प्रभुदयाल बोला, कि शीला ज्ञानचंदानी अपनी जुबान क्यों नहीं खोलना चाहती, उसे कोई बयान देने से इंकार क्यों है? क्यों है? सुनील ने बड़ी मासूमियत से पूछा। अब तो साफ जाहिर हो रहा है कि कत्ल सजनानी ने किया। सजनानी का क्योंकि शीला से इश्क प्यार का रिश्ता है, इसलिए शीला अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालना चाहती जिसकी वजह से सजनानी फंस सकता हो। सजनानी ने शीला को जो रिवॉल्वर दी थी उसे शीला ने जरूर खोलकर देखा होगा। उसने रिवॉल्वर में एक खाली कारतूस देखा होगा तो वो फौरन समझ गई होगी कि मनोहर लाल का खून सजनानी ने किया था। फिर इस थ्योरी के मुताबिक मैं ये भी मान सकता हूँ कि गोपीनाथ के ऑफिस में तुमने रिवॉल्वरों की अदला बदली नहीं की थी। गोपीनाथ ने तुम्हें अपनी रिवॉल्वर थमाई थी, तुमने उसमें से एक गोली चलाई थी और रिवॉल्वर वापस गोपीनाथ को थमा दी थी। फिर वही रिवॉल्वर गोपीनाथ तुम्हारे साथ शीला के फ्लैट पर जाकर उसे सौंप आया था। शीला के पास पिता वाली रिवॉल्वर पहले से ही मौजूद थी। पिता को बचाने की खातिर उसने बेटे वाली रिवॉल्वर ये पिता वाली रिवॉल्वर से बदल दी। उसने गोपी की रिवॉल्वर छुपा ली और उसके स्थान पर मेज पर सजनानी वाली रिवॉल्वर रख दी जिससे कि कत्ल हुआ था। सुनील, रिवॉल्वरों की अदला बदली तुमने नहीं, शीला ने की थी। उसने बड़ी चतुराई से खूनी रिवॉल्वर को गोपीनाथ द्वारा लाए रिवॉल्वर बना दिया था ताकि हम गोपीनाथ पर शक करें या उसकी बीवी पर शक करें, जैसा कि हमने किया था। प्रभुदयाल एक क्षण रुका और फिर बोला, मेरी गलती ये थी कि मैं शीला के फ्लैट पर गया। मैंने वहां मेज पर रखी एक रिवॉल्वर देखी। मैंने उसकी नाल सूंघी तो पाया कि वो हाल ही में चलाई गई थी। मैंने चैम्बर में खाली कारतूस भी पाया। मैंने रिवॉल्वर को अपने अधिकार में किया और तलाश बंद कर दी। अगर उस वक्त मुझे मालूम होता कि इस केस में वैसी एक नहीं तीन तीन रिवॉल्वरों का दखल था तो मैं अपनी तलाश उस रिवॉल्वर के अनायास मिल जाने पर बंद ना कर देता। मैं फ्लैट की मुकम्मल तलाशी लेता तो वहां से एक और रिवॉल्वर जरूर बरामद होती। फिर केस इतना पेचीदा ना बन पाता जितना कि ये इस वक्त बना हुआ है। सुनील ने बड़ी गंभीरता से हुंकार भरी। मुझे ये भी सोचना चाहिए था कि सजनानी के तीन रिवॉल्वरों में से एक रिवॉल्वर गायब है। कत्ल की रात को सजनानी ने शीला को एक रिवॉल्वर दी थी। उससे अगले रोज उसके लड़के गोपीनाथ ने भी एक रिवॉल्वर शीला को दी थी, लेकिन हमने शीला के फ्लैट की तलाशी में सिर्फ एक रिवॉल्वर बरामद की थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरी रिवॉल्वर कहाँ गई? पुलिस शीला के फ्लैट पर दोबारा नहीं गई थी? हम गए थे। हमने दूसरी बार किन्हीं अन्य सूत्रों की तलाश में उसके फ्लैट की दोबारा तलाशी भी ली थी, लेकिन हमें कोई और रिवॉल्वर नहीं मिली थी। इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि तब तक दूसरी रिवॉल्वर को शीला निश्चय ही कहीं गायब कर चुकी थी। उसके पास गोपीनाथ द्वारा उसे दी गई रिवॉल्वर गायब कर देने के लिए बहुत वक्त था। सुनील, अगर तुम सच बोल रहे हो कि तुमने रिवॉल्वरों की अदला बदली नहीं की, अगर गोपीनाथ सच बोल रहा है, अगर उसकी बीवी सच बोल रही है, तो सारी शरारत शर्तिया शीला ज्ञानचंदानी ने की है। आई सी। हमें मालूम है कि सजनानी हत्या की रात को 8:15 बजे के करीब मनोहर लाल से मिला था। वहां आत्मरक्षा की खातिर सजनानी को मनोहर लाल पर गोली चलानी पड़ गई। फिर जब 8:30 बजे शीला वहां पहुंची तो शायद उसने सजनानी को वहां से कूच करते देख लिया। बाद में उसने मनोहर लाल की लाश देखी। उसके बाद में जब सजनानी ने उसे अपनी रिवॉल्वर दी तो उसने देखा कि उसमें से एक गोली चली हुई थी। वो फौरन समझ गई कि मनोहर लाल का खून सजनानी के हाथों हुआ था। फिर बाद में जब गोपीनाथ ने भी उसे अपनी रिवॉल्वर दे दी तो शीला ने सजनानी को बचाने के लिए गोपीनाथ वाली रिवॉल्वर तो गायब कर दी और सजनानी की दी रिवॉल्वर के बारे में उसने ये जाहिर किया कि वास्तव में वही रिवॉल्वर उसे गोपीनाथ ने दी थी। उसकी इस शरारत की वजह से ही गोपीनाथ की बीवी पर हमारा शक मजबूत हुआ। तभी जीप मोड़ काट कर कमर्शियल स्ट्रीट में दाखिल हुई। यानी कि अब तुम्हें गारंटी है कि कातिल सजनानी है, सुनील बोला। उसके अलावा और कोई कातिल हो ही नहीं सकता, प्रभुदयाल बोला।
ड्राइवर को बता देना 14 नंबर इमारत कौन सी है। सुनील के संकेत पर ड्राइवर ने एक इमारत के सामने जीप रोकी। फिर वह प्रभुदयाल के साथ जीप से उतरकर इमारत में दाखिल हुआ। दोनों दूसरी मंजिल पर पहुंचे। सुनील ने मंगला के फ्लैट की कॉल बेल बजाई। दरवाजा खुद मंगला ने खोला। अपने सामने एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी को खड़ा देखकर वो घबरा गई। घबराने की कोई बात नहीं मंगला, सुनील सांत्वनापूर्ण स्वर में बोला, ये इंस्पेक्टर प्रभुदयाल है, ये तुमसे सजनानी साहब के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। ओह, मंगला ने गहरी सांस ली, तशरीफ लाइए। दोनों भीतर दाखिल हुए। भीतर ड्राइंग रूम में वे एक सोफे पर बैठ गए। मंगला उनके सामने बैठ गई। आप कन्हैयालाल सजनानी की प्राइवेट सेक्रेटरी थी, प्रभुदयाल ने सवाल किया। जी हाँ, मंगला बोली। हाल ही में आपने नौकरी छोड़ी है? जी हाँ। कब? मंगलवार को। सजनानी से आखिरी बार कब मिली थी आप? मंगलवार को ही। मंगलवार को सजनानी राजनगर में था? दिन में नहीं था, रात को आया था वो। उसने विशालगढ़ से मुझे फ़ोन करके कहा था कि मैं उसके राजनगर पहुंचने तक ऑफिस में ही ठहरूं। ऑफिस में कितने बजे पहुंचा था वो? कोई 9:15। उसका उस वक्त मूड कैसा था? वो काफ़ी नर्वस और परेशान लग रहा था। मुझसे एक भी बात करने से पहले उसने कोट उतारकर मेज़ पर फेंक दिया था और बाथरूम में घुस गया था। बाथरूम में से जब नहा धोकर तरोताज़ा होकर वो बाहर निकला तो लगा मुझसे झगड़ा करने। वही झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैंने भी सोच लिया कि अब मैं एक क्षण के लिए भी इस आदमी की नौकरी नहीं करूंगी। उसने ऐसा कुछ बताया था कि वो विशालगढ़ से सीधा ऑफिस में पहुंचा था या पहले वो कहीं और भी गया था? ज़रूर वो पहले कहीं और भी गया होगा, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि उसकी अभी अभी एक ऐसे आदमी से बात हुई थी जिसके बारे में उसे पता लगा था कि वही शीला के बाप गोविंद ज्ञान चंदानी का हत्यारा था। उसने ये भी कहा था कि वो 11 बजे उससे फिर मिलने जाने वाला था। उसने उस आदमी का नाम लिया था? सुनील ने पूछा। नाम नहीं लिया था, लेकिन वो निश्चय ही मनोहरलाल का जिक्र कर रहा था। तुम्हें कैसे मालूम? तब नहीं मालूम था, लेकिन अब तो मालूम है मुझे, वो तनिक हड़बड़ाए स्वर में बोली। अब कैसे मालूम है? अब तो मैंने अखबार में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? यही कि मनोहरलाल का कत्ल हो गया है। लेकिन मनोहरलाल के कत्ल की अखबार में खबर पढ़कर तुमने ये कैसे सोच लिया कि जिस आदमी का सजनानी जिक्र कर रहा था वो मनोहरलाल ही था? मनोहरलाल के कत्ल के संदर्भ में अखबार में तो सजनानी का नाम एक बार भी नहीं आया है, आज के अखबार में आया है। फिर भी तुमने ये कैसे सोच लिया कि मंगलवार रात को सजनानी मनोहरलाल का ही जिक्र कर रहा था? मेरे ख्याल से तो वो मनोहरलाल का ही जिक्र कर रहा था। अगर ऐसा नहीं था तो मेरा ख्याल गलत होगा। सजनानी ने बताया था कि उस आदमी से उसकी बात कैसे हुई थी? वो उससे मिला था या टेलीफोन पर बात हुई थी? ये तो उसने बताया नहीं था। जब सजनानी ने ऑफिस में कदम रखा था उस वक्त उसके पास रिवॉल्वर थी? मंगला हिचकिचाई। जवाब दो, प्रभुदयाल तीखे स्वर में बोला। थी, मंगला बोली। बाथरूम में जाने से पहले जब उसने अपना कोट उतारकर मेज पर फेंका था तो उसने उसके साथ शोल्डर होलेस्टर भी उतारकर कोट के पास रख दिया था। मैंने शोल्डर होलेस्टर में से झांकती हुई रिवॉल्वर की मूठ देखी थी। क्या वो ये रिवॉल्वर थी? प्रभुदयाल ने उसे अपनी जेब से निकालकर रिवॉल्वर दिखाई। ये मैं कैसे कह सकती हूँ, मैंने तो होलेस्टर से बाहर झांकती रिवॉल्वर की सिर्फ मूठ देखी थी। हाँ, उसकी मूठ जरूर इस रिवॉल्वर जैसी थी। तुम्हारे ख्याल से सजनानी हत्यारा हो सकता है? मैं पुलिस के सामने अपना ख्याल जाहिर नहीं करना चाहती, मेरे ख्याल का गलत मतलब निकाला जा सकता है। सुनील ने प्रभुदयाल की तरफ देखा। प्रभुदयाल उठ खड़ा हुआ। थैंक यू मैडम, वो बोला, सहयोग के लिए धन्यवाद। सुनील ने उठने का उपक्रम नहीं किया। वो बोला, प्रभु जरा एक मिनट बैठो। किस लिए? अरे बैठो तो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। मैंने अभी सजनानी को भी तलाश करके उसे गिरफ्तार करना है। तुम चाहो तो यहाँ बैठ सकते हो। यार, जीप पर बिठाकर साथ लाए हो, अब क्या यूं ही छोड़ जाओगे? क्या एक मिनट और नहीं बैठ सकते? तुम चाहते क्या हो? अपने अखबार की खातिर मैं मंगला से एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं मुश्किल से 2 मिनट लगाऊंगा। अच्छा, प्रभुदयाल बोला, लेकिन उसने बैठने का उपक्रम नहीं किया। मंगला, सुनील बोला, मूल रूप से तुम कहाँ की रहने वाली हो? विशालगढ़ की, मंगला बोली। तुम मनोहरलाल को जानती थी? नहीं, वो भी विशालगढ़ का ही रहने वाला था। इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता, सुनील ने स्वीकार किया। सजनानी के ऑफिस में एक सेफ है, मालूम है। क्या उसकी चाबी तुम्हारे पास भी है? मंगला हिचकिचाई। ये बात मुझे सजनानी से भी मालूम हो सकती है मंगला, सुनील चेतावनी भरे स्वर में बोला। मेरे पास उस सेफ की चाबी है। जब तुम वहां नौकरी करती थी तो अपने दफ्तर के कामकाज के सिलसिले में वो सेफ अक्सर तुम्हें खोलनी पड़ती होगी। हाँ। उस सेफ में कभी तुमने कोई रिवॉल्वर देखी थी? हाँ, हमेशा देखी थी।
वो रिवॉल्वर वैसी ही थी जैसे इंस्पेक्टर साहब ने अभी तुम्हें दिखाई थी, हुबू वैसी थी। हाँ, तुम्हें मालूम है कि मैजेस्टिक सर्कल पर सजनानी के ऑफिस के पास ही एक मल्टी स्टोरी इमारत बन रही है। उस इमारत की तामीर में इस्तेमाल होने वाले सामान के बिल ऑफिस में तुम्हारे पास आते थे। तुम उन बिलों की रकमों का चेक बनाती थी और फिर उन चेकों पर सजनानी के साइन करा लेती थी। वो काम तुम्हारी सेक्रेटेरियल ड्यूटीज का एक हिस्सा था। मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, लेकिन ये बात तुम कह क्यों रहे हो? क्योंकि मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच नहीं है कि तुमने वोल्गा एंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी के हजारों रुपए के बिल के चेक सजनानी से साइन करवाए हैं, लेकिन हकीकतन ऐसी किसी कंपनी का अस्तित्व नहीं है। क्या ये सच नहीं है कि ये कंपनी बोगस है? उसके बिल बोगस थे, लेकिन अपने सर सजनानी के एतबार का फायदा उठाकर तुमने उस कंपनी के नाम काटे मोटी मोटी रकमों के चेक सजनानी से साइन करवाए और इस प्रकार अपनी खातिर या किसी और की खातिर तुमने सजनानी की लाखों की रकम का घोटाला किया। एकाएक मंगला के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। मंगला की सूरत पर एक निगाह पड़ते ही प्रभुदयाल भी चौकन्ना हो गया। उसकी पहली निगाह मंगला के चेहरे पर टिक गई। और क्या ये भी सच नहीं है, सुनील आगे बढ़ा, कि रुपए पैसे का ये तमाम घोटाला तुमने मनोहर लाल के इशारे पर किया? और जब इस प्रकार गबन की हुई दौलत में मनोहर लाल ने तुम्हें मुनासिब हिस्सा नहीं दिया तो क्रोध में आकर तुमने उसका कत्ल कर दिया? मंगला के सफ़ेद पड़ गए होंठ बोलने के उपक्रम में कागज की तरह फड़फड़ाए, लेकिन उसके मुँह से बोल ना फूटा। प्रभु, सुनील बोला, ज़रा लड़की को वो खून से सना तौलिया दिखाओ। प्रभुदयाल ने लिफाफे में से तौलिया निकाला और उसे मंगला के सामने मेज़ पर डाल दिया, लेकिन मंगला ने तौलिया की तरफ निगाह भी नहीं उठाई। ये तौलिया सजनानी के दफ्तर में पड़ी एक पुरानी फाइलों की कैबिनेट में से बरामद हुआ है, सुनील बोला। इंस्पेक्टर साहब का ख्याल है कि इसे सजनानी ने वहाँ छुपाया था, लेकिन हकीकतन ऐसा तुमने किया था। अगर ये तौलिया सजनानी ने वहाँ छुपाया होता तो मंगलवार रात से आज तक ये वहाँ ना पड़ा होता। सजनानी कब का इसे नष्ट कर चुका होता, लेकिन मंगलवार रात को सजनानी ने, क्योंकि तुम्हें खड़े पैर नौकरी से निकाल दिया था, इसलिए तुम्हें वो तौलिया वहाँ से निकालने का आज तक मौका ना मिला। कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? एकाएक मंगला ने अपने हाथों में अपना मुंह छुपा लिया और फफक फफक कर रोने लगी। मंगलवार रात को जब तुम मनोहर लाल से उसके होटल के स्वीट में मिलने गई थी तो तुम सजनानी की सेफ खोलकर उसमें पड़ी रिवॉल्वर साथ ले गई थी। वहाँ तुमने उस रिवॉल्वर से मनोहर लाल का कत्ल किया। कत्ल के दौरान या तो खून के कुछ छींटे तुम पर उछल पड़े थे या किसी और वजह से तुम्हें खून लग गया, जो तुमने वहीं से एक तौलिया उठाकर पहुँचा और तौलिया अपने बैग में रख लिया। तुम ऑफिस में वापस लौटी। तुम्हारे वहाँ पहुँचने के कुछ ही क्षण बाद वहाँ सजनानी पहुँच गया। उसने अपना कोट और शोल्डर होलेस्टर उतार कर मेज़ पर फेंका और बाथरूम में जा घुसा। उस मौके का फ़ायदा उठाकर तुमने सबसे पहले खून से सने तौलिए को फाइलों की कैबिनेट में छुपाया, फिर तुमने सजनानी के शोल्डर होलेस्टर में से उसकी रिवॉल्वर निकालकर सेफ में रख दी और सेफ वाली रिवॉल्वर जिससे कि तुमने खून किया था सजनानी के शोल्डर होलेस्टर में रख दी। मंगला बदस्तूर रोती रही। रोना धोना बंद करो, एकाएक प्रभुदयाल कर्कश स्वर में बोला। मंगला की हिचकियाँ लेने की आवाज़ आनी बंद हो गई। इधर मेरी ओर देखो, मंगला ने अपना आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा ऊपर उठाया। तुमने मनोहर लाल का कत्ल किया है? मैंने उस पर गोली चलाई थी, वो रोती हुई बोली, लेकिन मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा था। मैं सिर्फ उसको धमकाने के लिए अपने साथ रिवॉल्वर लेकर आई थी, लेकिन वहाँ पैसे की खातिर मेरा उससे झगड़ा हो गया। बात यहाँ तक बढ़ गई कि वो मुझे मारने की धमकी देने लगा और फिर उसने एकाएक मेरी गर्दन दबोच ली। उस वक्त अगर मैं रिवॉल्वर निकालकर चलाने में कामयाब ना हो गई होती तो वो निश्चय ही मेरा गला घोंटकर मुझे मार डालता। गोली लगने पर उसकी छाती से खून का फवारा सा छूट पड़ा और खून के छींटे मुझ पर आकर पड़े। मैंने वहीं से एक तौलिया उठाकर खून पहुंचा और तौलिया और रिवॉल्वर के बारे में जो कुछ सुनील ने कहा वो सच कहा? हाँ। तुम कबूल करती हो कि तुमने मनोहर लाल का खून किया है? मैंने आत्मरक्षा के लिए उस पर गोली चलाई थी। वजह कुछ भी रही हो, उसका खून तुम्हारे हाथों हुआ है? हाँ, मैं तुम्हें मनोहर लाल के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करता हूँ। मंगला एकाएक जोर जोर से रोने लगी। सुनील, रमाकांत, कन्हैयालाल सजनानी और शीला ज्ञानचंदानी यूथ क्लब में रमाकांत के ऑफिस में बैठे थे। रमाकांत मेज़ के पीछे अपनी घूमने वाली कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने पड़ी तीन कुर्सियों पर सुनील, शीला और सजनानी बैठे थे। मेज़ पर एक जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की खुली हुई बोतल रखी थी। सजनानी, रमाकांत और सुनील के हाथों में विस्की के ग्लास थे। शीला के सामने टोमेटो जूस का लंबा ग्लास रखा था। साईं, सजनानी बोला, बड़ी शुक्र है नहीं कि ये फसाद खत्म हुआ। सजनानी, सुनील बोला, जैसे तुम समझ रहे थे कि कत्ल शीला ने किया था, वैसे ही शीला भी समझ रही थी कि कत्ल तुमने किया था।
वड़ी तुम ऐसा क्यों समझ रही थी? नहीं, सजनानी स्नेहसिक स्वर में बोला। मंगलवार रात को, शीला धीरे से बोली, जब मैं सेसिल होटल पहुंची थी तो मैंने वहां आपको अपनी कार पर सवार होकर वहां से रवाना होते देखा था। मैंने तो तुम्हें नहीं देखा था। नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने आपको देखा था। बाद में जब आप मेरे फ्लैट पर आए और आपने मुझे रिवॉल्वर दी तो मैंने उसमें एक खाली कारतूस पाया। उस रिवॉल्वर की नाक में से उस वक्त भी बारूद की गंध आ रही थी। उन हालात में मैंने यही समझा कि मनोहर लाल का खून आपके हाथों हुआ था। अगले दिन जब गोपी सुनील के साथ मेरे फ्लैट पर आया और इसने भी मुझे एक वैसी ही रिवॉल्वर दी जिसमें कि एक खाली कारतूस था, तो मैं फौरन समझ गई कि वास्तव में सुनील क्या चाहता था। मैं ये चाहता था कि पूछे जाने पर तुम कहो कि गोपी की दी रिवॉल्वर ही वो रिवॉल्वर थी जो सजनानी ने तुम्हें दी थी। सुनील बोला, तुम रिवॉल्वरों की अदला बदली करो, ये मैं नहीं चाहता था और ना मुझे सूझा था कि तुमने ऐसा किया होगा। हालांकि तुम्हारे पास एक ही समय में दो रिवॉल्वरों की मौजूदगी की वजह से मुझे ये बात फौरन सूझनी चाहिए थी। मैंने तो तुम्हारे जाते ही मेज पर से गोपी वाली रिवॉल्वर उठा ली थी और उसके स्थान पर सजनानी साहब वाली रिवॉल्वर रख दी थी। गोपी वाली रिवॉल्वर को मैंने उस वक्त बाथरूम में पानी की टंकी में छुपा दिया था। बाद में जब पुलिस मेरे फ्लैट पर आई थी और मेज पर पड़ी रिवॉल्वर अपने अधिकार में करके चली गई थी, तो मैंने पानी की टंकी में से रिवॉल्वर निकाल ली थी। समीप ही एक नई इमारत बन रही थी जहाँ की कंक्रीट के पिलर खड़े किए जा रहे थे। मैंने उस रिवॉल्वर को एक पिलर में सीमेंट के साथ डाल दिया था। इसलिए तुम कह रही थी कि तुमने रिवॉल्वर ऐसी जगह गायब की थी, सुनील बोला, जहाँ से पुलिस तो उसे क्या बरामद करती, तुम खुद भी उसे वापस हासिल नहीं कर सकती थी। करेक्ट, उस रात, सजनानी बोला, जब मैं होटल में मनोहर लाल से मिलने गया था तो उसने मुझे स्वीट के भीतर दाखिल नहीं होने दिया था क्योंकि भीतर पहले से ही कोई और मौजूद था। साईं, वो कोई और ज़रूर मंगला रही होगी। मनोहर लाल के उस वक्त के मूड से भी ऐसा ही लग रहा था कि मंगला और उसमें चलती किसी टकरार के दौरान मैं वहाँ पहुँचा था, इसलिए उसने उस वक्त मुझे टाल दिया था और 11 बजे दोबारा आने के लिए कहा था। 8 बजे जब मैं मनोहर लाल से मिलने गया था, सुनील बोला, तो मेरी मौजूदगी के दौरान मनोहर लाल को जो टेलीफोन आया था वो ज़रूर मंगला का ही था। मनोहर लाल ने उसको सिर्फ 2 मिनट का वक्त मांगा था। इससे साबित होता है कि उसने होटल के रिसेप्शन से ही उसे फ़ोन किया था। मनोहर लाल ने जब मुझे चलता कर दिया था तो मैंने होटल के बाहर आकर उसके मुख्य द्वार की खूब निगरानी की थी, लेकिन मंगला मुझे दिखाई नहीं दी थी। जब मैं लिफ्ट द्वारा नीचे आ रहा था, ठीक उसी समय शायद वो दूसरी लिफ्ट द्वारा ऊपर जा रही थी और इसलिए वो मुझे दिखाई नहीं दी थी। मैंने तो इस उम्मीद में पिछवाड़े के भी चक्कर लगाए थे कि शायद मनोहर लाल से जो मिलने आने वाला था वो पिछवाड़े के रास्ते से आए। पिछवाड़े में मुझे मंगला तो दिखाई नहीं दी, अलबत्ता हड़बड़ाहट में सीढ़ियाँ उतरती शीला दिखाई दे गई। शीला, वास्तव में तो तुम इसलिए घबराई हुई थी ना, क्योंकि वहाँ पहुँचने पर तुमने मनोहर लाल के स्थान पर उसकी लाश देखी थी। हाँ, लाश देखकर मेरे छक्के छूट गए थे। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे कोई वहाँ देखे, इसलिए मैंने पिछवाड़े के रास्ते वहाँ से चुपचाप निकल जाना चाहा था। असल में मनोहर लाल ने तुम्हें होटल नीलम के दूसरे हिस्से की कोई ऑफ़र नहीं दी थी, सजनानी बोला, तुमने यूं ही कह दिया था कि वो तुम्हें 1.5 लाख रुपया ऑफ़र कर रहा था। हाँ, शीला बोली, और तुम्हारे होते मनोहर लाल को आए टेलीफोन वाली बात भी तुमने मुझे झूठी कही थी, सुनील बोला। हाँ, शीला बोली, वो बात तो मैंने अपने पिछवाड़े के रास्ते से वहाँ से निकलने की कोई मुनासिब वजह तुम्हें बताने की खातिर घड़ ली थी, और उसी बात को बल देने की खातिर मैंने ये कह दिया था कि शायद मनोहर लाल गोपी की बीवी से बात कर रहा था। वास्तव में तो जब मैं मनोहर लाल के स्वीट में पहुंची थी तो मुझे वहाँ उसकी खून के तालाब में डूबी बड़ी लाश दिखाई दी थी। मैं ये देखने के लिए कि वो जिंदा था या मर गया, जब उसके ऊपर झुकी तो मेरे हाथों को भी उसका खून लग गया और मेरा एक पाँव भी खून के तालाब में पड़ गया। मैंने सैंडल उतार कर हाथ में ले ली और बाथरूम में जाकर अपने हाथ और अपनी सैंडल खूब मलमल कर धोई। अपने फ्लैट पर पहुंचकर मैंने सैंडल को फिर धोया, लेकिन पुलिस फिर भी ये साबित करने में कामयाब हो गई कि मेरी सैंडल को खून लगा था। तुम्हारी खामोशी की वजह से तुम्हें फांसी की सजा हो सकती थी, सुनील बोला। हो सकती थी, शीला सहज भाव से बोली। सजनानी ने अपने ग्लास में से विस्की का एक बड़ा घूंट पिया। गोपी, फिर एकाएक वो यूं बोला जैसे उसका लड़का उसके सामने खड़ा हो। वड़ी लगती लानत हुई। लड़के को क्यों कोस रहे हो सजनानी, सुनील बोला। वड़ी और क्या करूँनी, सजनानी दुखी स्वर में बोला। वड़ी देखो ना, शीला जैसी लड़की को छोड़कर उसने उस क्लब में नाचने वाली से शादी कर ली। अगर उसे अपनी बीवी के तौर पर एक क्लब में नाचने वाली लड़की पसंद है तो इससे तुम्हें क्या ऐतराज़ है? ऐतराज़ तो मुझे बहुत ऐसा ही, यू कहो कि मेरे ऐतराज़ की परवाह कौन करता है। कहीं क्षण कोई कुछ न बोला। अंत में शीला ने चुप्पी तोड़ी। अब होटल नीलम की बिक्री का क्या होगा, वो बोली। जो होगा सामने आ जाएगा, सजनानी बोला।
अगर सारे फसाद की जड़ मनोहर लाल खुद था तो उसकी मौत के बाद होटल नीलम खरीदने में शायद किसी को भी दिलचस्पी ना रहे। लेकिन अगर वो किन्हीं और लोगों का प्रतिनिधि था तो कोई ना कोई फिर तुम्हारे और मेरे पास पहुंच जाएगा। लेकिन एक बात की गारंटी है। किस बात की? इस बार जो कोई भी हमारे पास आएगा वो मनोहर लाल की तरह डराता धमकाता या गरजता बरसता नहीं आएगा। वो दबकर आएगा और खामोशी से खरीदारी मुकम्मल करने की कोशिश करेगा। आई सी। सजनानी, सुनील बोला, तुम्हें मालूम हो गया है ना कि वोल्गा एंटरप्राइजेस के नाम के बोगस चेक तुमसे साइन करवा कर मंगला तुम्हें लाखों की थूक लगा चुकी है। हाँ, सजनानी उदास स्वर में बोला, साईं वो पुटरी तो हद से ज़्यादा लानती निकली। अपनी करतूतों का फल भी तो मिल गया उसको। हाँ वो तो है नहीं। सुनील, रमाकांत पहली बार बोला, ये अभी तक नहीं पता लग सका कि वोल्गा एंटरप्राइजेस की स्टेशनरी किस प्रिंटर ने छापी थी। अब उसका पता लगाने की जरूरत भी नहीं, सुनील बोला, मनोहर लाल की करतूतें मंगला के मुंह से सुन चुकने के बाद अब उस बात की कोई अहमियत नहीं रह गई है। मुमकिन है वो स्टेशनरी मनोहर लाल ने विशालगढ़ में छपवाई हो। रमाकांत, केस तो निपट गया लेकिन इसकी एक बात है जो अभी भी रहस्य बनी हुई है। क्या? गोपी के ऑफिस की चौखट में से वो गोली कहाँ गायब हो गई जो मैंने वहां चलाई थी? रमाकांत के चेहरे पर एक रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट प्रकट हुई। उसने बड़े इत्मीनान से अपने चार मीनार के सिगरेट का एक लंबा कश लगाकर उसे एस्ट्रे में झोंका, अपने सामने रखा विस्की का ग्लास खाली किया, फिर अपने मेज के दराज में हाथ डाला। दराज में से हाथ निकालकर उसने सुनील के आगे कर दिया। सुनील ने देखा हाथ की मुट्ठी बंद थी। क्या है? वो शशन स्वर में बोला। रमाकांत ने मुट्ठी खोली, उसकी हथेली पर एक गोली रखी थी। रमाकांत, सुनील नेत्र फैलाकर बोला, ये गोली तुमने वहां से निकाली थी? वीरवार सुबह जब मैं तुम्हारे पास आया था, रमाकांत धीरे से बोला, तो मैंने तुम्हें उस गोली की बहुत चिंता करते पाया था। तुमने ये भी कहा था कि तुम खुद गोली को वहां से निकाल लाने का हौसला नहीं कर सकते थे। तुम्हारे फ्लैट से निकलकर मैं सीधा वहां पहुंच गया था और गोली निकाल लाया था। ओह, तो इसलिए उस रोज तुम मुझे अपनी कार में लिफ्ट नहीं दे रहे थे? हाँ, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मेरे इरादे की भनक तक पड़े। लेकिन तुमने गोली निकाली कैसे? किसी ने तुम्हें देखा नहीं? अगर मैं गोपी के ऑफिस में घुसता तो मुझे बहुत लोग देखते, लेकिन मैं तो पिछवाड़े की उस गली में चला गया था जहाँ की वो खिड़की खुलती थी जिसकी चौखट में गोली धसी हुई थी। मैं अपनी कार की छत पर चढ़ गया था और मैंने चाकू से चौखट को छीलकर गोली निकाल ली थी। तुमने ऐसा मेरी खातिर किया? सुनील मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। फिर क्या हो गया? रमाकांत आंखें निकाल कर बोला, यार नहीं हो तुम, लेकिन फिर भी प्यारे हो। यारा नाल बहारा मेले मित्रा दे। सुनील का दिल भर आया। इसी बात पर रमाकांत बोतल की ओर हाथ बढ़ाता हुआ बोला, अमरीक सिंह काले बिल्ले का एक जाम और हो जाए। उस रोज ड्रिंक्स का वो दौर रात के 3 बजे तक चला। समाप्त। तो दोस्तों, ये था खाली कारतूस नॉवल का आखिरी भाग। ये उपन्यास आपको कैसा लगा प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कॉन्टेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।